हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? जीवन के लुत्फ उठा रहे हो? आनंद में हो ना? आज एक्साइटेड हो गए आप? आज आपका ये चैप्टर नंबर 17 क्या होने वाला है? कंप्लीट। तैयार हो फिर क्लास के लिए? ओ, क्या कर रहे हैं हम? हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। आज सेकंड क्लास और लास्ट क्लास है। क्या करना है आज हमें? मेनली ई वे बिल। बाकी तो हमारा हो गया है, हो गया, हो गया है। ओ, तो आज सर सर हम ना पहले पता क्या करेंगे? क्या करोगे सर? हम आज पहले रिवीजन करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे। अरे ये तो रोज करते हो। नई बात बताओ, कुछ नई बात। ये रिवीजन और होमवर्क आज मैं एक ओवरव्यू दूंगा अपने ईवे बिल के साथ ही, जो कल हमने किया था रूल 138 ABCDE, वो इसके साथ रिवाइज हो जाएगा। तो मैं नया टॉपिक सीधे तौर से शुरू कर रहा हूं आज। ओके ओके। अच्छा, क्या करना हमें आज? हमें करने हैं ईवे रूल्स, और उसमें मेन हमारा जो बचा हुआ है रूल 138। और इससे कनेक्टेड सेक्शन 129 की पेनल्टी है, और एक सेक्शन 122 की पेनल्टी का एक पॉइंट है, तो वो दोनों आज डिस्कस करेंगे। ओ, ये बात तो सर शुरू करें। हाँ, लेके प्रभु का नाम करें शुरू। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर रहे हो? मस्त क्वेश्चन बैंक बना रखा ना, हर टॉपिक के क्वेश्चन है साथ साथ में। क्यों करना है क्वेश्चन बैंक? ये देखो ना, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? करता हूं और समझ जाता हूं। मैं जो बोल रहा हूं आप सुनते हो, भूल जाते हो, फिर मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूं आपके दिमाग पे वो इंप्रेशन डालने के लिए। तो देखते हो, याद रखते हो, लेकिन मजा तो तब है जब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आप खुद पूरा पूरा आंसर लिख लिख के देखे। होमवर्क का रजिस्टर बना रखा है ना? तो करता हूं समझ जाता हूं, ये बात हमेशा याद रखनी है इनकी। ओके, और आज का शुद्ध और शुभ विचार, नेक्स्ट, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो घर से निकला ही नहीं वो मंजिल के पास पहुंचेगा कैसे? तो आज अपने इस शुद्ध और शुभ विचार के साथ शुरू करते हैं ई वे बिल। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ. ये क्या, ये क्या, ये क्या? हम रूल 138 करने वाले हैं। ये रूल्स हम कल सेक्शन 67 के बाद कर चुके हैं, तो इनका एक हल्का सा मैं ओवरव्यू दूंगा आज। इसके लिए आप पिछली वाली क्लास पढ़ना, ठीक है? तो चलते हैं रूल 138 ई वे बिल की तरफ। हाँ जी, हल्का फुल्का आइडिया दिया था, आज फिर बता रहा हूं। ये जो ई वे बिल है क्यों बनाना होता है, बताओ बताओ बताओ। आज मैं पहले पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर आपको मैं रीड कराऊंगा, ठीक है? रीड में बाद में कराऊंगा, सीधे साथ साथ नहीं। तो बताओ, ये ई वे बिल हमें क्यों क्यों क्यों, ये जो ई वे बिल है हमें क्यों बनाना होता है? रीजन क्या है ई वे बिल बनाने का? इसका पार्ट ए है और इसका पार्ट बी है। ये हमें बनाना क्यों होता है, वजह बता सकते हो? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जीएसटी आने से पहले ई वे बिल जैसे बिल तो थे, हर स्टेट का अलग अलग एंट्री पास होता था। किसी ने कुछ ST 38 फॉर्म नाम रखा हुआ, किसी ने कुछ रखा हुआ है। जो फेक बिल काट देते थे, उन फेक बिल को रोकना था। ई वे बिल का मेन पर्पस क्या था? जो बोगस इनवाइसेस होते थे उन्हें चेक करना, उनको कंट्रोल करना। होता क्या था, सेलर के यहां से माल चला, बायर के पास पहुंचा, बीच रास्ते में चेक नहीं किया गया, सेलर ने बिल फाड़ दिया, बायर ने भी बिल फाड़ दिया, इसके ऊपर में टैक्स गवर्नमेंट के पास गया ही नहीं। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम जो भी अपनी प्रिमाइसेस से गुड्स की मूवमेंट शुरू करोगे, पहले हमें बताओगे। हमारा पोर्टल है ewaybill.gst.gov.in, वहां पर जाकर पहले हमें इंटीमेट करोगे आप अपने प्रिमाइसेस से अगर माल निकाल रहे हो तो। उसने पूछा, क्या हमें हर बार इंटीमेट करना होगा? हमने कहा, छोड़ो,
छोटा मोटा सामान भेज रहे हो तो छोड़ दो। बोले छोटे मोटे का क्या मतलब है? बोले 50,000 से ऊपर की वैल्यू के अगर आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो आपको ई वे बिल हमारी साइट से, हमारे ई वे बिल के पोर्टल से बनाना होगा। सर gst.gov.in भी तो है जहां से रिटर्न फाइल होती है, वहां टैक्स पे होते हैं हम, उसमें GSTR 3 भी, GSTR 1। अरे वो पोर्टल हमने अलग रखा है क्योंकि वो ही बार बार रुक जाता है, इतने लोग उस पे अपने रिटर्न अपलोड कर रहे होते हैं। तो मैं ई वे बिल भी लाखों करोड़ों में डेली इश्यू हो रहे, अगर हम यहाँ पे ही रखते तो फिर तो बनी नहीं पाते। तो इसलिए उन्होंने ई वे बिल पोर्टल को अलग कर दिया और GST जो पोर्टल है जहाँ रिटर्न विटर्न फाइल होती है वो अलग कर दिया। क्यों बनाया ई वे बिल? ई वे बिल नाम से पता लगता है, वे रास्ता, रास्ते के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आपने इलेक्ट्रिक पोर्टल से ही आपने जनरेट किया है। रास्ते में अगर कोई ऑफिसर दिखेगा तो बोलो ये देखो मेरा वे बिल, मैंने पहले ही परमिशन ले रखी है इस रास्ते से जाने की, मैं दिल्ली से जयपुर अपना सामान लेके जा रहा हूं तो मैंने पहले ही परमिशन ले रखी है, पोर्टल पर मैंने बताया था मैं दिल्ली से जयपुर जाऊंगा, आपके पास प्रायर इंटीमेशन है, आप चेक कर लो, मेरा ये वाला नंबर है, आप चेक कर लो, मैंने बता रखा है ये वाले गुड्स लेके जाऊंगा, इतनी वैल्यू के लेके जाऊंगा, तो आप मेरे को परेशान ना करो। तो ई वे बिल एक क्या है? एक इंफॉर्मेशन है पहले ही गवर्नमेंट को कि हम जो गुड्स की मूवमेंट करें। सर बार बार आप मूवमेंट क्यों बोल रहे हो? अगर आप माल बेचोगे तभी तो मूवमेंट करोगे। अरे भाई नहीं, हम हो सकता है कि हम गुड्स की मूवमेंट करें और हमने माल ना बेचा हो। सर एग्जांपल बताओ, आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर माल रिमूव किया, आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर माल रिमूव किया जो 6 महीने में अप्रूव हो सकता है, तो जब आपने अभी सेल ही नहीं करी, आपने सप्लाई की ही नहीं, तो भी आपको ई वे बिल बनाना होगा। जब जब गुड्स की मूवमेंट होगी, सेल वेल की बात नहीं कर रहा, जब जब गुड्स की मूवमेंट होगी तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि गुड्स सेल तो हो गया, गुड्स की मूवमेंट ही ना हो। याद करो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में किया था सेक्शन 10(1)(c) जिसमें हम गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे थे। जहां गुड्स हैं सेल एज इज वेयर बेसिस, इसको ऐसा नाम देते थे ना, जहां गुड्स हैं वहीं बड़े बड़े बिक गए उसकी मूवमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक मशीन मैंने किराए पे ले रखी है ऑलरेडी, लगभग 5-6 महीने पहले मैंने किराए पे ली थी, वो मेरी प्रीमाइसिस पर है। अब मैंने उसको बोला, इसके मालिक को, कि मेरे को अब ये परचेज करनी है, तो ये मशीन ऑलरेडी मेरे पास है। अब ये मानते हैं 10 लाख की मशीन है, ये 10 लाख की मशीन की अब मूवमेंट नहीं होगी, मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब ये मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगी तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी तो ई वे बिल की जरूरत है। सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन, एक और एग्जाम्पल देखिए, सेल किया उसी को लीज बैक, लीज किराए पर ले लिया, अब वो आपके पास है, आपके पास ही रहेंगे, गुड्स की मूवमेंट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपने माल बेचा हो लेकिन फिर भी गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है तो ई वे बिल नहीं बनेगा। सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन में ई वे बिल नहीं बनेगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है सप्लाई हुई हो फिर भी ई वे बिल ना बने, क्यों? क्योंकि गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है सप्लाई ना हुई हो लेकिन गुड्स की मूवमेंट हो रही है, जॉब वर्क पे आपने भेजा, आपने कोई मशीन रिपेयर के लिए भेजी या एसी रिपेयर के लिए भेजा, आपने सेलर अप्रूवल बेसिस पे भेजा, तो इस केस, इन केसेस में सेल नहीं हुई, आप एग्जीबिशन पे भेज रहे हो, अपनी कोई पेंटिंग भेज रहे हो 50,000 से ऊपर की कीमत की है, तो जब जब आप सेल नहीं कर रहे लेकिन गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, अगर वो वैल्यू 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, तो ई वे बिल गवर्नमेंट को पहले ही बताना पड़ेगा, मैं ये गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूं, मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा, तो रास्ते में मेरे को ई वे बिल लेकर चलना है, अगर रास्ते में कोई मांगेगा ऑफिसर तो मुझे दिखाना पड़ेगा वो ई वे बिल, ठीक है? सर सर ये ई वे बिल सिर्फ सेल के केस में बनेगा, गुड्स के केस में, या सर्विस प्रोवाइडर भी बना सकता है? अगर सर्विस प्रोवाइडर के गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो भी ई वे बिल बनेगा,
अगर सर्विस, जैसे मैं कोचिंग की सर्विस देता हूं, स्टारगेट कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, वो अपने कंप्यूटर्स की गुड्स, कंप्यूटर्स की मूवमेंट करना चाहता है और उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो हमें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हम दिल्ली से ये सोनीपत में ये कंप्यूटर लेके जा रहे हैं जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है। हम दिल्ली से ये कहां, हम दिल्ली से कंप्यूटर लेके जा रहे हैं सोनीपत में, इनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं, बीच रस्ते में हमारे को तंग मत कराना, ऑफिसर दिखेगा तो हम वही ई वे बिल ही दिखा देंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी अगर गुड्स की मूवमेंट करता है तो उसे भी ई वे बिल बनाना है, ठीक है। और ये किसे बनाना है, अगर रजिस्टर्ड है तो, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ना सेलर ना बायर, फिर हमें ई वे बिल ऑप्शनल है, बना सकते हो, आपकी मर्जी है, हम आप पे मैंडेटरी नहीं रखते। या 50,000 से कम की वैल्यू है, आप ई वे बिल बनाना चाहो बना सकते हो, हम आप पे मैंडेटरी नहीं रखते। सर सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, हम ई वे बिल डॉट जीएसटी डॉट जीओ डॉट इन पे जाएंगे पोर्टल पर, हम कैसे बनाएंगे ई वे बिल? उन्होंने ऑप्शन दिए, आप अपने पैन या आधार कार्ड के बेसिस पर एक एनरोलमेंट करा लीजिए। ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को भी ऑप्शन दी गई है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो पैन और दूसरा आपका आधार कार्ड, इसके बेसिस पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर ले लीजिए। और ट्रांसपोर्टर को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बना के देना है। अगर सेलर बायर कंसाइनर कंसाइनी नहीं बनाते तो फिर ट्रांसपोर्टर को बनाना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टर को तो एनरोलमेंट नंबर लेना ही है, एनरोलमेंट नंबर लेना ही है। अच्छा जी चलो, अब कुछ केसेस में ई वे बिल नहीं बनेगा, जैसे पेमेंट, मान लीजिए हम एटीएम में पैसे रखने जा रहे हैं या बैंक में आरबीआई से कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है 10 करोड़, चलो पहले ई वे बिल बनाते हैं। ई वे बिल बनाया ऑफिसर को पता लग गया, जिसने भी देखा वहां पे, जिसके भी कंट्रोल में, उसको पता लग गया, उसका मान लो कोई नोन है ऐसा कोई गुर्गा, उसको फोन कर दिया यहां से 10 करोड़ रुपए आ रहा, इतना तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं कमाया, एक काम करो बीच रस्ते में लूट लो। तो बीच रस्ते में ये तो करेंसी लूट जाएगी, लुटिया डूब जाएगी। उनका कुछ केसेस में हम फिर बोलते हैं ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, करेंसी के केस में, करेंसी की अगर मूवमेंट हो रही है ई वे बिल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ज्वेलर है, ज्वेलर, ज्वेलरी होती थोड़ी सी है और इतनी कीमती होती है, ज्वेलर ने अपना वो क्या कर रहा है, उसने अपने झोले में डाला ज्वेलरी और दिखाने जा रहा है कस्टमर को, और झोले में जो ज्वेलरी है वो कितने की है, वो इतनी महंगी होती है 10 लाख की है, 50,000 से ऊपर की वैल्यू क्या है, ई वे बिल बनाना पड़ेगा एज पर रूल 138 कहता बनाओ। लेकिन लेकिन ये अगर इंटीमेशन गई और ये लीक हो गई इंफॉर्मेशन, ये तो 50,000 की ई वे बिल बनाने के चक्कर में माली लूट जाएगा इसका, लुटिया डूब जाएगी इसकी। तो फिर उन्होंने बोला चलो तुम ज्वेलरी के केस में ई वे बिल मत बनाना, ज्वेलरी के केस में ई वे बिल मत बनाना। अच्छा हमारे घर की, मैं अपनी कार की मूवमेंट कर रहा हूं, कार की वैल्यू तो 50,000 से ऊपर है, मैं अपने कार की मूवमेंट कर रहा हूं, कहां से, मैं सोनीपत रहता हूं, मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो 50,000 से ऊपर की है, तो क्या मेरे को ई वे बिल बनाना है? उत्तर, मैं तो रोज आता जाता हूं, रोज मैं ई वे बिल बनाऊंगा। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, हाउस होल्ड गुड्स के लिए तुम छोड़ो जी, हाउस होल्ड गुड्स के लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, हाउस होल्ड गुड्स के लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एक केस भी गया यहां आगे कोर्ट में, उसमें क्या हुआ, एक कंपनी ने कार बेची, कार की डिलीवरी देनी थी कस्टमर को, कार परचेज कर लिया आपने, ठीक है, अब कार की मूवमेंट हो रही है, आपके यहां पे डिलीवरी देनी है घर पे, तो बीच रस्ते में उन्होंने गाड़ी वाली गाड़ी को रोक लिया, नई गाड़ी से उन्होंने रोक लिया, बोले कि कहां जा रहे हो, बोले ये डिलीवरी देनी है उनको, नई गाड़ी है उनकी डिलीवरी देने जा रहे हैं, उन्होंने रोक लिया, बोले ई वे बिल दिखाओ, बोले इसका ई वे बिल, ये तो कार है, बोले कार है या बाजार है, 50,000 से ऊपर की वैल्यू को कोई भी गुड्स ई वे बिल बनाना है। लेकिन लेटर ऑन इसको कोर्ट ने बोला कि इस बंदे ने जब ये परचेज करी कार तो ये हाउस होल्ड गुड्स हो गई इसकी, और ये यूज हो रही है तो यूज हाउस होल्ड गुड्स में आ गई, तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यूज हाउस होल्ड गुड्स वाला भी
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा और कोई एग्जाम्पल ले, जब ई वे बिल ना बनाना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेटर हम डिस्कस करेंगे। एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, हम अपनी बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, तांगा गाड़ी पे जा रहे हैं, ऊंट गाड़ी पे जा रहे हैं, उस पर मैं माल रख के जा रहा हूं, कितने का? ये लुधियाना में लोगों ने बहुत किया, अभी भी कर रहे, बैलगाड़ी पे लेके जा रहे हैं, कितने का सामान है जी? 4 लाख का सामान है, 5 लाख का सामान है। अब ई वे बिल बनना है, ई वे बिल नहीं बनना, वो कहते हैं मोटराइज्ड कन्वेंस से, मोटराइज्ड कन्वेंस से जब आप गुड्स की मूवमेंट करोगे, कन्वेंस यूज किया है, ट्रक नहीं यूज किया, ध्यान रहे, कन्वेंस में आपका वेसल भी आता है, एयरक्राफ्ट भी आता है, आपका ट्रेन भी आती है और व्हीकल भी आता है, लेकिन ये जो बैलगाड़ी है मोटर नहीं लगी हुई ना, तो मोटर नहीं लगी तो ई वे बिल नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए इतना कुछ के बाद में अब मैं आपको बताऊं, हमारे ना ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी, एक होता है पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है इसमें आपकी गुड्स की डिटेल जाती है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की डिटेल जाती है। तो इसको मैं आगे दिखाता हूं, देखेंगे। ये देखिए सप्लायर रिसिपिएंट, ओ क्या कर रहा है, गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। आप आइडिया लेते जाइए फटाफट से और फिर मैं इकट्ठा पढ़ा दूंगा आपको। हाँ जी पेज नंबर, आप अगर पढ़ेंगे तो आप पेज नंबर 17.10 पे आ जाना, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप यहां यहां से देखते जाओ। सप्लायर रिसिपिएंट को माल बेचा, माल बेचा है जी, माल बेचा तो गुड्स की मूवमेंट यहां से शुरू होगी। मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, ध्यान रहे, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो ई वे बिल का पार्ट ए भरेगा, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो पार्ट ए भरेगा। जो भी का क्या मतलब है, हो सकता है सेलर ने होम डिलीवरी देनी हो तो सेलर गुड्स की मूवमेंट करेगा, जब रिसीपिएंट ने बोला कि तुम मेरे को यहां पे होम डिलीवरी दे दो, सेलर गुड्स की मूवमेंट करेगा, तो सेलर को ई वे बिल का पार्ट ए भरना है। ध्यान रहे पार्ट ए भरने से ई वे बिल नहीं बन गया, पार्ट ए भरने से तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, पार्ट ए फाइल करने पर तो आपको क्या मिलता है, एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, पार्ट ए फाइल करने पर क्या होता है, यूनिक नंबर। अभी पार्ट बी जब भरा जाएगा तब आपको ई वे बिल नंबर मिलेगा, ठीक है, और वो पार्ट भी 15 दिन के अंदर अंदर भरा जा सकता है। तो वापस आते हैं हम, ये जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, अगर सप्लायर तो सप्लायर ई वे बिल का पार्ट ए भरेगा, रिसीपिएंट तो रिसीपिएंट पार्ट ए भरेगा, रिसीपिएंट तो रिसीपिएंट पार्ट ए भरेगा। इसमें क्या डिटेल है, पार्ट ए में डिटेल है कि सप्लायर का जीएसटीन, रिसीपिएंट का जीएसटीन, जहां डिलीवरी होगी उसका पिन कोड डालना है, जहां डिलीवरी होगी उसका पिन कोड डालना है। तो होगा क्या, जहां से चल रहा है और वहां का जहां पहुंच रहा है उसका पिन कोड है, वो ऑटोमेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। सर डिस्टेंस कैलकुलेट करने से क्या होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करने से ये होगा कि इस ई वे बिल की वैलिडिटी है कुछ, ऐसे नहीं कि आप एक महीने में ई वे बिल आपने इश्यू कर लिया तो महीने बाद आप सामान पहुंचा दो, ना 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 ना, ना, ना। ये ई वे बिल जब लेके आने लगे तो उन्होंने सर्वे किया, यूएसए में एक ट्रक एक दिन में लगभग 600 से 700 किलोमीटर रास्ता तय कर लेता है। जब इंडिया में बात आई तो उन्होंने देखा कि एक कन्वेंस एक दिन में बमुश्किल 150 या 200 किलोमीटर मुश्किल से तय कर पाता है, वजह लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, इतनी भीड़ होती है, तो इसलिए वो बमुश्किल 150-200 किलोमीटर मुश्किल से तय कर पाता है। अब इन्होंने बोल दिया कि ये जो ई वे बिल होगा ना, आप 100 किलोमीटर एक दिन में तय कर लेना, हम इसकी वैलिडिटी 100 किलोमीटर तक एक दिन रखते हैं, 100 किलोमीटर तक एक दिन की वैलिडिटी रखते हैं जी, ठीक है जी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, तो 100 किलोमीटर तक ये एक दिन की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन कई आपने वो नहीं देखे होते, भारी भारी ट्रक के बाहर सामान निकला हुआ है, ट्रक हैं और उनके भी बाहर सामान निकला हुआ, एक बड़ी सी मशीन है जिस जो उसका साइज उससे एक्सीड कर रहा है ट्रक के साइज से, तो बाहर निकला हुआ है, उसको स्लो स्लो चलना पड़ता है, तब ऐसे केस में बहुत स्लो चलना पड़ता है, तो 20 किलोमीटर तक उसको बोला एक दिन में तय कर लियो, दो एक दिन के अंदर अंदर तो 20 किलोमीटर तय कर लियो। तो अब डिस्टेंस से यह पता लगेगा कि हमारे ई वे बिल की वैलिडिटी कितने समय की। अगर मैं 110 किलोमीटर जा रहा हूं तो पहले 100 किलोमीटर के लिए एक दिन, अगले 100 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए सेकंड डे हो जाएगा, तो
तो 110 किलोमीटर के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। 110 किलोमीटर के लिए कितना मिलेगा? 2 दिन का समय मिलेगा। और अगर आपका भारी भरकम सामान है जो आपके ट्रक से एक्सीड कर रहा है, एक एक मशीन है जो बहुत बड़ी है वो ट्रक के उससे एक्सीड करिए, तो 20 किलोमीटर एक दिन में तय करना है। और अगला फिर अगले दिन के लिए 20 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर के लिए आपको फिर दूसरा दिन मिलेगा। चलो आगे डिस्कस करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सप्लायर जब भी, अब सप्लायर गुड्स की मूवमेंट कर रहा है मानते हैं, तो जब भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है पहले पार्ट ए भरेगा। गुड्स की मूवमेंट नहीं शुरू करनी जब तक कि हमें ई वे बिल नंबर नहीं मिल जाता। और पार्ट ए भरने से मेरे को ई वे बिल नंबर नहीं मिल रहा, पार्ट ए भरने से मेरे को ई वे बिल नंबर नहीं मिल रहा, मेरे को तो क्या मिल रहा है? एक यूनिक नंबर मिल रहा है, एक यूनिक नंबर मिल रहा है। अच्छा सुनो, अब ये यूनिक नंबर मिल रहा है। अच्छा ये पार्ट ए कौन कौन भर सकता है? Who can furnish part A? अगर consigner, supplier, consigner goods की movement कर रहा है तो ये, और consignee, recipient आके खुद लेके जा रहा है तो consignee, तो या तो consigner या consignee, ऐसा rule 138(1) बोलता है। जो भी इनमें से goods की, अगर ये register person है, जो भी goods की movement कर रहा है वो e-way bill का part A भरेगा। कब? Before commencement of such movement, movement start करने से पहले। अच्छा भाई इसके बाद पार्ट बी कौन भरेगा? हम ट्रक वाले के थ्रू भेजते हैं तो उसमें पार्ट बी में ट्रक की डिटेल आ रही है, ट्रांसपोर्ट की, कन्वेंस की डिटेल आ रही है। तो पार्ट बी जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टर जनरली, वो गुड्स वो क्या करेगा? पार्ट बी भरेगा। हां जी, पार्ट बी कौन भरेगा? जो भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जो भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो पार्ट बी भरेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी भरना है तो क्या मैं उसे ऑथराइज कर सकता हूं पार्ट ए भी तू भी भर ले? हां, तो रूल 138(1) का प्रोविजो बोलता है कि वैसे तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप पार्ट बी भरवाओगे तो पार्ट ए भी उसे ऑथराइज कर सकते हो, तू भर ले भाई। ऐसे अगर आप कुरियर के थ्रू सामान भेजते हैं तो कुरियर वाले को, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कुरियर वाला पार्ट भी भरेगा, कुरियर वाला पार्ट भी भरेगा, तो हम कुरियर वाले को ऑथराइज कर सकते हैं तू पार्ट ए भी तू भर ले, पार्ट ए भी तू भर ले। पार्ट ए में क्या है? गुड्स की डिटेल जा रही है एक तरीके से। पार्ट बी में क्या जाएगी? कन्वेंस की डिटेल जाएगी। तो पार्ट बी ट्रांसपोर्टर क्यों भरता है? क्योंकि उसके पास ही तो होगी कन्वेंस की डिटेल, हमारे पास थोड़ा ना होगी, इसलिए पार्ट बी उसे भरना है। ठीक है, उसके बाद ई वे बिल नंबर जनरेट होगा। अच्छा, तो कुरियर के थ्रू अगर आप गुड्स भेज रहे हैं तो आप पार्ट बी उसे भरना था, हमने कहा पार्ट ए भी तू भर ले। फिर एक मैंने लिखा इको, ये इको क्या होता है? मैं सेलर हूं, मैं अमेज़न के थ्रू गुड्स बेचता हूं, सेलर हूं मैं अमेज़न के थ्रू गुड्स बेचता हूं, तो मैं अमेज़न को ऑथराइज कर सकता हूं भाई अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वो कर रहा है, पार्ट बी तेरे को भरना था, पार्ट ए भी तू ही भर ले। पार्ट बी तेरे को भरना था अगर तू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो पार्ट ए भी तू ही भर ले। तो ठीक है, वैसे तो अभी तक मैंने आपको बताया पार्ट ए जनरली सप्लायर या रिसिपिएंट, इन दोनों में से जो भी कंसाइनर कंसाइनी जो भी होगा वो पार्ट ए भरेगा। लेकिन चूंकि पार्ट बी आप ट्रांसपोर्टर को भरना होता है, उसे कन्वेंस की डिटेल पता होती हैं, तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकते हैं तू पार्ट ए भर ले, या इको या कुरियर एजेंसी को बोल सकते हैं पार्ट ए भर ले। एक और जॉब वर्कर के लिए, हाँ जी ये मेन था रूल 138(1), ये ट्रांसपोर्टर के लिए कौन बोलता है? रूल 138 का पहला प्रोविजो, इको कुरियर एजेंसी के लिए सेकंड प्रोविजो। एक थर्ड प्रोविजो भी है, वो बोलता है अगर आपने जॉब वर्कर के पास माल भेजा है तो इस केस में कोई भी प्रिंसिपल या जॉब वर्कर कोई भी ये पार्ट ए पार्ट बी दोनों भर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल या जॉब वर्कर दोनों में से कोई भी ये ई वे बिल जनरेट कर सकता है। और एक मजे की बात ये कि जब जॉब वर्कर को अगर आप गुड्स भेजोगे, जॉब वर्कर कौन होता है? जॉब वर्कर वो होता है जिससे आप अपना कुछ जॉब करा रहे हो, आप अपना मटेरियल भेजोगे उस पे वो जॉब करेगा। जैसे मैंने कपड़ा परचेज किया, टेलर के पास भेजा कि तू पैंट और शर्ट बना दे, तो कपड़ा मैंने मूव किया तो मैं हूं प्रिंसिपल और टेलर क्या हो गया? वो जॉब करेगा, वो जॉब वर्कर है। तो हम दोनों में से कोई भी ईवे बिल बना सकता है अगर ये इंटरस्टेट है, ये अगर इंटरस्टेट मूवमेंट है तो फिर ई वे बिल बनाना ही होगा, चाहे 50,000 से कम की भी वैल्यू। दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पर
50,000 से कम भी वैल्यू तो भी वेबल बनाना पड़ता है, उसमें से एक ये है, दूसरा भी लेटर ऑन बताऊंगा। जब भी आप जॉब वर्कर के पास इंटरस्टेट गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, चाहे 50,000 से कम भी है तो भी वेबल बनाना होगा, ठीक है। चलिए 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 अब वापस से आए, इसी चार्ट पे ही फोकस करें। हमने बोला ईवे बिल के पार्ट दो होते हैं, ईवे बिल के दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए इसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल है, गुड्स की डिटेल है, इसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल है, सप्लायर का नाम, रिसीपिएंट का नाम, प्लेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स का एचएसएन कोड होता है, ये गुड्स का एचएसएन कोड होता है, और क्यों गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो। मैंने बोला कि ये जो आपका पार्ट ए बनेगा ये कब बनेगा, जब भी आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, वजह सेल हो वजह सेल ना हो, दोनों ही केसेस में सेल रिटर्न हो रही है, एग्जीबिशन पे भेज रहे हो तो सेल नहीं है, तब भी ई वे बिल बन रहा है। तो ये कब बन रहा है, गुड्स की मूवमेंट से पहले, ये याद रखना, गुड्स की मूवमेंट से पहले, ठीक है। वापस अपना फोकस बनाएंगे, तो सप्लायर ने रिसीपिएंट को गुड्स बेचे, तो गुड्स की मूवमेंट से पहले पार्ट ए भर देगा अगर ये गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, या रिसीपिएंट गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो वो फिर भरेगा पार्ट ए। तो आप इसके अलावा ट्रांसपोर्टर इको कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हो पार्ट ए भरने के लिए। अब आते हैं पार्ट बी, ये पार्ट बी का भरना है 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर, पार्ट बी का भरना है 15 डेज के अंदर अंदर। ध्यान रहे ये भी गुड्स की मूवमेंट से पहले ही भरना है, क्योंकि इसके बाद क्या मिलने वाला है, इसके बाद आपको ई वे बिल नंबर मिलने वाला है, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, पार्ट बी भरने पे ई वे बिल नंबर मिलने वाला है। तो यही तो होना चाहिए आपके पास में, तभी तो आप अपने गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, तो यही तो नंबर चाहिए होता है। तो ये पार्ट बी भरने के बाद आता है आपके पास में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सोच के बताना। पार्ट ए सप्लायर मिस्टर ए ने भरा, ट्रांसपोर्टर है मानते हैं मिस्टर टी, आपने पार्ट ए भरा, वो पोर्टल पर पार्ट बी कैसे भरेगा, पार्ट ए तो आपने भर रखा, उसके उसको कैसे पता लगेगा कि आप उसे पार्ट बी भरना है, वो कैसे पता लगेगा। इसे हम बोलते हैं ई वे बिल को असाइन करना। आप ट्रांसपोर्टर को क्या करोगे, पार्ट ए भरने के बाद ई वे बिल असाइन कर दोगे। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है ट्रक नंबर क्या है, कौन से ट्रक से जाएगा, उसके कई ट्रक हैं, वो कौन से ट्रक से जाएगा आपको थोड़ा ना पता है, इसलिए आप क्या करोगे, पार्ट ए भरने के बाद आप उसे असाइन कर दोगे। आप उसे क्या करोगे, असाइन कर दोगे, कि ये जब तुम असाइन करोगे पोर्टल पर, असाइन करने का प्रोसेस है, तो आप उसे असाइन करेंगे पोर्टल पर, तो उसको उसका ट्रांसपोर्टर का ये जो इसके पास, अगर ये ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो इसका GST होगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो इसके पास एनरोलमेंट होगा, रजिस्टर नहीं है तो एनरोलमेंट होगा। मैंने बोला था एनरोलमेंट लेना होता है पैन के बेसिस पे एंड आधार के बेसिस पे, तो वो आप वहां पे असाइन करते समय डालोगे इसका, और इस ये अपना फिर यहां पे लॉगिन करेगा अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से, और इधर इसको असाइन दिखेगा, मैसेज आया होगा इसके पास कि आपको इस फला फला बंदे ने असाइन कर रखा है, या उसकी टैब है वहां जाके वो चेक कर सकता है कि किन किन ने मेरे को असाइन कर रखा है। तो अब जब असाइन कर रखा है तो अब क्या होगा, अब पार्ट भी भरेगा। ये कितने दिन में भरना है, 15 डेज के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर। इसमें क्या डालेगा, अपना व्हीकल नंबर डालेगा अगर रोड के थ्रू मूवमेंट कर रहा, तो अगर ये एयर शिप या किसके थ्रू, रेलवे के थ्रू मूवमेंट हो रही है, तो उनका ट्रेन का कोई नंबर थोड़ा होता, उसके लिए क्या आएगा, नंबर तो होता है, लेकिन यहां पे क्या डाला जाएगा, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। रेल के केस में रेलवे रिसिप्ट होती है, एयर के केस में एयरवेज बिल होता है, शिप के केस में बिल ऑफ लेडिंग नंबर होता है, तो ये वाले इनके नंबर डाले जाएंगे। जब आप गुड्स उनको देते हैं तो वो रेलवे रिसिप्ट नंबर देते हैं रेल वाले, और एयरवे वाले एयरवे बिल नंबर देते हैं, और शिप वाले बिल ऑफ लेडिंग नंबर देते हैं, ठीक है। तो वो इसमें पार्ट बी में आएगा, ठीक है। हाँ जी, मैंने क्या बोला, गुड्स की मूवमेंट से पहले ही पार्ट ए भी भरना है और पार्ट बी भी भरना है। फिर पार्ट ए भरने पे जो यूनिक नंबर जनरेट हुआ था, ई वे बिल तभी वैलिड है जब पार्ट बी भरा गया हो। जब तक पार्ट बी भरा ही नहीं गया तब तक ई वे बिल नंबर बना ही नहीं, बल्कि तो पार्ट बी ये भरने के बाद ही ई वे बिल नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन यहीं पे, जो रेल है, शिप है और एयर है, जब आप उनको गुड्स दोगे तो वो आपको रेलवे रिसिप्ट नंबर या एयरवे बिल नंबर दोगे, वो देंगे, है ना।
तो गुड्स की मूवमेंट के बाद ही तो जब आप उनको डिलीवर करोगे तो ही भाई आगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। आप रेलवे स्टेशन तक तो लेकर जाओगे ना, अपनी प्रिमाइसिस से रेलवे स्टेशन तक लेकर तो जाओगे ना, तो आपके मूवमेंट से पहले तो आपने ईवेबिल नंबर बनाया नहीं। क्यों ईवेबिल नंबर क्यों नहीं बना पाए आप, पार्ट भी पूरा भर ही नहीं पाए, क्योंकि आपके पास रेलवे रिसिप्ट नंबर नहीं था। तो उन्होंने यहां पे एक एक्सेप्शन क्रिएट करी। अगर रेल एयर और वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, रेल एयर और वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो ईवे बिल आफ्टर गुड्स की मूवमेंट भी बन सकता है। रेल एयरवे और ये शिपिंग के केस में, ये आप शिप के केस में कब, ये गुड्स की मूवमेंट के बाद भी जनरेट हो सकता है। बस पार्ट ए तो भर लेना है, लेकिन पार्ट बी बिना भरे आप गुड्स की मूवमेंट कर पाओगे, ये उन्होंने अलाउ कर दिया। आप बाद में भी बना सकते हो, लेकिन बनाना है जैसे ही हमारे को शिपिंग बिल नंबर, वो बिल ऑफ लेडिंग नंबर या रेल के केस में रेलवे रिसिप्ट नंबर मिला, तो हमें पार्ट बी भर के फिर वो ईवे बिल नंबर निकालना है। क्योंकि अगर ये ईवे बिल नंबर नहीं निकाला आपने, अब जब आप रेलवे से सामान लेने जाओगे वो देंगे ही नहीं, रेलवे वाले तभी आपको माल डिलीवर करेंगे जब आपने पार्ट बी भर के ईवे बिल नंबर निकाल रखा हो। हम मानते थे कि आप पार्ट बी नहीं भर पा रहे, दिक्कत थी, जेन्युइन दिक्कत थी, क्योंकि अभी तक आपके पास रेलवे रिसिप्ट नंबर नहीं था। अब हमने आपको रेलवे रिसिप्ट नंबर दे दिया, तो अब अपना ईवे बिल जनरेट करो, ईवे बिल जनरेट करो। सुनो, फिर से सुने, अभी तो हमने बात करी थी पार्ट ए भरता है, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा हो वो भरता है, और पार्ट बी कौन भरता है, ट्रांसपोर्टर बोला था, जो भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। रेल के केस में ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, रेलवे। एयर के केस में एयरलाइन, और शिप के केस में शिपिंग कंपनी। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है, इन तीनों केस में यही रजिस्टर पर्सन जिसने पार्ट ए भरा है यही पार्ट बी भरेगा, या रेलवे नहीं भरेगी। वो पागल बैठे हैं क्या बताओ, इतने इतने गुड्स वहां से मूव होते हैं, उन सब के भरने बैठेगी। तो रेलवे, एयरलाइंस और शिपिंग कंपनी, ये आपका पार्ट बी नहीं भरेंगे, यहां पर पार्ट बी भी आपको ही भरना होगा। जिसने पार्ट ए भरा गुड्स की मूवमेंट के लिए, वही पार्ट बी भरेगा रेल एयर और वेसल के केस में। तो इसका मतलब बचा क्या, रोड, बचा क्या, रोड। तो रोड के केस में आपका ट्रक वाला पार्ट बी भरेगा, तो रोड के केस में आपका पार्ट बी कौन भरेगा, आपका ट्रक वाला भरेगा, ट्रक वाला भरेगा। तो रेल एयर वेसल के केस में पार्ट ए भी आपने भरा होगा, पार्ट बी भी आप ही भरोगे। लॉजिक समझ में आ गया, चलते हैं अब इसके बाद आगे, चले आगे जी। अच्छा, एक पॉइंट वैसे मैं अभी और भी बता सकता हूं यहां पे। मान लीजिए मेरा खुद का ट्रक है, मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं भेज रहा, पार्ट ए मैंने भरा है, पार्ट बी अब बताओ कौन भरेगा। पार्ट बी भरने पे ईवे बिल नंबर मिल रहा है। मैंने बोला, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, मैंने कहा कि मेरा खुद का ट्रक है और मैं गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूं, पार्ट ए तो मैंने भरा है, पार्ट बी भी कौन भरेगा, मैं ही भरूंगा। मेरा खुद का ट्रक हो या मैंने किराए पे ले रखा हो, अगर मैं अपने ट्रक में या किराए वाले ट्रक में, मैंने ट्रांसपोर्टर को एंगेज नहीं किया, अपने ट्रक में या मैंने किराए पे ले रखा उसके थ्रू लेके जा रहा हूं, तो पार्ट ए भी मैंने भरा, पार्ट बी भी मैं भरूंगा। तो पार्ट बी कौन भरता है, वैसे तो ट्रांसपोर्टर, लेकिन आप खुद ही ट्रांसपोर्टर बन गए, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो आप ही हो, तब भी आप पार्ट बी खुद खुद भरेंगे। हाँ जी, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो चलते हैं फिर आगे। करे दो लाइनें सुना दो पहले, फिर आगे बढ़ना। सुनो, दो लाइनें सुन लो पहले। तुम मत तलाशो यूं आंखों में मेरी, तुम मत तलाशो यूं आंखों में मेरी तस्वीर को, तुम मत तलाशो अपनी आंखों में मेरी तस्वीर को, क्यों हम तेरी आंखों में नहीं तेरी सांसों में बसते हैं, हम तेरी आंखों में नहीं तेरी सांसों में बसते हैं। कह रहे दो लाइन और सुना दो। कह रहे इस पे तो लड़ झगड़ देगी, ऐसे बोलोगे तो लड़ झगड़ पे ही सुन लो तुम।
मेरे शक, मेरे झगड़े सबूत हैं मेरी मोहब्बत का, मेरे शक, मेरे झगड़े सबूत हैं मेरी मोहब्बत का कि मैंने हर पल सिर्फ तुझे ही चाहा है। अच्छा जी, चलो वापस आएं इस स्लाइड की समरी सुने फटाफट से। जब भी सप्लायर गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो सप्लायर पार्ट ए बनाएगा, अगर रिसीपिएंट गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो रिसीपिएंट पार्ट ए बनाएगा जिसमें गुड्स की ट्रांजैक्शन की डिटेल जाती है। ये पार्ट ए जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो बनाएगा, ऐसा रूल 138(1) बोलता है। लेकिन हम ट्रांसपोर्टर को, इको को, कुरियर एजेंसी को भी ऑथोराइज कर सकते हैं कि तुम पार्ट ए भर लो। अब इसके बाद पार्ट बी, ये कौन भरता है? ये जनरली जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, रोड के केस में तो ट्रांसपोर्टर ही भरेगा, इसके लिए आपको उसे असाइन करना पड़ेगा। ये कितने दिन में भरना होता पार्ट बी? 15 दिन के अंदर, लेकिन गुड्स की मूवमेंट से पहले पहले ही, क्योंकि पार्ट बी भरने पे आपको ई वे बिल नंबर मिल रहा है, राइट? लेकिन हाँ जी, वैसे तो ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है वही भरता है पार्ट बी, लेकिन रेल एयर वेसल के केस में वो नहीं भरेंगे, आपको खुद भरना पड़ेगा पार्ट बी, और ई वे बिल नंबर आप जनरेट करेंगे फिर। ठीक है, चलते हैं इसके बाद आगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, अभी तक हमने बोला था जो भी गुड्स की मूवमेंट करता है वो ई वे बिल बनाता है। मान लो इन्होंने नहीं बनाया, ना कंसाइनर, ना सप्लायर ने बनाया, ना रिसीपिएंट ने बनाया, तब ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। अब तब इस रोड के केस में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर की है। अगर उन गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो ई वे बिल फिर ट्रांसपोर्टर बनाएगा। ये इंटरस्टेट सप्लाई हो तो ही बनाना उसे। अगर कंसाइनर, कंसाइनी ने, सेलर ने बनाना था, रिसीपिएंट ने बनाना था, इन दोनों में से किसी ने बनाया, तो ट्रांसपोर्टर के पास माल आ गया, उसे बनाना। सर उसके पास तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। एनरोलमेंट ले ले फिर, एनरोलमेंट ले ले, को हमने कौन सा मना किया, उसे एनरोलमेंट लेना है जरूरी, तो एनरोलमेंट ले ले और फिर वो ई वे बिल जनरेट करेगा, और ये इंटरस्टेट सप्लाई के लिए अगर 50,000 से ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। हाँ जी, नेक्स्ट ई वे बिल, ये कल जो मैंने आपको बताया था एक बार मैं आपको वही रिवाइज करा रहा हूं। 138 के बाद कई रूल्स आते हैं, ठीक है। रूल 138 ये क्या बोलता था, अभी आप पढ़ के आए हैं, ये रूल 138 की बातें थी। पार्ट ए भरेगा वो बंदा जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, पार्ट ए भरेगा जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, तो इसके बाद क्या मिल जाएगा? यूएन, अभी ई वे बिल नंबर नहीं मिला। इसके बाद पार्ट बी भरना है 15 दिन के अंदर अंदर, तो क्या मिल जाएगा? ई वे बिल नंबर मिल जाएगा, ई वे बिल नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ये पार्ट ए आप खुद ना भर के किसी और को अथोराइज कर सकते हो? जी हाँ, किसको? ट्रांसपोर्टर को, इको को, कुरियर एजेंसी को, तू भर ले पार्ट ए। पार्ट बी तो तेरे को भरना था, पार्ट ए भी तू भर ले, ठीक है। तो इतना अभी आपने रूल 138 में किया। अब इसके बाद में ये क्यों भरा हमने? रूल 138 कहता है ये ई वे बिल नंबर आपको साथ में कैरी करके चलना है। एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होगा? गुड्स का इनवॉइस, अगर टैक्सेबल सामान है, एग्जम सामान है तो बिल ऑफ सप्लाई, और अगर आपने मूवमेंट करी है और वो सप्लाई नहीं है तो चलान, डिलीवरी चलान। जैसे जॉब वर्क के केस में डिलीवरी चलान बनाया होगा, सेल एंड अप्रूवल के बेस में डिलीवरी चलान बनाया होगा, रिपेयर के लिए भेजोगे सेल नहीं है तो डिलीवरी चलान बनाया होगा, ठीक है। तो अगर आपकी सेल है और टैक्सेबल गुड्स की सेल है, इनवॉइस होगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्लस एक एडिशनल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है? इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या चलान, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या चलान। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है? ई वे बिल, ई वे बिल, इसकी फिजिकल कॉपी या इसका नंबर। आप इनवॉइस पे भी लिख के चले या ई कॉपी एसएमएस लेके चले, चलेगा, चलेगा। एक मैंने लिखा आरएफआईडी, ये अभी प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं हुई है, तो इसने बोला था रूल 138 ने डॉक्यूमेंट, दूसरा डिवाइस। ये डिवाइस क्या है जी? ये डिवाइस है आरएफआईडी। ये क्या है? ये आपके ट्रक पे इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे अभी क्या होता है, टोल टैक्स कैसे कट रहा है? टोल प्लाजा पे आपका, आपने ऑलरेडी मंथली पेमेंट कर ही रखी है, तो डिवाइस लगी है, वो आपकी डिवाइस को रीड कर लेती है, जैसे ही आप टोल नाके से निकलते हैं आपकी पेमेंट कट जाती है, आपके पास मैसेज आ जाता है। सेम ऐसे ही इन्होंने प्लान किया था ई वे बिल के लिए, वो अभी प्रैक्टिकली अभी इफेक्टिव होना बाकी है,
डिटेल में ये रूल हम कर चुके हैं ना कल, ये अब रिवाइज हो रहा है, बस ध्यान रहे इसके लिए, पिछली क्लास देखना। अच्छा फिर मैंने एक लिखा आईआरएन, ये आईआरएन क्या होता है, 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों को ई इनवाइसिंग, ऐसे इनवाइस का एक और पोर्टल है, जैसे ईवे बिल का पोर्टल है ऐसे इनवाइस का भी पोर्टल है, उस पे आप इनवाइस की इंफॉर्मेशन अपलोड करके एक आईआरएन इनवाइस रेफरेंस नंबर लेते हैं। तो 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों के लिए जरूरी है उन्हें ई इनवाइसिंग करना है इनवाइस पोर्टल से, गवर्नमेंट के इनवाइस पोर्टल से, उस पे इंफॉर्मेशन डालनी है इनवाइस की और आपको इनवाइस नंबर मिल जाएगा, आईआरएन मिल जाएगा आपको, इनवाइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो फिर अगर आप वो आईआरएन आपके पास है, 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों के पास आईआरएन होगा, तो फिर उन्हें फिजिकल कॉपी इनवाइस की लेकर चलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने ईवे बिल बनाया था, ये आपको साथ में कैरी करना ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गया, और प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपका इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई या चालान। नेक्स्ट, हाँ जी, रेल एयर वेसल के केस में ईवे बिल आरएफआईडी की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि पार्ट भी भरा ही नहीं गया, ईवे बिल नंबर होगा ही नहीं रेल एयर वेसल के केस में, अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, तो इसलिए इनके पास ईवे बिल नंबर होगा नहीं, आरएफआईडी ये इनके लिए जरूरी नहीं है। इंपोर्ट के केस में ये आपके पास बिल ऑफ एंट्री होगी, तो वो भी साथ में लेकर चलना, ये आप कस्टम में पढ़ा होगा बिल ऑफ एंट्री के बारे में। नेक्स्ट स्टेप 3, 138B, अब क्या होता है, बीच रास्ते में आपको रोका जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स और कन्वेंस को चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट में क्या चेक किया जाएगा, ईवे बिल, उनको ईवे बिल से मतलब है, आरएफआईडी लगी है तो आरएफआईडी से मतलब है, ठीक है, ये चेक करेंगे। क्या ईवे बिल चेक करने के बाद आपका कन्वेंस की फिजिकल चेकिंग भी कर सकते हैं, जी हाँ, अगर चेकिंग की तो 138C ये क्या बोलता था, इसकी अब उसको रिपोर्ट अपलोड करनी है उस ऑफिसर को ऑनलाइन, समरी रिपोर्ट वो उसकी अपलोड करेगा कि मैंने चेक किया क्या पाया 24 घंटे के अंदर अंदर, और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर, इसमें 3 दिन के एक्सटेंशन में मिल जाती है। ये 24 घंटे 3 दिन कब से देखने हैं, जिस दिन व्हीकल इंटरसेप्ट किया गया उसकी रात 12 बजे से, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को आपको रोका गया दोपहर 2 बजे, तो 2 बजे से अगले 2 जुलाई के 2 बजे तक आपके 24 घंटे नहीं पूरे होंगे, आपका 1 जुलाई का रात 12 बजे से आपका पहला दिन शुरू होगा, 24 घंटे आप क्या 2 जुलाई की रात 12 बजे तक ओवर होंगे, ठीक है, 2 जुलाई की रात 12 बजे तक 24 घंटे ओवर होंगे। नेक्स्ट, आपने समरी रिपोर्ट डाल दी, अब ट्रक वाले को परेशान कर रखा है, उसके पास ईवे बिल भी है, सब कुछ है प्रॉपर, तो उनको उन्होंने एक सहूलियत दी, ये बहुत अच्छा काम किया, 138D, अगर किसी व्हीकल को आधे घंटे से ज्यादा के लिए रोका जाता है तो वो उनकी कंप्लेंट कर सकता है 138D में, वो अपलोड कर देगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक इसके अलावा 138E, वो क्या है, ब्लॉकिंग, आप ईवे बिल बना ही नहीं पाएंगे, 138E आपकी ईवे बिल फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, आपने 2 क्वार्टर का अपना टैक्स नहीं जमा कराया है, CMP 08 जो आप सबमिट करते हैं, टैक्स पे करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसमें, तो आपने 2 क्वार्टर की कंजिक्यूटिव लगातार 2 क्वार्टर की आपने CMP 08 नहीं जमा करी, आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाएगा। तो कब शुरू होगा, जब ये भर दोगे, क्योंकि इसमें आपका टैक्स जाता है ना। ऐसे ही नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए 2 कंजिक्यूटिव GST R 3B, ये मंथली जाती है, ये क्या जाती है, मंथली, और कंपोजिशन के लिए ये क्या जाती है, ये क्वार्टरली। तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए 2 कंजेक्टिव GST R 3B मंथली उसने नहीं सबमिट करी, तो GST R 3B के साथ क्या जाता है, टैक्स, तो ये टैक्स की चीजें हो गई, टैक्स इसमें जाता है, इसलिए GST R 3B नहीं भरी आपने 2 कंजेक्टिव मंथ की, तो आपका ईवे बिल फैसिलिटी ब्लॉक। या एक और चीज ऐड की गई क्या, या फिर कोई भी 2 महीने की या क्वार्टर की आपने नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ने GST R 1 नहीं भरी, GST R 1 में क्या जाती है, सेल की डिटेल, GST R 1 में क्या जाती है, इनवॉइस वाइज सेल की डिटेल, तो अगर आपने ये नहीं भरी कोई भी 2 महीने की या 2 क्वार्टर की, तो भी आपकी नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की ई वे बिल बनाने की फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी पोर्टल पर, अब उसका बिजनेस रुक जाएगा। सर ये GST R 1 क्वार्टरली क्या होती है, कल डिस्कस तो किया है, जब 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली GST R 1 भर सकते हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो आपको मंथली GST R 1 फाइल करनी होती है, ठीक है। अच्छा, तो कंपोजिशन की टैक्स की डिटेल कैसे जाती है, CMP 08 के थ्रू, तो इसने 2 क्वार्टर की नहीं भरी तो इसकी ईवेल फैसिलिटी ब्लॉक। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की किस में जाती है, GST R 3B में टैक्स की डिटेल जाती है,
टोटल टर्नओवर और आईटीसी और टैक्स की डिटेल इसमें जाती है, तो मतलब इससे पता लगता है इनका टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये नहीं अगर जमा करा रहे हैं तो ई वे विल फैसिलिटी ब्लॉक। इसका मतलब अब आप माल बेच तो सकते हो लेकिन वो मूव नहीं होगा। आप माल बेच तो सकते हो, मूव नहीं होगा, तो फिर कहां बिका? फिर आपके यहीं पड़ा रहा, खराब होता रहा। सर एक काम करते हैं, हम ट्रांसपोर्टर से पार्ट ए भरवाते थे ना, उसी को बोलते हैं तू ही बना ले पार्ट ए भी भर के, या इको या कुरियर एजेंसी के थ्रू हम भेज देते हैं, उनको बोल देते हैं ना। अगर आपका जीएसटीन ब्लॉक हो गया तो पार्ट ए में आपका जीएसटीन भी डालना होता है कंसाइनर का, तो ये लोग भी ट्रांसपोर्टर, इको, कुरियर एजेंसी, ये भी आपका ई वे बिल नहीं बना पाएंगे। आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक है, फिर ना आप ना आपके बिहाफ पे ये कोई ट्रांसपोर्टर, इको, कुरियर एजेंसी ये भी नहीं बना पाएंगे जब तक आप अनब्लॉक नहीं कराते। और अनब्लॉक कराने का क्या तरीका है, ये अपना टैक्स पे कीजिए, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट मैं आपको डिटेल में कल करा चुका हूं, मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया, चलते हैं अब हम आगे, ठीक है। चले जी, तो पार्ट ए पार्ट बी के बारे में आपको पता ही है, अब मैं पार्ट ए की बात कर चुका, पार्ट बी पे थोड़ा सा और फोकस डाल रहा हूं रूल वाइज, ठीक है। अभी देखो हमने पार्ट बी के बारे में क्या जानते हैं जी, पार्ट बी भरने पे, पार्ट बी 15 दिन में भरना होता है, पार्ट बी 15 डेज में भरना होता है, किसे भरना होता है, जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो मैं इसमें तीन पॉइंट लेके आता हूं, क्या आप खुद अपने ट्रक में लेके जा रहे हो, नंबर दो आप रेल एयर वेसल के थ्रू लेकर जा रहे हो, नंबर तीन आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पर आपने ट्रांसपोर्टर को दे दिया ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए रूल 138(2) है, आप खुद लेकर जा रहे हो, तो अगर एयर रेल वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो 2A है, और अगर आपने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो 138(3) है। ये इनके लीगल प्रोविजंस हैं। अब मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया, बताओ कौन बनाएगा? अगर रोड के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करी है तो आपने इसे असाइन कर दिया होगा पार्ट ए भर के, कंसाइनर या कंसाइनी ने पार्ट ए भर के असाइन किया होगा, असाइन किया होगा किसे, ट्रांसपोर्टर को, तू भर ले पार्ट बी और ई वे बिल नंबर जनरेट कर ले। तो यहां पर कौन भरेगा, यहां पर कौन भरेगा, ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भरेगा, हमने इसे असाइन कर दिया था क्योंकि हमने इसे रजिस्टर्ड पर्सन ने, वो कंसाइनर कंसाइनी, उसने पार्ट ए भर के इसे असाइन कर दिया था ट्रांसपोर्टर को, ठीक है जी, असाइन कर दिया था ट्रांसपोर्टर को। नेक्स्ट रूल 138(2), पार्ट बी भरने के बाद हम खुद अपने कन्वेंस में या हमने किराए पे ले रखा उस कन्वेंस में लेके जा रहे हैं या पब्लिक कन्वेंस में लेके जा रहे हैं, तो यहां पर भी पार्ट बी हम खुद लेके जा रहे हैं तो पार्ट बी हम खुद ही भरेंगे, पार्ट बी भी हम खुद ही भरेंगे। और ये पार्ट बी भी कब भरना है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, ध्यान रहे कब भरना है जी, क्योंकि तभी तो ई वे बिल नंबर मिलेगा ना जब पार्ट बी भर दोगे, तो पार्ट ए भरने से यूनिक नंबर मिलता है, ई वे बिल नंबर अब मिलेगा, ई वे बिल नंबर अब मिलेगा, तो इसलिए ये भी मूवमेंट से पहले, मूवमेंट से पहले, मूवमेंट से पहले, तो ट्रांसपोर्टर भी मूवमेंट से पहले, मूवमेंट से पहले, ये भी मूवमेंट से पहले, मूवमेंट से पहले, ये ई वे बिल नंबर बनाएगा। अब जरा बात करते हैं रेल एयर और वेसल, अगर आप इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वैसे तो पार्ट बी कौन भरता था, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता था, अब क्या रेलवे एयरलाइंस और वेसल वाले शिपिंग कंपनी ये पार्ट बी भरेंगे क्या, ना, यहां एक्सेप्शन है, यहां जिसने पार्ट ए भरा है, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा था, वही पार्ट बी भी भरेगा, यही 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 पार्ट बी भी भरेगा, यही पार्ट बी भी भरेगा, कंसाइनर कंसाइनी जिसने पार्ट ए भरा वही पार्ट बी ही भरेगा, या पहले भी भर सकते हैं गुड्स की मूवमेंट के, बाद में भी, बाद में क्यों, लॉजिक बताओ, एयर रेल वेसल के केस में बाद में क्यों, बाद में इसलिए क्योंकि हमारे पास ये रेलवे रिसिप्ट, एयरवे बिल, बिल ऑफ लेडिंग नंबर था ही नहीं, ये बाद में आया जब हमने उनको माल डील, उनको हैंडओवर किया तब बाद में मिला, इसलिए इन्होंने बोला कि आप ये बाद में भी भर सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं। अच्छा, लेकिन रेलवे आपको गुड्स की डिलीवरी तभी देगा, गुड्स की डिलीवरी तभी देगा, ये प्रोविजो में लिखा हुआ है, जब ई वे बिल नंबर दिखाओगे। अब आपको मिल गया, आपने पार्ट बी पहले नहीं भरा था, अब पार्ट बी भर के ई वे बिल नंबर जनरेट करो, जब रेलवे को, रेलवे वाले तभी दिखाएंगे जब उनको आप ये ई वे बिल नंबर दिखाओगे, नहीं तो आपको माल डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अब लीगली,
132, 2A और 3। आइए और देखते हैं, मैं पहले पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ फिर मैं आपको सारा इकट्ठा पढ़ाऊंगा, ठीक है। रूल 133 का प्रोविजो एंड उसकी एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। क्या अब ई वे बिल ऑप्शनल है? 50,000 से कम का आप बनाना चाहो बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवमेंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने करी है तो भी ई वे बिल ऑप्शनल है, बनाना चाहे बना ले। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है, रिसीपियंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीपियंट रजिस्टर्ड है, तो ई वे बिल कौन बनाएगा? रिसीपियंट। तो ये देखें, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीपियंट अनरजिस्टर्ड है। तो अब यहां पे ये गुड्स की मूवमेंट भले ही कर रहा हो, इस केस में हम मानेंगे रिसीपियंट रजिस्टर्ड ने गुड्स की मूवमेंट करी, चाहे कोई भी ये गुड्स की मूवमेंट कर रहा हो, यहां पे हम रिसीपियंट को मानेंगे, इसने गुड्स की मूवमेंट करी और इसे फिर ई वे बिल बनाना होगा, ठीक है। तो 133 में ये बता रखे हैं और इसके प्रोविजो एक्सप्रेशन में कि ऑप्शनल कब है ई वे बिल, और दूसरा एक्सप्रेशन में बता रखा है अगर अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड को माल भेजता है तो रजिस्टर्ड रिसीपियंट को माना जाएगा, उसने गुड्स की मूवमेंट करी है, उसे बनाना पड़ेगा। और देखिए जी अब इसके बाद, अब 133 एंड 5 का प्रोविजो ये क्या है, ये देखो जरा ध्यान से। प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर, जो ट्रक वाला है उसका बहुत बड़ा ट्रक है, हमारा एक छोटा ये हमारे को ये इस ट्रक में माल पहुंचाना पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्टर कहता है मैं आपके वहां पे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आपके वहां गलियां बड़ी भीड़ी सी हैं, मेरा ट्रक तो वहां फंस जाएगा, भीड़ लग जाएगी वहां, लोग तो हाय मल्ला कर देंगे, मेरे व्हीकल को ही तोड़ फोड़ देंगे, पहिए उतार के ले जाएंगे। तो आप एक काम करो, कोई छोटे व्हीकल के थ्रू मेरे पास यहां माल भेजो। क्या इसे पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है? क्या कंसाइनर से कंसाइनी तक इसी व्हीकल को सामान लेके जाना? ना 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 ना, इसे तो सिर्फ इस ट्रांसपोर्टर तक माल पहुंचाना है। लोकली होगा, लॉजिकली सोचे, लोकली होगा, वहीं उसी स्टेट का ही होगा, वहां जहां थोड़ी सी दूर पे ही होगा ट्रांसपोर्टर का प्लेस जहां पे पहुंचाना होगा, जहां ट्रक यूनियन होती है जनरली जी। अगर ये डिस्टेंस कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर तक का 50 किलोमीटर तक है, बहुत दे दिया, और ये इंट्रा ही होना चाहिए, इंटर नहीं, ध्यान रहे, इंट्रा ही होना चाहिए, इंटर नहीं, तो पार्ट ए तो भरना है, पार्ट ए तो भरना है, लेकिन पार्ट बी जिसमें कन्वेंस की डिटेल जाती है वो भरने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी जो कन्वेंस की डिटेल जिसमें जाती है, मतलब इस व्हीकल का नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट ए भरकर ही इस कन्वेंस में लोड करके पहुंचा दो इसको, तो पहुंचा दो, चलो जी पहुंचा दिया इसके पास, ये अपना माल इसमें लोड करेगा, ठीक है। तो पार्ट बी बिना भरे हम सामान यहां पर लेकर आ गए, ठीक है। चलो अब इसमें माल लोड होकर जाएगा, अब ये कंसाइनी के पास जाएगा, तो चलो जी तुम भी चलो, अब ये कंसाइनी के पास चला, लेकिन अगेन प्रॉब्लम है, ये भी वहां ट्रांसपोर्ट हब होगी जहां पर इनकी, वहां पर रुक जाएगा, क्योंकि अगेन कंसाइनी के पास पहुंचाना इतना बड़ा व्हीकल पॉसिबल नहीं है, वहां भीड़ लग जाएगी, बहुत संकरी गलियां हैं, वहां पहुंच भी नहीं पाएगा। अब फिर यहां से फिर अरेंज करनी पड़ेगी एक गाड़ी जो ये सामान इसमें से उतार के और कंसाइनी के पास लेकर जाए, कंसाइनी के पास लेकर जाए, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर ने अपना पार्ट बी भर दिया होगा, हमने इसे असाइन किया होगा, इसने पार्ट बी भर दिया होगा। अब अगेन, अब मेरा सवाल यह है कि अब हम एक गाड़ी अरेंज करते हैं, कर ली अरेंज, इसमें माल लोड करके लेके जाते हैं, इसमें माल लोड करके ले जाते हैं, क्या अब पार्ट बी दोबारा अपडेट करना या नहीं करना? ना ना ना, अगेन अगर ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है कंसाइनी से लेके, ये कंसाइनी के प्लेस तक अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है, तो अगेन यहां हम बिना पार्ट बी भरे, पार्ट बी बिना भरे ये कंसाइनी आएगा, ये लाइन, ये डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर तक की कहानी तो ठीक है, ये बाकी ये लाइन मैं इसे हटा ही दूं, हाँ जी फिर से देख लीजिए, हाँ जी मैंने बोला अगर कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर तक, कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर तक अगर आप सामान लेके जा रहे हैं
और ये वाला डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है, तो पार्ट ए भरना है, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, तो व्हीकल नंबर नहीं डालना। ये आ गया यहाँ पे। अब इसने अपना पार्ट बी में डिटेल डाली, तो यहाँ पर कंसाइनर ने किसे असाइन कर दिया होगा? इस मेन ट्रांसपोर्टर को असाइन किया होगा, ये छोटे व्हीकल वाले को नहीं, तो इस मेन ट्रांसपोर्टर को असाइन किया होगा, है ना। इसने अपना पार्ट बी में अपने कन्वेंस की डिटेल डाली होगी और ये चला। अगेन ये कहां रुक गया? ये रुक गया ट्रांसपोर्ट हब पे। अब यहां से यहां पहुंचाना है, अगेन ये इंट्रा, अगर इंट्रा मूवमेंट होनी है और ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है, तो आप बिना कन्वेंस की डिटेल डाले इसे लेकर जा सकते हैं। ये कहां लिखा हुआ है? लीगली ये 138(3) और 5 के प्रोविजन में लिखा हुआ, ठीक है। तो इन्हें मैं डिटेल में अभी आपको रीड कराऊंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। जितना हमने पढ़ा उसको मैं थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। हु कौन बनाएगा, वेन बनाया जाएगा, हाउ बनाया जाएगा, ये कैसे इवेंट बनाया जाएगा। हाँ जी, चलो पहला टाइमिंग क्या होगी, कब बनाना है, मूवमेंट के बाद की मूवमेंट से पहले? मूवमेंट से पहले, मूवमेंट से पहले जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है उसे क्या भर देना? पार्ट ए, पार्ट ए, इवेबल का पार्ट ए। अच्छा, ये पार्ट ए किसी और को भी ऑथोराइज कर सकते हो? जी हाँ, पार्ट ए हम ऑथोराइज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर को, इको को, कुरियर एजेंसी को। पार्ट ए भरने पे आपको क्या मिल जाता है? इवेबल नंबर नहीं, आपको मिलता है यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक नंबर मिलता है। अच्छा, इसके बाद ये पार्ट ए बनाएगा कौन? जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। अब ये लीगली वर्डिंग ये है रूल 138(1) की, इन रिलेशन टू सप्लाई। हो सकता है गुड्स की मूवमेंट सप्लाई की वजह से हो रही हो सकता है अदर देन सप्लाई की वजह से हो रही हो, जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो आप, रिपेयर के लिए भेज रहे हो आप, प्रदर्शनी में कहीं आप अपनी प्रोडक्ट को लगवाने के लिए भेज रहे हो। तो जब भी अदर देन सप्लाई गुड्स की मूवमेंट होगी तब भी, तब ये इवेबल बनेगा। और तीसरा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन ने इनवर्ड सप्लाई परचेज करी है तो रजिस्टर्ड पर्सन को इवेबल बनाना होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को इवेबल बनाना होगा। नेक्स्ट, कहां बनेगा? वेयर, इवेबल पोर्टल है वहां बनेगा। इसमें अब पार्ट ए तो भरा जा चुका है, अब पार्ट बी कितने दिन में भर देना? 15 डेज में। कौन भरेगा? अगर आप खुद अपने ट्रक में लेके जा रहे हो तो आप खुद भरोगे, नहीं तो ट्रांसपोर्टर भरेगा, ठीक है। लेकिन रेल एयर वेसल के केस में ध्यान रखे, आपको ही भरना होगा, वो ट्रांसपोर्टर नहीं भरता। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये पार्ट बी भरने के बाद अब आपको मिला है ई वे बिल नंबर, अब आपको मिला है ई वे बिल नंबर। नेक्स्ट, When? जब आपकी गुड्स की वैल्यू, कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर हो। सुने, मैंने गुड्स की वैल्यू नहीं बोलेंगे, कंसाइनमेंट की वैल्यू बोलेंगे। सर, गुड्स की वैल्यू और कंसाइनमेंट की वैल्यू में फर्क है? जी हां, जी हां, जी हां, गुड्स की वैल्यू और कंसाइनमेंट की वैल्यू में फर्क है। वो कैसे सर? वैल्यू का इन्होंने मीनिंग बताया। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है जो इनवॉइस में लिखी हुई वैल्यू है उसमें जीएसटी ऐड कर देना। गुड्स की वैल्यू तो सिर्फ सिर्फ आप बिना जीएसटी के भी ले सकते थे, जीएसटी की वैल्यू ऐड कर देना, इनवॉइस टोटल वैल्यू लेनी है। और अगर उसमें कोई एग्जेम्प्ट वैल्यू वाला सामान भी लिखा हुआ उसी एक ही इनवॉइस में, वो हटा देना, वो हटा देना। तो कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी लेनी है। हाँ जी, कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगी? इनवॉइस में जो सेक्शन 15 वाली वैल्यू है, ध्यान दीजिए, सेक्शन 15 वाली वैल्यू में 5 चीजें ऐड होती थी। ताई लेट होगी सब्सिडी लेने में, टी फॉर टैक्स सभी प्रकार के ऐड होते थे जीएसटी को छोड़कर, जैसे कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, या कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगता, वो सारे आपके क्या होते थे? ऐड हो जाते थे। या कोई लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल टैक्स लगा रही है, वो सारे टैक्सेस पहले ऐड हो जाते थे सेक्शन 15 वाली वैल्यू निकालने के लिए, है ना, जिस पे आप जीएसटी देते थे। यहां पे क्या बोल रहा है? सेक्शन 15 वाली वैल्यू प्लस उसमें जीएसटी भी ऐड कर दो, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी है वो सब ऐड कर दो। बस एग्जाम सप्लाई अगर कोई है इसमें से, तो एग्जाम सप्लाई की वैल्यू हटा देना। तो हमें कंसाइनमेंट वैल्यू देखनी है, तो नई बात क्या आ रही है? कंसाइनमेंट वैल्यू देखनी है, कंसाइनमेंट वैल्यू देखनी है, तो इंक्लूडिंग जीएसटी देखनी है। अगर कोई एग्जाम सप्लाई है उस कंसाइनमेंट में तो वो हटा देनी है, उस इनवाइस में अगर कोई एग्जाम सप्लाई है तो हटा देनी है। हाँ जी, ई वे बिल जरूरी है, इवन 50,000 से कम की वैल्यू। एक केस मैंने बताया था, इंटर स्टेट जब आप जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो, इंटर स्टेट गुड्स की मूवमेंट है, जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो। एक और बता रहा है, याद करो, याद करो, याद करो, जब हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर किया था वहां हमने बात करी थी हैंडीक्राफ्ट गुड्स।
अगर मूवमेंट करते थे, चाहे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करता था या कोई नॉर्मल बंदा करता था, उसको एग्जम्पशन दे रखी थी। तो वैसे तो इंटरस्टेड सेल 1 रुपए भी करो तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए एग्जम्पशन दे रखी थी क्या? हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए हमने एग्जम्पशन दे रखी थी कि तेरे को जो भी तेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 या 20 लाख, तब तक तेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिनको हमने रजिस्ट्रेशन से माफ कर रखा है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था, फरीदाबाद में क्या लगा हुआ है? सूरजकुंड का मेला, ठीक है, फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगा हुआ है। मैं कहां रहता हूं? फरीदाबाद हरियाणा में। मैं रहता हूं दिल्ली में। मैं अपना सामान जाके वहां पे उस सूरजकुंड के मेले में बेचना चाहता हूं, या मैं यूपी में रहता हूं, मैं सूरजकुंड के मेले में वहां पे सामान जाके बेचना चाहता हूं, क्या हूं? मैं हाथों से ही गुड्स बनाता हूं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाता हूं, मशीन का यूज नहीं करता या बहुत रेयर, बहुत कम करता हूं। तो मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाता हूं, अगर मैं गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूं इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई में करता हूं, तो सेक्शन 24 कहता था 12 केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, उसमें था एक इंटरस्टेट सप्लाई। लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए याद करो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए क्या उन्होंने एग्जम्पशन दे रखी थी कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, हम आपको रजिस्ट्रेशन से माफ रखेंगे जब तक कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की जो भी है 10, 20, 40 उसको क्रॉस नहीं कर जाती है। तो ठीक है, तो अब अगर हमने रजिस्ट्रेशन से आपको माफ कर रखा है तो हम आपको ई वे बिल से माफ नहीं करेंगे, बल्कि वहां लिखा भी हुआ था याद हो आपको कि रजिस्ट्रेशन से तो माफ कर दिया था लेकिन हमें गुड्स की मूवमेंट के लिए ई वे बिल बनाना होता था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का वाला पॉइंट जाके पढ़ लेना, ये वहां पे रिवाइज हो गया। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन से माफी दे रखी है थ्रेशोल्ड लिमिट तक, तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है गुड्स की मूवमेंट के लिए। सर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो ई वे बिल कैसे बनाएंगे? अरे अभी तो बताया था एनरोलमेंट नंबर ले लेना। अच्छा, हाँ, तो 50,000 से कम की वैल्यू हो 2 केसेस में ई वे बिल बनेगा। कौन कौन सा? जब आपने इंटरेस्टेड जो वर्कर के पास भेजा है, या जब आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं और आप रजिस्ट्रेशन से एग्जाम थे। ठीक है, अब आइए जरा कंसाइनमेंट वैल्यू के ऊपर में थोड़ी चर्चा करें, कंसाइनमेंट वैल्यू पर थोड़ी चर्चा करें जी। इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, फिर सर अभी आप कंप्लीट नहीं कराओगे, मैं चाहता हूं अब इतने के बाद एक क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, हाँ जी, कंसाइनमेंट वैल्यू हमें क्या देखनी है? हमें इनवॉइस वाइज चेक करना है ई वे बिल बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे चेक करना है? इनवॉइस वाइज चेक करना ई वे बिल बनेगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, ये कौन है? हैप्पी कंपनी है जोधपुर की, राजस्थान की। ठीक है, हैप्पी कंपनी है जोधपुर राजस्थान की, इसे किसे माल भेजना है? एमपी में माल भेजना है, किशन सन्स एमपी भोपाल की है। ठीक है, ओके, तो एमपी वाले ने ऑर्डर दिया, ओ, 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 कितने का ऑर्डर दिया? 1,40,000 का, 1,40,000 का। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ठीक है, जीएसटी एक्सक्लूड है। इस हैप्पी कंपनी जोधपुर के राजस्थान में ही 3 दुकानें हैं जो अलग अलग नाम से चलाता है, इसी कंपनी की हैं, और ये 3 दुकानें हैं। इसके पास सारा माल 1,40,000 का एक दुकान पे नहीं था, तो इसने तीनों दुकानों से थोड़ा थोड़ा माल 1,40,000 का ऑर्डर पूरा किया। इसके पास एक बल्क ऑर्डर आ गया था 1,40,000 का, तो इसने क्या किया? ये जी, राम स्टोर के पास 43,000 का माल था, उस पर जीएसटी लगा दिया और ये 50,740 का बना। 43,000 का 1,40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 1,40,000 पूरा करना है, तो 43,000 का राम स्टोर से दे दिया। श्याम स्टोर, इसकी दूसरी दुकान श्याम स्टोर के नाम से खोल रखी है, वहां से 45,000 का दे दिया। और तीसरी एक मोहन स्टोर के नाम से इसने अपनी दुकान खोल रखी है, वहां से 52,000 का दे दिया। ठीक है जी, तो हो गया पूरा इसका 1,40,000 का जी। ये 1,40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी था, तो 1,40,000 का हमने ये टारगेट ऐसे पूरा कर दिया। तो अपनी हमारी ही 3 दुकानें थी, वहां से 3 दुकानों से माल भेज दिया। मेरा क्वेश्चन, ईवे बिल मेरे को टोटल कितने का ऑर्डर मिला था उसके बेसिस पे बनेगा, या मुझे ये देखना है कि मेरे इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ऊपर है कि नहीं है? बोलो, सोचो समझो और बताओ फटाफट से। वहां कंसाइनमेंट हम यूज कर रहे थे, कंसाइनमेंट वैल्यू। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, कंसाइनमेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमें इनवॉइस वाइज चेक करना होगा या टोटल चेक करना होगा?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ फटाफट से, हमें इनवाइस वाइज चेक करना होगा। वेरी गुड बाबा, लाजवाब लाजवाब, इनवाइस चेक करना है। तो पहला इनवाइस तो 43,000 का है, ना बनाए, ये हम सारे भेज रहे हैं, ये सारा सामान हम एक ही कन्वेंस में भेज रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा सामान हम एक ही कन्वेंस में भेज रहे हैं। अब बताओ ये तो 43,000 का है, ना बनाए क्या? अरे रुको सर, क्या हुआ, करंट लगा दिया, इतनी तेज बोलते हो सर, जीएसटी इंक्लूड करके देखना। ओ माय गॉड, क्या बात है, सही बात सही बात सही बात, हमें जीएसटी इंक्लूड करके देखना है। ये 50,740 का सामान है, हमें कंसाइनमेंट की वैल्यू देखनी है, गुड्स की वैल्यू नहीं, हमें कंसाइनमेंट की वैल्यू देखनी है, और कंसाइनमेंट की वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी देखनी है। हाँ, अगर एग्जाम सप्लाई होती तो वो हटाते, कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,740 है, तो पहले केस में ईवे बिल बनेगा। नेक्स्ट, अगला, अब 45 देखूं या 53,100 देखूं, बोलो बोलो, 45 देखूं या 53,100 देखूं, इंक्लूड करके जीएसटी इंक्लूड करके देखो सर, तो यहां भी ईवे बिल बनेगा, फिर तो 50,000 से ऊपर का है। नेक्स्ट, तीसरा, जो मोहन स्टोर से माल गया, ये कितने का, 52 या 61, यहां तो कुछ भी देखो, वैसे देखना कौन सा, 61,360, तो यहां पर भी ये 50,000 से ऊपर है, ईवे बिल बनेगा, ईवे बिल बनेगा। ठीक है, ठीक है जी। मान लीजिए इसमें से एक बिल मान लीजिए 50 से कम होता, तो क्या उसके लिए ईवे बिल जनरेट होता? एक बिल अगर 50 से कम होता तो फिर उस कंसाइनमेंट का ईवे बिल नहीं बनता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, अब मैं एक बार ये पढ़ा दूं आपको, ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप कर लें साथ साथ में। क्वेश्चन बैंक में आएंगे, पेज नंबर 17.12, फिर अगला क्वेश्चन फिर करेंगे, एक बार क्वेश्चन बैंक में आएंगे, पेज नंबर 17.12, पढ़ें इस क्वेश्चन को, यही है क्या जो मैंने अभी बताया? कह रहे हैप्पी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए, ओके, इट हैज थ्री स्टोर्स, तीन स्टोर हैं इसके फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स इन जोधपुर, जोधपुर में ही इसकी तीन दुकानें हैं, ओके, नेमली राम स्टोर, श्याम स्टोर और मोहन स्टोर। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, हाँ और क्या, इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 1,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला इसको, इसको ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर आया कि तुम एक्सक्लूडिंग जीएसटी ये मेरे को माल दे दो, फ्रॉम किशन सन्स ऑफ भोपाल, अब ये किशन सन्स के पास एमपी में माल पहुंचाना है। हैप्पी कंपनी फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ रुपीज 43,000 कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम कंपनी राम स्टोर, सारा सामान एक दुकान पर नहीं था, तो इसकी एक दुकान राम स्टोर के नाम से खुली हुई है, वहां पर 43,000 का सामान है, 45,000 का सामान है श्याम स्टोर के नाम से, श्याम स्टोर वाले स्टोर पर, और तीसरी दुकान जो इसकी है वो है मोहन स्टोर के नाम से, वहाँ 52,000 का सामान वहाँ मिल जाएगा। तो तीन अलग अलग दुकानों से एक ही बंदा बेच रहा है, एक ही बंदे की तीन दुकानें हैं और एक ही बंदे के पास भेज रहे हैं, फिर भी हमें इनवाइस वाइज ईवे बिल चेक करना होता है, ऐसे नहीं, मल्टीपल इनवाइसेज को क्लब नहीं करते, इसलिए ऑल थ्री स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इनवाइसेज। तो अपनी तीनों दुकानों को बोला कि तुम अलग अलग इनवाइस बना कर दोगे, और अलग अलग इनवाइस बना कर दिया गया। अब गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू किशन सन्स इन भोपाल इन अ सिंगल कन्वेंस, इसे एक ही ट्रक में भेजा गया है, अब आपको बताना है ईवे बिल के लिए। यहां कलाकारी क्या है, कलाकारी बस ये है कि इन्होंने ये वाले अमाउंट अलग अलग बिल वाले बताए हैं, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी बता रखे हैं, बस इनको इंक्लूडिंग जीएसटी कर लेना है, तो फिर आपको फिर डर ही नहीं रहेगा, ऐसे अभी लगता है कि सिर्फ यही एक 50,000 से ऊपर है, तो यहां बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, बच्चे सीएनसीड ऐसे गेम खेलता है कि वो टैक्स एक्सक्लूडिंग दे रहा है, तो आप टैक्स ऐड करो, आप टैक्स ऐड करेंगे बस जवाब मिल जाएगा, उसके बाद तो हर एक 50,000 से ऊपर है, तो हर इनवाइस वाइज चेक करना होता है, बन जाएगा जी वे बिल। ठीक है, तो इसमें वही क्वेश्चन था, आंसर अपडेट कर लेंगे, चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पर।
अब देखिए एक और, ये देखिए, ये भी आपका अगला क्वेश्चन है। ब्यूटी कॉस्मेटिक मुंबई की है। ओ ओ प्रसन्ना ने कितने का ऑर्डर दे दिया? 120 का। ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये ध्यान रहे, ये इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी नहीं है, ये वाला इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, फिर क्या हुआ? अब इसकी भी एक दुकान पर, एक ही कंपनी है, एक ही ब्यूटी कॉस्मेटिक है, इसकी ही दो दुकानें हैं मुंबई में, एक दादर में वहां पे 55,000 का माल है, और एक मलाड में, यहाँ ये भी मुंबई में है, दोनों मुंबई में है, यहाँ 65,000 का माल है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। बताएं क्या हमें इनवाइस वाइज देखना है? हाँ, हमें इनवाइस वाइज देखना है। इनवाइस भी दोनों 50-50 से ऊपर ही है। क्या ये दोनों, भले ही हम एक कन्वेंस में भेज रहे हों, क्या दोनों ही केसेस में हमारा ई वे बिल बनेगा? जी हाँ, दोनों ही केसेस में हमारा ई वे बिल बनेगा, दोनों ही केसेस में ई वे बिल बनेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपके पास, वहां से रीड करा देता हूं। अच्छा, अगर ये माल मैंने मान लीजिए सेल एंड अप्रूवल पर भेजा होता, चाहे सेल नहीं होती, क्या तब भी ई वे बिल बनता? अरे वाह वाह, कह रहे हैं गुड्स की मूवमेंट पर है ई वे बिल, सेल वेल से कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैंने मशीन या एसी रिपेयर के लिए भेजा होता और उसकी वैल्यू 50 से ऊपर होती तो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। कह रहे हैं कि ये ई वे बिल किस पे है इससे मतलब नहीं है, अगर इनवाइस नहीं है तो चलान होगा, इनवाइस नहीं है तो गुड्स की मूवमेंट पर है, सेल वेल से मतलब नहीं है, गुड्स की मूवमेंट अगर सेल नहीं है तो चलान होगा, डिलीवरी चलान होगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक और देखें फिर इसके बाद। तीन बिल है एक ही ट्रक में, ये तीन कंसाइनमेंट जा रहे हैं, एक 52,000 का एक बिल का सामान है, एक 55,000 का, एक 42,000 का। बताएं किस केस में ई वे बिल बनेगा, किस में ई वे बिल नहीं बनेगा? पहला, ये सब इंक्लूडिंग जीएसटी हैं, अलग से नहीं है जीएसटी, इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी हैं, ये मानिए। तो पहले में बनेगा, सेकंड में बनेगा, थर्ड में यहां नहीं बनेगा। ठीक है, यहां नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब मैं आपको ये इस पे ये जो क्वेश्चन है एक बार ये रीड करा देता हूं, जितना मैंने पढ़ाया है वो एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए जरा अपने एक बार क्वेश्चन बैंक में, फिर नोट्स में भी एक पॉइंट दिखा दूंगा। पेज नंबर 17.13, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, देखिए, विद रेफरेंस टू प्रोविजंस रिलेटिंग टू ई वे बिल एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द जीएसटी लॉज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ जी, ई वे बिल के रिगार्डिंग अब आप अपने इस पे जवाब दीजिए, इन इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू रिटेल सेलर इन गुजरात, इंटरस्टेट है, वैल्यू 48,000 है एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18%। तो बताओ, पहले क्या हमें कंसाइनमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हमें 48,000 देखना है या इसमें 18% ऐड करना है? हमें 48,000 नहीं देखना, हमें क्या करना है, इसका 118% कर लो, 18% इसमें ऐड करना जीएसटी। ये आता है 56,640। तो बताएं आप, ई वे बिल बनेगा क्या? तो इससे पूछा, यू रिक्वायर टू एडवाइस, इसे एडवाइस करना है वेदर ई वे बिल इज मैंडेटरी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ गुड्स। जी हाँ, जब भी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी, वैल्यू हमें क्या लेनी होती है, सेक्शन 15 वाली वैल्यू प्लस जीएसटी माइनस एग्जम सप्लाई है। तो अगर वो वैल्यू कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी तो हमें ई वे बिल बनाना होता है, तो यहां पर बनेगा। अब कह रहे हैं इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल? हाँ जी, सिंधी टॉयज सोल्ड दिस गुड्स इन गुजरात, नाउ इट वॉन्ट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट, इट वॉन्ट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट। कौन? सिंधी टॉयज गुड्स की मूवमेंट करना चाहती है, अब सच टॉयज टू रिटेल सेलर इन गुजरात, तो कौन ई वे बिल बनाएगा? जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, तो गुड्स की मूवमेंट कौन कर रहा है? सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसे ई वे बिल बनाना होगा। हाँ जी, नेक्स्ट, अगर क्या कंसिक्वेंस होगा अगर इसने ई वे बिल नहीं बनाया तो? ये जवाब अभी आप नहीं दे सकते, इसका जवाब हम लेटर ऑन ढूंढेंगे, उसमें एक सेक्शन 129 वाली पेनल्टी और एक 122 वाली पेनल्टी लगती है।
ठीक है, वो अभी मेरे को कराना है आपको, तो अभी वो पेनल्टी लगेगी और गुड्स को सीज कर लिया जाएगा, गुड्स को सीज कर लिया जाएगा। चलो अब इसका आंसर लिखना कैसे है ये देखिए, रूल 138(1) पूरा मेंशन करेंगे जो अभी मेरे को पढ़ाना है आपको। रूल 138(1) प्रोवाइड दैट ई वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ द गुड्स आर मूव्ड, मूवमेंट से मतलब है, इन रिलेशन टू सप्लाई एंड द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000। और कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब है, शैल बी वैल्यू डिटरमाइंड इन सेक्शन 15 डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान एंड इंक्लूड्स जीएसटी कोई भी प्रकार का, लेकिन एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई अकॉर्डिंगली हमारे इस केस में ये बनता है एटसेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद बताया ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए कौन भरता है, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। पार्ट बी कौन भरता है, जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अब गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही करता है। गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड पर्सन ही अपने ही कन्वेंस में लेके जा रहा है या किराए पे ले रखा है, रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर और द रिसीपिएंट ऑफ सप्लाई एज कंसाइनी, अगर गुड्स की मूवमेंट कंसाइनर कंसाइनी दोनों में से कोई एक अपने कन्वेंस में कर रहा है या हायर्ड वन या पब्लिक कन्वेंस, मतलब अपने कन्वेंस में या किराए पे लिया उसमें लेके जा रहा है बाय रोड, तो उस केस में यही बंदा ही पार्ट बी भरकर ई वे बिल जनरेट करेगा। ठीक है, तो पार्ट ए भी इसने भरा था, पार्ट बी भी इसी ने भरा। नेक्स्ट, अगर 138(2)A ये क्या बोलता है, अगर गुड्स रेल एयर और वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तब पार्ट बी, ये रेल एयर वेसल नहीं भरते, तब हमें पार्ट बी हमें ही भरना होता है। ई वे बिल जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग द सप्लायर और द रिसीपिएंट हु शैल आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। क्यों भाई, रेलवे के केस में आफ्टर क्यों बोला, वैसे तो बिफोर ही था, यहां पर आफ्टर क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवेज बिल नंबर या शिपिंग के लिए बिल लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग नंबर नहीं था, इसलिए यहां पर आफ्टर द कमेंसमेंट बोला। तो कह रहा है कि रेलवे एयर वेसल के केस में ये नहीं, हाँ ये शिपिंग कंपनी, ये एयरलाइंस, रेलवे नहीं, ये रजिस्टर्ड पर्सन ही पार्ट बी भरकर पोर्टल पर ई वे बिल जनरेट करेगा बिफोर या आफ्टर। नेक्स्ट 138(3) क्या बोलता है, अगर गुड्स हमने हैंडओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टर ऑन कॉमन पोर्टल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब असाइन कर देंगे। अगर हमने ट्रांसपोर्टर को रोड, हमने ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, मतलब उसे असाइन कर देगा, असाइन कर देंगे ट्रांसपोर्टर को, ई वे बिल असाइन कर देंगे ट्रांसपोर्टर को, फिर वो पार्ट बी भरेगा। एंड ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन द सेड पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए, तो फिर ये ई वे बिल ये ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा अगर हमने इसे असाइन कर दिया तो। देखो सारा रिवाइज हो रहा है ना, जो भी मैंने अभी स्लाइड से दिखाया, अभी हालांकि रूल मेनली आपको पढ़ाना बाकी है, फिर भी देखो रिवाइज हो रहा है ना। अच्छा, अगर कंसाइनर कंसाइनी, याद करो मैंने ये बोला था, देखो ये तीन बातें आ गई अभी तक। पहला, हम खुद गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो पार्ट ए भी हमने भरा, पार्ट बी भी हमने भरा। अगर खुद हम गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो पार्ट ए भी भरा, पार्ट बी भी भरा। अगर रेल एयर वेसल के थ्रू हो रहा है तब भी पार्ट ए भी हमने भरा, पार्ट बी भी हमने भरा, पार्ट बी भी हमने भरा। अब अगर ये गुड्स की मूवमेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू, रोड के थ्रू हो रही है, पार्ट ए तो हमने भरा है, पार्ट बी भरने के लिए हम उसे असाइन कर देंगे, पार्ट बी भरने के लिए हम उसे असाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट, हमने पार्ट ए और बी कोई नहीं भरा, ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिया, तो अब ट्रांसपोर्टर बनाएगा अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो। ये रूल 138(7) बोलता है, देखो वेयर कंसाइनर और कंसाइनी नॉट जनरेटेड ई वे बिल एन एग्रीगेट कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, ट्रांसपोर्टर, रेल एयर वेसल को छोड़ दो, मतलब रोड के केस में अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो ट्रांसपोर्टर जनरेट ई वे बिल ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान जो भी उसको दिया गया है वो उसके बेसिस पे ई वे बिल बनाएगा। इसके बाद एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल को लिखा है, वो छोड़ दीजिए, वो अभी लेटर ऑन डिस्कस करता हूं मैं। नेक्स्ट, यहां बताया हुआ है कि अगर आप
ई वे बिल नहीं लेके जाते हैं तो एक सेक्शन 122 की पेनल्टी लगती है, 10,000 और टैक्स विच एवर इज ग्रेटर, और एक सेक्शन 129 की पेनल्टी लगती है अगर ई वे बिल नहीं है तो, और आपके गुड्स भी सीज कर लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी मैं सेक्शन 129 कराऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमारा पहला पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, हम क्वेश्चन बैंक में कहां पर हैं, पेज नंबर 17.13 पर। अब सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये क्लास कितने मार्क्स की है, आज की ही क्लास लगभग 10 से 12 मार्क्स की है और हो सकता है 15 मार्क्स की भी बन जाए सेक्शन 129 के साथ में। तो आइए, पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ एसी इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र कंसाइनमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एसी टू बी रिप्लेस्ड अंडर वारंटी। हेलो 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 हेलो, क्या कह रहा है, इसने बेचा नहीं है माल, इसने भेजा है मुंबई से अंडर वारंटी, एक एसी था, इसके कुछ पार्ट्स थे, उसे उसके भेजा है एट वेरियस क्लाइंट लोकेशन। सवाल यह है, क्या ये सप्लाई नहीं है, फिर भी इसे ईवे बिल बनाना पड़ेगा, वैल्यू देखनी होगी, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डिक्लेयर्ड इन डिलीवरी चलान, और क्योंकि ये सप्लाई नहीं है इसलिए इसने क्या बनाया, डिलीवरी चलान बनाया एज पर रूल 55। रूल 55 में डिलीवरी चलान बनता है, इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ा था हमने। ये 50,000 से ऊपर का है, ओहो, वैसे भी हमें इंक्लूडिंग जीएसटी देखना होता है, ये 50,000 से ऊपर का है, क्या ईवे बिल बनाना पड़ेगा, जी हाँ, यहां भी ईवे बिल बनेगा। ये कह रहा था कि क्योंकि सप्लाई नहीं है ईवे बिल नहीं बनेगा, ये अनपढ़ है, इसे कम पता है, रूल 130 इसने पढ़ा नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लास्ट ये मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया था, ब्यूटी कॉस्मेटिक वाला, ठीक है, ब्यूटी कॉस्मेटिक वाला, ये वाला तो मैंने मलाद अपने दो स्टोर से माल भेज रहा था, एक जगह से 55,000 का, एक जगह से 65,000 का, तो हमें इनवाइस वाइज देखना था, और ये चूंकि हमारे 50,000 से ऊपर की वैल्यू का है इसलिए ई वे बिल बनेगा, ठीक है जी। चलो अभी क्वेश्चन बैंक को कहते हैं, जाओ जी आप थोड़ी देर रेस्ट करो, हम चलते हैं आगे। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उससे मैं आपको अपने आपके चार्ट और मेन बुक से पढ़ा दूं। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं सारा करा दूं, अब आपको बताओ क्या करें। पहले पढ़ा दें तो चलो आओ, एक बार आपके पास चार्ट है पेज नंबर 17.10 पर, पेज नंबर 17.10 पे आइए, चार्ट है, वहां से रीड करते हैं कुछ। पेज नंबर मतलब ये चार्ट दे रखे हैं, एक दो और 138 ए बी सी डी ई सब इसमें दे रखे हैं, ये तीन पेज में है, यही पढ़ लेना एग्जाम के टाइम पे, इसी से बात बन जाएगी। बल्कि मैंने इसकी आपको बताया था लगभग 125 पेजों के आसपास ये समरी बुक ही बना रखी है जिसमें ये वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू इकट्ठा कर रखा है, वहीं यहीं से ही काम चल जाएगा, देखते हैं चलेगा कि नहीं। पढ़े फटाफट, सबसे पहले ई वे बिल क्या होता है, क्यों लेके जाना होता है, क्या बीच में रस्ते में चेकिंग हो सकती है, एक बार ये क्वेश्चन रीड कीजिए और मुझे बताइए बताने की जरूरत है या नहीं है। हाँ जी, ई वे बिल पढ़ लिया जी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जीएसटी पोर्टल पर बनेगा, ewebill.gst.gov.in। ये जीएसटी पोर्टल कौन सा बोल रहा है, जो ई वे बिल का पोर्टल है, शॉर्ट में EWB लिख रहा हूं, जिससे क्या पता लगेगा, गुड्स की मूवमेंट हुई है तो मूवमेंट सप्लाई की वजह से भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 68 मैंडेट करता है गवर्नमेंट में रिक्वायर PIC पर्सन इंचार्ज को कैरी करने होंगे कंसाइनमेंट के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट या डिवाइसेस। अगर ये कंसाइनमेंट कितने से ऊपर हो, कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ वैल्यू, हाँ जी, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस बोला है, कन्वेंस में क्या आता है,
पीआईसी ऑफ अ कन्वेंस में क्या आता है, आता तो वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल ही है, लेकिन हमें सिर्फ व्हीकल के केस में ही ई वे बिल कैरी करके चलना है साथ में पीआईसी को, क्योंकि रेल एयर और वेसल के केस में हमारा ई वे बिल बना ही नहीं होगा, इसलिए उन्हें कैरी करके चलने की जरूरत नहीं है। ओके ये कितने से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो टू कैरी विद हिम डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जी, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और एक हमारा एडिशनल डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या चलान, और साथ में ई वे बिल। तो ये रूल 138 साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट ई वे बिल की बात करता है। चलो जी नेक्स्ट, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट, किसे ये जनरेट करना होता है। सबसे पहले पार्ट ए, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो पार्ट ए भरेगा। वो क्या भरेगा, पार्ट ए भरेगा। कब भरेगा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट वो क्या भरेगा, वो पार्ट ए भरेगा। अब क्वेश्चन है कौन गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, नीचे क्वेश्चन है, ये इसके इसका जवाब है जिसमें कि कौन गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। नीचे देखें, हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, कौन गुड्स की मूवमेंट करता है, सप्लायर भी कर सकता है, अगर सप्लायर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेवारी लेता है तो सप्लायर गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, रिसीपेंट भी कर सकता है, रिसीपेंट खुद लेने आता है वो अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट, तो रिसीपेंट गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। तो इफ गुड्स सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड, और अगर गुड्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड को बेचता है तो हम मानते हैं रजिस्टर्ड रिसीपेंट, रिसीपेंट ने गुड्स की मूवमेंट करी। तो वैसे तो सप्लायर या रिसीपेंट जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो ई वे बिल का पार्ट ए भरेगा, वो ई वे बिल का पार्ट ए भरेगा। लेकिन 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 अगर अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को माल बेचा हो तो रजिस्टर्ड रिसीपेंट को हम मानेंगे उसने गुड्स की मूवमेंट करी, वो ई वे बिल का पार्ट ए भरेगा। वापस आइए, तो यहां पर हमने बात कर ली, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो क्या करेगा, वो पार्ट ए भरेगा। ई वे बिल मैंडेटरी कब है, when, जब कंसाइनमेंट की वैल्यू कितने से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो। 50,000 है तो नहीं बनेगा, 50,000 से ऊपर की वैल्यू का कंसाइनमेंट है तो ई वे बिल बनेगा। और इस कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या, सेक्शन 15 वाली वैल्यू, और इसमें जीएसटी इंक्लूड होगा, जीएसटी सेस कंपनसेशन सेस इंक्लूड होगा, एग्जम सप्लाई एक्सक्लूड होगी, एग्जम सप्लाई एक्सक्लूड होगी। अच्छा जी नेक्स्ट, मूवमेंट क्यों हो सकती है, मूवमेंट की वजह सप्लाई हो सकती है, अदर देन सप्लाई हो सकती है। डिटेल में मैं रूल के साथ ही लिखवा दूंगा, अदर देन सप्लाई का कोई एग्जांपल एक बता सकते हो, एग्जांपल हमने सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर भेजा है, सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर आपने सेंड किया है, सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर। नेक्स्ट तीसरा, अगर इनवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आई है, मतलब परचेज की अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रजिस्टर्ड रिसीपेंट को बनाना होता है, तो ये मूवमेंट इन वजह से हो सकती है, इन वजह से हो सकती है। अच्छा ये अगली बात कह रहा है, मल्टीपल इनवॉइसेस को क्लब नहीं करना, रेडिंग में जो दिया वो पढ़ना, मल्टीपल इनवॉइसेस को क्लब नहीं करना, एक ही ट्रक में कई इनवॉइसेस का सामान जा रहा है, मल्टीपल इनवॉइसेस डिलीवरी चालान को आपको क्लब नहीं करना। नीचे एग्जांपल यही बताता है, कहता है एक ट्रक है जिसमें तीन कंसाइनमेंट है, एक इनवॉइस 52,000 का है, सेकंड 55,000 का, तीसरा 42,000 का, तो ई वे बिल इनवॉइस 1 50,000 से ऊपर का इसका बनेगा, इनवॉइस 2 50,000 से ऊपर का इसका बनेगा, इनवॉइस 3 के लिए नहीं बनेगा, ये मैं आपको स्लाइड से भी दिखा चुका हूं। नेक्स्ट, 50,000 से कम का माल है फिर भी ई वे बिल बनेगा, दो केसेस में इंटरस्टेट ट्रांसफर बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, और दूसरा इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है सेक्शन 24(1) और 2 में। तो ये दो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के इंटरस्टेट मूवमेंट और जॉब वर्कर के पास इंटरस्टेट मूवमेंट। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कौन भरेगा, पार्ट ए, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा था वो भरेगा। लेकिन इसके लिए क्या था, हम अथोराइज कर सकते थे ट्रांसपोर्टर को, इको को या कुरियर एजेंसी को पार्ट ए भरने के लिए। वाह 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 वाह, अच्छी समरी है ना। हाँ, और पार्ट बी कौन भरेगा, जो भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हो। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन थी रेल एयर वेसल के केस में, है ना, रेल एयर वेसल के केस में इसके लिए भी एक्सेप्शन थी कि वो हमें खुद ही भरना होता था। नेक्स्ट, ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, हाँ जी, ई वे बिल अब कौन जनरेट करेगा, रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी, ये तो पार्ट ए भरा था, पार्ट बी भरने के बाद में ई वे बिल जनरेट कौन कर रहा है, हाँ जी, जनरली तो ट्रांसपोर्टर ही, क्योंकि हमने उसे हैंडओवर कर दिया होगा, उसे असाइन कर दिया होगा, वही ई वे बिल जनरेट करेगा, लेकिन अगर हम अपने कन्वेंस में लेके जा रहे हैं, ओन या हायर्ड कन्वेंस में, हम अपने कन्वेंस में लेकर जा रहे हैं, तो पार्ट ए भी हमने भरा, पार्ट बी भी हम भरेंगे, तो ई वे बिल हम ही जनरेट करेंगे। दूसरा,
अगर हमने रेल एयर वेसल के थ्रू भेजा है तो पार्ट बी उन्हें नहीं भरना होता, हमें ही भरना होता है। इसलिए उस केस में, रेल एयर वेसल के केस में भी हमें ही जनरेट करना होगा। पार्ट ए भी हमने भरा, पार्ट बी भी हमने ही भरा। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर नाइदर द कंसाइनर ए कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया, न कंसाइनर ने ई वे बिल बनाया न कंसाइनी ने, तो फिर अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है और ये इंटरेस्टेड सप्लाई है तो फिर ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना है, रेल एयर वेसल के केस को छोड़ दे तो, मतलब रोड के केस में फिर ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना होगा, ट्रांसपोर्टर को ई वे बनाना होगा। नेक्स्ट, रेलवे वाले डिलीवरी कब देंगे, ई वे बिल जनरेट करना है, पार्ट बी ये कह रहा है कि ई वे बिल रेल एयर वेसल के केस में आप कब जनरेट कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट मूवमेंट। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट का मतलब बता दो, क्यों 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 क्यों, लॉजिक क्या है भाई? पार्ट बी भर नहीं सकते थे रेल एयर वेसल के केस में, क्योंकि हमारे पास रेलवे रिसिप्ट नंबर नहीं था, एयरवेज बिल नंबर नहीं था, बिल ऑफ लेडिंग नंबर नहीं था, तो वो बाद में आया, इसलिए 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 हम बाद में भी भर सकते हैं। हाँ, लेकिन रेलवे वाले आपको गुड्स की डिलीवरी तभी देंगे जब आप ई वे बिल दिखाओगे, नहीं तो वो गुड्स की डिलीवरी नहीं देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, ऑप्शनल ई वे बिल, ऑप्शनल ई वे बिल, ई वे बिल आप ऑप्शनल भी जनरेट कर सकते हैं अगर 50,000 से कम की वैल्यू हो, कम की वैल्यू हो। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ, जब पार्ट बी नहीं भरना, पार्ट बी जब नहीं भरना है, अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, ट्रक वाले के पास माल भेजना है, कंसाइनर के यहां से ट्रक वाले के पास, कहां से कहां से, कंसाइनर के यहां से ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे भेजना, और वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक हो और वो इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट नहीं इंट्रा स्टेट हो, ऐसे ही ट्रांसपोर्टर हब पर पहुंच गया, वहां से आगे कंसाइनर के पास भेजना है, कंसाइनर के पास भेजना है, तो भी ई वे बिल का पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए तो भरा जाएगा, पार्ट बी वो कन्वेंस की अपडेशन की जरूरत नहीं है। यहां तक मैं आपको करा चुका हूं, अभी आगे हमें स्लाइड से करना है, अभी हमें स्लाइड से करना है। क्या कहते हो, इतना आपको मेन से भी पढ़ा दे, मेन रूल से भी पढ़ा दे? जी हाँ, अब फटाफट से हो जाएगा। तो आइए पेज नंबर 13 पर, फिर हम स्लाइड से दिखाएंगे। इतना हो गया है तो अब इतना हम वहां से भी कर लेते हैं। पेज नंबर 13 पे आ जाइए, पेज नंबर 13, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 13 पर। तैयार हो? जी 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 जी, तो आइए फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहले दे रखा है ई वे बिल पोर्टल कौन सा है, ये ई वे बिल gst.gov.in है। ओके, आगे क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, लिखवा दे यहां पे। ऑब्जेक्टिव क्या है जी इसका, ई वे बिल का ऑब्जेक्टिव, इस ई वे बिल का बोगस को चेक करना, टू ट्रैक ट्रांजैक्शन टू वेरीफाई बोगस इनवॉइस। हाँ जी, बोगस का क्या मतलब है, बोगस इनवॉइस का मतलब है बिना माल बिके आपने सिर्फ सिर्फ इनवॉइस इशू कर दिया, बिना माल बेचे, बिना माल बेचे आपने बोगस इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, चलो जी, इन ऐसी उल जलूल ट्रांजैक्शन जो बोगस इनवॉइसेस हैं उनको 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 चेक करना, या माल भी बिका, माल भी बिका और बीच रस्ते में, बीच रस्ते में होता क्या था, कहीं चेक नहीं होता था, तो अब चेक तो हो ही जाएगा, बस अब तैयारी है RFID की, फिर सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी भी कोई, मान लो कोई बंदा अभी भी गड़बड़ कर रहा है, माल बेचा सेलर के यहां से, बायर के यहां पहुंच गया, तो उसमें तो क्या हुआ, वहां पहुंच गया माल और इसने क्या किया, इसने यूं अपने बिल को कैंसिल कर दिया, कर सकते हैं बिल कैंसिल कर दिया कि उसने मना कर दिया माल लेने के लिए, तो हमारे पास एक ई वे बिल कैंसिलेशन के ऑप्शन है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। अब जो भी गड़बड़ में इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है अगर बीच रास्ते में माल चेक नहीं हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर बायर के पास पहुंच गया, तो आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये गड़बड़ होगी, ये ध्यान रखना। चलो अभी डिस्कस करेंगे।
अभी हम ये पढ़ें फटाफट से, रूल 138(1) पढ़ते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो सकता है? सप्लायर भी हो सकता है और ये रिसिपिएंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, वो गुड्स की जो मूवमेंट कर रहा है, इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 17.21 पर। जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो ई वे बिल बनाएगा। एक बार देखें फटाफट से पेज नंबर 21 पर, जल्दी आ जाओ एक बार पेज नंबर 21 पे, फटाफट से दिखा देता हूँ पेज नंबर 21 पर। ये ई वे बिल के क्वेश्चन दे रखे हैं, ई वे बिल के क्वेश्चन दे रखे हैं जी। क्वेश्चन 3 देखेंगे फटाफट से, पेज नंबर 17.21, हम मेन बुक में हैं, क्वेश्चन बैंक में नहीं, ध्यान रखना। हु विल जनरेट ई वे बिल इन केस ऑफ, अगर सेल करी है मिस्टर ए ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मिस्टर ए दिल्ली का है, मिस्टर बी यूपी का है, और जो गुड्स हैं वो बी के प्लेस पे डिलीवर करने, तो गुड्स की मूवमेंट कौन कर रहा है? ए, ए, ए इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ए पार्ट ए भरेगा, ये जनरेट करेगा ई वे बिल। नेक्स्ट, सेल सप्लाई बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए टू मिस्टर बी ऑफ यूपी, ए विल अरेंज ट्रांसपोर्ट, अपने ट्रक में नहीं, अब ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजेगा, भेजेगा तो ए ही ना, तब भी यहां पर ए ही गुड्स की मूवमेंट कर रहा माना जाएगा, ए ही माना जाएगा गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा है, तो वो अब ए पार्ट ए भरेगा, पार्ट बी भरने के लिए वो किसको बोल सकता है? ट्रांसपोर्टर को। नेक्स्ट, सेल सप्लाई बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी ऑफ यूपी, अगेन यहां पर क्या है जी, अब बी जो है वो खुद लेने आएगा अपने ट्रक में, तो यहां बी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, बी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, गुड्स आर सेंट बाय मिस्टर ए टू जॉब वर्कर, ओ ओ सेल नहीं है, सप्लाई नहीं है, फिर भी ई वे बिल बनाना होगा। जी हाँ, अभी आप पढ़ेंगे सब, जो रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी या सप्लाई ऑफ लिक्विड या क्वांटिटी नॉट नोन, सेल रिटर्न है, एग्जीबिशन पे भेजा है, ट्रेड फेयर में भेजा है, अपने यूज के लिए हम लेके जा रहे हैं अपनी प्रीमाइसेस में दूसरी जगह, या सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर भेजा, मतलब ये केसेस हैं जब सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तब भी ई वे बिल बनता है, तब भी ई वे बिल बनता है। नेक्स्ट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने माल परचेज किया अनरजिस्टर्ड से, तब रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना होगा। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखिए, एक एफएमसीजी कंपनी है, ये 10 लाख का सामान दिल्ली में लक्ष्मीनगर में अलग अलग किराना स्टोर होंगे, कुछ थोड़ा कुछ कुछ परचेज करेंगे। आपने देखा कभी कभी वो अपने ब्रेड के पैकेट वाला या अंडे वाले कुछ ऐसे आते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सामान अलग अलग दुकानों पे जिसको जितना चाहिए होता उतना देते जाते हैं, तो उसको शुरू में मूवमेंट करते समय नहीं पता होता कि कौन सी दुकान वाला कितना सामान परचेज करेगा, तो वो अब चूंकि सप्लाई नहीं है तो वो क्या करेगा, मूवमेंट पे चलान बनाएगा, मूवमेंट पे चलान बनाएगा। क्या इसे ई वे बिल बनाना है? जी हाँ, ये अदर देन सप्लाई का केस है, तो इसने मूवमेंट पे डिलीवरी चलान बनाया होगा, यहां पर भी इसे ई वे बिल बनाना होगा, यहां पर भी इसे क्या करना होगा, ई वे बिल बनाना होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रीड कर लेना कि क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने होते हैं। जी हाँ, इनवाइस भी कैरी करना होता है, ई वे बिल भी कैरी करना होता है। चलो वापस आते हैं हम अपना पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर वापस आएंगे। आइए आइए फटाफट से, हाँ जी, रूल 138(1) हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमने कहा रजिस्टर्ड पर्सन जो भी गुड्स की मूवमेंट करेगा, अगर 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 कंसाइनमेंट वैल्यू, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, गुड्स की वैल्यू नहीं, कंसाइनमेंट वैल्यू कितने से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा हो। अब इस वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, ये हमें कहां बताया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन 2 में बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2 में बताया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन 2 में देखेंगे और इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे पेज नंबर 17.22 पर। अब नीचे पहले एक बार एक्सप्लेनेशन 2 पढ़िए, एक्सप्लेनेशन 2 पढ़िए। कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब है, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान, इनमें भी लिखनी होती है वैल्यू, जी हाँ, एज अ केस में भी, एंड इसमें ऐड करेंगे जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या कंपनसेशन सेस, लेकिन इसमें से हटाएंगे, हटाएंगे, ऐड करेंगे जीएसटी, हटाएंगे क्या, अगर उस बिल में एग्जम सप्लाई भी थी, उस बिल में एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सामान लिखे हुए थे, तो हम उसमें से एग्जम्प्ट वाली वैल्यू हटा देंगे। सर वैसे तो एग्जम्प्ट के लिए तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है,
और टैक्सेबल के लिए टैक्स इनवॉइस इशू होता है, तो एक ही बिल में क्या, आपको याद है एक रूल 55A था, वो कहता था अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहे हो तो इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हो, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो एक ही बिल में टैक्सेबल सामान भी लिखाओ, एग्जम सामान भी लिखाओ, तो एग्जम सप्लाई वाला आप अमाउंट हटा देना, हटा देना टैक्सेबल वाला सामान और उसका जीएसटी ही ऐड करना। ओके ओके, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए पेज नंबर 17.22 पर। इस वैल्यू के लिए क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू के लिए क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 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 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट किए वाया रोड, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली ने मिस्टर बी ऑफ हरियाणा को सेक्शन 15 वाली वैल्यू 60,000 है, इसमें एग्जम गुड्स की वैल्यू 10,000 है, तो 50 में से क्या करेंगे, हाँ जी 60 में से क्या करेंगे, 60 में से 10 माइनस करेंगे, 60 में से 10 माइनस करेंगे, और आईजीएसटी बताता है 9,000 है, तो हम क्या करेंगे 9,000 ऐड कर देंगे, तो हमने टैक्स जीएसटी ऐड कर देना, ये वैल्यू ऑफ 59,000 बनी, ये 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुड्स इंपोर्ट करें यूएसए से और ये पोर्ट पर आ गए, कस्टम पोर्ट, ओहो कस्टम पोर्ट से आप अपनी प्रीमाइसिस पर लेके आओगे, क्या तब भी ई वे बिल बनेगा, जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी, ये नहीं बोला आपकी प्रीमाइसिस है, जब भी आप कस्टम पोर्ट से अपनी प्रीमाइसिस पर भी लेके आ रहे होगे ना, अगर वो वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो बिल ऑफ एंट्री के साथ में आपको ई वे बिल भी साथ में चाहिए चाहिए चाहिए। तो कंसाइनमेंट की वैल्यू आप कैसे चेक करेंगे, हमें सेक्शन 15 वाली वैल्यू चाहिए, सेक्शन 15 वाली वैल्यू बोलती थी सभी प्रकार के ड्यूटीज टैक्सेस को ऐड कर दो, तो ये बीसीडी सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी ऐड होगा, ये ऐड होने के बाद सेक्शन 15 वाली वैल्यू निकलेगी, और आईजीएसटी तो इस एक्सप्लेनेशन 2 ने ही बोला जीएसटी ऐड करना है, तो ये भी ऐड होगा, मतलब 50,000 में बीसीडी और ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये तो ऐड करना है, ये सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू निकलेगी इतने में, और फिर ये एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से 9927 भी ऐड करेंगे, तब हमारे पास कंसाइनमेंट वैल्यू आएगी, ये 50,000 से ऊपर है, ई वे बिल बनेगा, ई वे बिल बनेगा। हाँ जी नेक्स्ट, क्या कंसाइनर ऑथोराइज कर सकता है ट्रांसपोर्टर इको को कुरियर एजेंसी को पार्टे भरने के लिए, जी हाँ। नेक्स्ट, गुड्स इको के थ्रू हमने भेजे हैं 50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी 50,000 से ऊपर का होना चाहिए, ओहो लेकिन शिपिंग चार्जेस 6,000 के हैं, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस 6,000 के हैं, तो ये टोटल सेक्शन 15 के हिसाब से टोटल वैल्यू निकालनी है, तो ये सेक्शन 15 में ये ट्रांसपोर्ट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास ये 56 बनेगा, तो ये 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल बनेगा बनेगा बनेगा, ठीक है जी। चलो जी वापस आते हैं हम अपने पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर, हाँ जी जल्दी आएंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है अगर उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, वजह सप्लाई है, एग्जाम्पल सेल है, वजह अदर देन सप्लाई है, अदर देन सप्लाई का एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल आपने जॉब वर्क के पास भेजा है, जॉब वर्कर के पास भेजा है, एग्जाम्पल आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजा है, एग्जाम्पल आपने एग्जीबिशन में भेजा है, एग्जाम्पल आपने सेल्फ यूज के लिए भेजा है अपनी दूसरी प्रीमाइसिस पर, एग्जाम्पल आपने रिपेयर के लिए भेजा है, एग्जाम्पल आपने वारंटी रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी के लिए भेजा है, जब भी सेल नहीं है तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब इन सब में एक तो चलान बना होगा इनवॉइस की जगह, और साथ में आपको क्या बनाना है, ई वे बिल बनेगा अगर ये वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो, हाँ जी। लेकिन जॉब वर्क के केस में अगर इंटर से सप्लाई हो फिर हमें वैल्यू नहीं देखनी होती, इंट्रा में तो देखनी है, ठीक है, जॉब वर्क में इंटर स्टेट में हमें कोई वैल्यू नहीं देखनी होती, इंट्रा में तो 50,000 की वैल्यू देखनी है, अभी नीचे आएगा ये। नेक्स्ट तीसरा, ये मूवमेंट क्यों हो रही है, मूवमेंट की वजह सेल है, ये है वजह ऑफ मूवमेंट, ये तीनों केस क्या, ये तीनों केसेस क्या बता रहे हैं, रीजन ऑफ मूवमेंट, नेक्स्ट है ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, हाँ जी इस केस में
अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में ये ई वे बिल कौन बनाता है? ये रूल 138(3) की एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है कि उस केस में जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है वो माना जाएगा कि इसने गुड्स की मूवमेंट करी है। ये नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, रूल 138(3) की एक्सप्लेनेशन 1 पेज नंबर 14 पे देखिए। अब मैं आपको लीगली पढ़ा रहा हूं, ठीक है? वैसे मैंने आपको सब बता दिया लेकिन लीगली भी आपको पढ़ना आना चाहिए ना। तो ये रूल 138(3) शुरू हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन 1 ये देखिए क्या कहती है। विद द गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रिसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड। सप्लायर कौन है? सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो मूवमेंट शैल बी सेट टू बी कॉज्ड बाय सच रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट माना जाएगा इसने मूवमेंट करी है, तो फिर इसे ई वे बिल बनाना होगा। रिसीप अगर रिसिपिएंट नोन था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, तो यहां पर तब इसे ई वे बिल बनाना होगा, इसे ई वे बिल बनाना होगा। हाँ जी, मेरे एक क्वेश्चन सुनो। ये कह रहा है कि गुड्स सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को। मान लीजिए एक बंदा अपना सामान लेके चला, वो अनरजिस्टर्ड है, और उसने लक्ष्मीनगर दिल्ली में कई दुकान वालों को सामान देना है। सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड। अब पता ही नहीं है कि कौन कितना सामान परचेज करेगा। पता है तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट बनाएगा, पता ही नहीं है कौन कितना सामान परचेज करेगा, तब फिर ई वे बिल नहीं बनेगा। तो इसने क्या बोला? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पता तभी तो वो बना पाएगा ना, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड। अगर पता ही नहीं है तो फिर वो नहीं बना पाएगा, है ना। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं पिछले पेज पर। तो यहां तक हो गया था हमारा रूल 138(1), अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्या बोलता है आगे? आगे बोलता है, जरा देखेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, वजह मूवमेंट की सप्लाई अदर देन सप्लाई या रजिस्टर्ड रिसीपिएंट ने परचेज किया, शैल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले इंफॉर्मेशन भरेगा पार्ट ए में, रिलेटिंग टू सेट गुड्स इन पार्ट ए, पार्ट ए में इंफॉर्मेशन भरेगा। EWB01 फॉर्म नंबर याद रखना है, ये याद रखे क्योंकि इसके लिए पार्ट ए पार्ट बी बार बार आता है ना, तो EWB01। ई वे बिल तो याद ही है, बस 01 याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द ई वे बिल पोर्टल अलोंग विद सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। और ई वे बिल के बेसिस पर क्या मिलेगा? यूनिक नंबर। पार्ट ए भरने पे ई वे बिल नंबर नहीं मिला, ध्यान रहे, पार्ट ए भरने पे पार्ट ए के बाद यूआईएन नंबर मिला है, पार्ट ए के बाद यूआईएन मिला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला, ठीक है, यूनिक नंबर मिला है। यूएन लिख देते हैं, यूआईएन नहीं लिखते क्योंकि यूएन हम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। यूनिक नंबर मिला है, यूनिक नंबर मिला है, यूनिक नंबर मिला है, ये ई वे बिल नंबर नहीं है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, अगले दो पॉइंट, ये पार्ट ए किसने भरा? जिसने गुड्स की मूवमेंट करी। हम पार्ट ए खुद ना भरें, हम अथोराइज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर को या कुरियर एजेंसी को। अथोराइजेशन, अथोराइजेशन टू पहला ट्रांसपोर्टर और दूसरा कुरियर, इको या कुरियर एजेंसी, इको या कुरियर एजेंसी टू फाइल पार्ट ए। टू फर्निश पार्ट ए, पार्ट ए। तो आगे देखेंगे, कह रहा है ट्रांसपोर्टर ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन मे फर्निश इंफॉर्मेशन पार्ट ए इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल विद अदर इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, और उसके बाद यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड और सप्लाइड थ्रू एन इको, अगर इको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे अमेजोन के थ्रू आपने बेचा है या कुरियर एजेंसी के थ्रू आपने गुड्स भेजे हैं, तो वो ऑन एन ऑथोराइजेशन रिसीव फ्रॉम कंसाइनर, तो अगर इनको ऑथोराइज करा है, ये इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए भर देंगे और यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे।
जोवर के केस में ई वे बिल या तो प्रिंसिपल बनाएगा या जॉब वर्कर बनाएगा। अब अगले दो केसेस 50,000 से कम की वैल्यू है तब भी ई वे बिल बनेगा। नेक्स्ट, वैल्यू इन्वॉल्व्ड इररिलेवेंट इन टू केसेस। पहला, अब ये यहां दो पॉइंट लिखेंगे, पहला और दूसरा, पहला थोड़ा ऊपर लिखेंगे। तो पहला, इंटरस्टेट मूवमेंट टू जॉब वर्कर। अगर हमने इंटरस्टेट मूवमेंट करी है जॉब वर्कर को। नंबर दो, हमने क्या भेजा है जी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हमने हैंडीक्राफ्ट गुड्स किसे भेजे हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स गुड्स किसको भेजे हैं, ये हमने भेजे हैं टू पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24(1) या 2। अंडर सेक्शन 24(1) या 2। अरे क्या हो रहा है, तो देखेंगे। प्रोवाइजो, वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू अ जॉब वर्कर इन अदर स्टेट, इंटरस्टेट मतलब इंटरस्टेट हो गया। ई वे बिल शैल बी जनरेटेड आइदर बाय द प्रिंसिपल और जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड। जॉब वर्कर तभी बना सकता है जब रजिस्टर्ड हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। तो वैल्यू नहीं देखनी, 50,000 से कम है तो भी बनाना है, 50,000 से कम है तो भी बनाना है। इवन इफ ये वैल्यू, इवन इफ लेस देन 50,000 तो भी ये ई वे बिल बनेगा, तो भी ई वे बिल बनेगा। ध्यान रहे, इंट्रास्टेट जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं फिर 50,000 की वैल्यू देखनी है, इंट्रास्टेट के लिए नहीं देखनी, इंट्रास्टेट के लिए तो देखनी है। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मूवमेंट हुई है बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहां पर तो हम खुद ही लेके जा रहे हैं, टू पर्सन नहीं आएगा, ये बाय आएगा यहां पे। बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। हम ही तो वहां लेके जा रहे थे, कहां पर, सूरजकुंड के मेले में जो एग्जाम्पल लिया था। तो जिसको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है 24(1) या 2 में, तो यहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आता था, तो ई वे बिल जनरेट किया जाएगा भले ही वैल्यू 50,000 से कम हो। और हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मीनिंग दे रखा है वहां पे ही रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, नोटिफिकेशन नंबर 32/2017 में वही लिखा हुआ है कि आप हाथ से गुड्स बना रहे हैं, मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, पार्ट ए की बातें हो गई। अभी तक इतने में रूल 138(1) पढ़ा, साथ में प्रोवाइजो पढ़े, यहां पार्ट ए की बातें होगी। अब शुरू हो रही है पार्ट बी की बातें, पार्ट बी कौन भरता है? अगर हम खुद लेके जा रहे हैं अपने कन्वेंस में तो हम भरेंगे, अगर हमने ट्रांसपोर्टर को दिया उसको असाइन करना पड़ेगा, रूल 138(3) बताता है वो भरेगा। लेकिन रेल एयर वेसल के केस में रेलवे एयरलाइंस वेसल शिपिंग कंपनी नहीं भरती, उसके लिए हमें ही भरना पड़ता है, तो देखेंगे। सेकंड पॉइंट, ट्रांसपोर्टर नहीं, हम खुद अपने कन्वेंस में लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं, तो सेकंड पॉइंट में हेडिंग लगा सकते हैं यहां पर, हम ट्रांसपोर्टर को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम खुद ही लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं। तो पार्ट ए भी हमने भरा था, पार्ट बी भी हम खुद भरेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी खुद भरेगा, पार्ट ए और बी खुद भरेगा। ऐसे रेल एयर और वेसल के केस में भी पार्ट बी खुद भरना है, वो नहीं भरेंगे, पार्ट बी खुद भरेगा जो भी पार्ट ए भर रहा है, जिसने पार्ट ए भरा, और पार्ट ए किसने भरा होगा, पार्ट ए उसने भरा होगा जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। तो जो गुड्स की मूवमेंट करने वाला है वही पार्ट ए पार्ट बी भरेगा रेल एयर वेसल के केस में। पार्ट ए किसने भरा है जी, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा।
तो आइए जरा अब इसे रीड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट रीड करिए फटाफट से और बताइए मुझे कुछ बताने की जरूरत है या नहीं। हाँ जी पढ़ लिया। वेदर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, चाहे ये गुड्स को कंसाइनर कर रहा है या कंसाइन नहीं कर रहा है, वेदर इन इज ओन कन्वेंस मतलब अपने कन्वेंस में लेके जा रहा है या किराए पे कन्वेंस ले रखा है उसमें लेके जा रहा है या पब्लिक कन्वेंस। सर ये पब्लिक कन्वेंस क्या यूज हो रहा है, कोई आप बस में लेके जा रहे हो अपने गुड्स तब, हालांकि इसके लिए क्लैरिटी नहीं है फिर कैसे भरेंगे, तो हालांकि वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं कि खुद अपने कन्वेंस में खुद आप लेके जा रहे हैं, मतलब चाहे किराए पे ले रखा है या अपने पब्लिक कन्वेंस में लेके जा रहे हो या अपने कन्वेंस में लेके जा रहे हो, तब आपको ई वे बिल बनाना है, ई वे बिल जनरेट करना है पोर्टल पर आफ्टर फर्निशिंग। तो पार्ट ए आपने भरा, पार्ट बी भी आपको भरना है, पार्ट बी भरने के बाद अब आपको ई वे बिल नंबर मिलेगा। ये टू और टू ए यहां पे या थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे आएगा, पार्ट बी भरने पर ई वे बिल मिलेगा, पार्ट बी भरने पर ई वे बिल नंबर मिलेगा, ई वे बिल नंबर मिलेगा। अच्छा ये यहां पे नहीं लिखा हुआ कि ये कितने दिन में भरना है, पार्ट बी 15 दिन में भरना है, ये आगे आपको मिलेगा। ठीक है तो पार्ट बी कितने दिन में भरना है ये भी लिख लो यहां पर, पार्ट बी 15 डेज में भरना है, पार्ट बी 15 डेज में फिल करना, 15 डेज में फिल करना। ठीक है चलो आगे चले। हाँ जी अब इसके बाद आगे चले। हाँ जी ये कह रहा है कि अगर आपने रेल एयर वेसल के केस में गुड्स की मूवमेंट करी है तो आप ये पार्ट बी कब भर सकते हो, बिफोर और आफ्टर। आफ्टर का क्या मतलब है, आफ्टर क्यों, क्योंकि हमारे पास एयरवे बिल या फिर वेसल के लिए बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे के लिए रेलवे रिसिप्ट नंबर नहीं होगा ना, इसलिए उन्होंने आफ्टर लिखा है। ठीक है मैं अब लिखवा नहीं रहा वो, तो ये भी कब भरना है, बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हो गया नोट, नोट हो गया तो फटाफट से आइए नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी नेक्स्ट ये कहता है, हाँ जी ये क्या कह रहा है, अगर गुड्स रेलवे के थ्रू आपने ट्रांसपोर्ट किए हैं, अगर आपने रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हैं तो रेलवे तब तक आपको गुड्स डिलीवर नहीं करेगा जब तक आप ई वे बिल नंबर नहीं दिखा देते। तो अब हमने रेलवे रिसिप्ट नंबर दे दिया, पार्ट बी भर सकते हो, भर लो ना अब, दो ना ई वे बिल नंबर, नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे माल तुम्हारे को, तो अब आप ई वे बिल नंबर दिखाओ तो ही हम आपको क्या करेंगे, माल देंगे। नेक्स्ट थ्री, अब आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेज रहे हो, यहां पर ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेज रहे हो, अपने ट्रक में नहीं, ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेज रहे, गुड्स भेज रहे, तो यहां पर आप पहले उसको असाइन करो, पहले आप क्या करो, असाइन करो ई वे बिल, असाइन करो ट्रांसपोर्टर को, तभी तो वो पार्ट बी भर पाएगा ना, असाइन करो ट्रांसपोर्टर को तो वो पार्ट बी भरेगा। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या लिखता है जी, देखेंगे ई वे बिल इज नॉट जनरेटेड अंडर सब रोल टू, ई वे बिल नहीं जनरेट किया क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजा है, वहां ऊपर अपने कन्वेंस की बात करता था या रेल एयर वेसल की बात करता था। तो कह रहा है वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ ट्रांसपोर्टर, हमने गुड्स किसको दे दिए, ट्रांसपोर्टर को दे दिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टर। रजिस्टर्ड पर्सन ये जो कह रहा है ना, ये अब असाइनमेंट की बात कर रहा है, हम असाइन कर देंगे, असाइन कर देंगे, असाइन ई वे बिल, तो अभी रजिस्टर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन भरेगा ई वे बिल पोर्टल पर, असाइन कर देगा, एंड द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर। अब ये ई वे बिल ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भर के जनरेट कर लेगा ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। ठीक है जी नेक्स्ट ऑप्शनल ई वे बिल, दो केसेस, अब ये अगले दो प्रोविजो यहां ऑप्शनल ई वे बिल की बातें कर रहा है,
ऑप्शनल ई वे बिल, और वो हैं दो केसेस, अगर वैल्यू आपकी लेस देन 50,000 है, या दूसरा वैल्यू आपकी लेस देन 50,000 है, और दूसरा अगर मूवमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरा मूवमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मूवमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर मे एट इज ऑप्शन जनरेट एंड कैरी द ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट लेस देन 50,000। सर इनका तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कैसे जनरेट कर लेंगे? इन्हें इसके लिए एनरोलमेंट नंबर लेना होगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो इनके लिए इसे क्या लेना होगा? एनरोलमेंट नंबर लेना होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर वे द मूवमेंट इज कॉज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन आइदर इन ओन कन्वेंस और हायर्ड वन और थ्रू अ ट्रांसपोर्टर, ही और द ट्रांसपोर्टर मे, ऑप्शन है, चाहे तो ये जनरेट कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड बंदे भी, तो ये ऑप्शनल है। तो ये कैसे भरेगा? अगेन इसको क्या करना पड़ेगा? एनरोलमेंट कराना पड़ेगा जी। ओके, कैसे? पैन और आधार के बेस पे। नेक्स्ट, अब वो 50 किलोमीटर वाली बात। हाँ जी, 50 किलोमीटर वाली बात, इसका वैसे मैंने 50 किलोमीटर वाली बात यहां बता रखे, इस प्रोवाइजो में बता रखी है 50 किलोमीटर वाली बात। और ये क्या कह रहा है? कंसाइनर से हमें ट्रांसपोर्टर के पास, ये मैंने वैसे चार्ट नेक्स्ट पेज पे बना के भी दिया हुआ आपको, ये भेज रहे हैं। अगर ये इंट्रा है प्लस लेस देन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो पार्ट बी नहीं भरना, पार्ट बी ऑप्शनल। ये इस प्रोवाइजो में है। ऐसे ही नीचे ये बना लो फटाफट से और रीड करें। हाँ जी, ऐसे ही अब 50 किलोमीटर वाली बात, ट्रांसपोर्टर हब से कंसाइनी के पास, वो पांचवें का प्रोवाइजो है, पढ़ेंगे। विद द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटर स्टेट नहीं है, विद इन द स्टेट। अगर कंसाइनर के प्लेस से आप ट्रांसपोर्टर के प्लेस पर लेके जा रहे हो और ये विद इन द स्टेट हो, इंटर नहीं, तब सप्लायर रिसिपिएंट एज अ केस में भी मे नॉट फर्निश डिटेल इन पार्ट बी। पार्ट ए तो भरना है, पार्ट बी नहीं भरना, ठीक है, पार्ट बी नहीं भरना। और ये कह रहा है जब तक आप पार्ट बी नहीं भरोगे तब तक आपका ई वे बिल वैलिड नहीं होगा, बट वैसा उसी के बाद ही तो ई वे बिल नंबर मिल रहा है। ई वे बिल नॉट बी वैलिड जब तक आप पार्ट बी नहीं भरोगे। अब आइए, ये 50 किलोमीटर वाली बात जो कनेक्टेड है वो पांचवें के प्रोवाइजो में है, वो भी पढ़ लें। ये पांचवें के प्रोवाइजो में है, ये पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है जी? हम ट्रांसपोर्टर के यहाँ से कंसाइनी के पास भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के यहाँ से हम कंसाइनी के पास भेज रहे हैं। अगेन ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो और ये डिस्टेंस लेस देन 50 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर तक हो, ऊपर भी ऐसे ही था, तो देखेंगे क्या कहता है। तब यहाँ पे ई वे बिल ऑप्शनल है, पार्ट बी ऑप्शनल है, पार्ट बी ऑप्शनल। पढ़े जी क्या लिखा हुआ है। विद द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट, ये ध्यान रहे इंट्रा होना चाहिए, और फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ कंसाइनी, फाइन ट्रांसपोर्टर से फिर वो ट्रांसपोर्टर हब से फिर फाइनली कंसाइनी के पास भेजना था, क्योंकि वो गाड़ी बड़ी है, वहां तक पहुंच नहीं सकती, कंसाइन की एक संकरी गलियां हैं, इसलिए तो डिटेल ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी अपडेटेड, डिटेल ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी अपडेटेड, मतलब पार्ट बी की बात कर रहा है। पार्ट बी मत भरो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट, ई वे बिल बनने के बाद में ये यूनिक ई वे बिल नंबर जो है जनरेट किया जाएगा, सप्लायर रिसिपिएंट ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा। अब इसके बाद आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड से और फिर बाकी का पार्ट कर सकते हैं। अरे क्या कह रहे हो, ब्रेक मांग रहे हो? अरे अभी से थक गए क्या? चलो यहां फिर मैं आपको देता हूं ब्रेक, मिलेंगे ठीक 10 मिनट के बाद, फिर बैलेंस ई वे बिल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और सेक्शन 129 भी करना हमारे को, ध्यान रखना। चलो जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। क्या हाल चाल हैं आपके? करें जी आगे ईवी बिल वाला पार्ट शुरू। जी 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 हम स्लाइड में यहां तक पहुंच गए थे। अगर एक कंसाइनमेंट है और उसका एक ही इनवॉइस है तो एक ईवी बिल बनेगा।
मल्टीपल कंसाइनमेंट है, मल्टीपल इनवाइसेज हैं, एक ही वे बिल नहीं, मल्टीपल ही वे बिल बनेंगे। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को क्लब नहीं कर सकते एक ई वे बिल बनाने के लिए। हर इनवाइस का अपना अपना ई वे बिल होगा, अगर वो 50,000 से ऊपर की वैल्यू का है तो। क्या ऐसा हो सकता है एक इनवाइस है और मल्टीपल कंसाइनमेंट है, जैसे सीकेडी एसकेडी पैक या लोड्स में सामान जा रहा है? याद है हमने इनवाइस के चैप्टर में पढ़ा था, अभी एंड में दिखाऊंगा भी मैं आपको, जब लोड्स में सामान जा रहा है, एक लोड एक दिन गया, दूसरा लोड 3 दिन बाद गया, तीसरा लोड 4 दिन बाद गया, तो उस केस में हम इनवाइस पहले बना लेते हैं फिर चलान जाते हैं, तो फिर उस केस में हर आपके चलान के साथ ई वे बिल बनेगा। जी ये बोले जो ई वे बिल के रूल्स हैं, ये रेलवे, अगर अगर हम ये बोले लीजिंग ऑफ पार्सल पेस बाय रेलवे, उस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लीजिंग ऑफ पार्सल पेस बाय रेलवे में जिसको लीज होल्डर रजिस्टर्ड होता है उसी को ई वे बिल बनाना होता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रेलवे ने एक पॉलिसी बनाई थी 2014 के आसपास या 2007 के आसपास, इनकी ये पॉलिसी बनी थी कि जो कार्गो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन भी उसमें देखा होगा आपने कि एक गुड्स की बुग्गी उसमें ऐड कर रखी होती है उन्होंने। क्यों उन्होंने ये पॉलिसी बनाई? क्योंकि उनको लॉस हो रहा था रेलवे को, तो उन्होंने सोचा कि कुछ लोगों का सामान जाता है उनसे हम पैसा कमा लेंगे, कम से कम उसको चलाने की ऑपरेशन कॉस्ट तो जस्टिफाई हो। तो इसके लिए इन्होंने पैसेंजर ट्रेन्स में ही गुड्स का एक डिब्बा या दो डिब्बे लगेज वाले वो उसमें ऐड करने शुरू किए थे। तो अब इसमें किस किस का सामान जाएगा, रेलवे ने ये काम किया, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम डिसाइड करो कि ना जो लोग आएंगे तुम बुक कर लेना, हम तुम्हें लाइसेंस देते हैं तुम हमारे को लाइसेंस फी दे देना। तो अब वो लोग जो आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे वो पार्सल कार्गो की एक्सप्रेस ट्रेन में अपना लीजिंग ऑफ पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन कर रहे हैं या लीजिंग ऑफ कार्गो कर रहे हैं इन रेलवे, तो उस केस में उन्हें ई वे बिल नहीं बनाना। तो उस केस में ई वे बिल किसको बनाना है, जो जिसको लाइसेंस दे रखा है रेलवे ने वही बनाएगा। तो ई वे बिल के रूल्स लीजिंग ऑफ कार्गो बाय रेल पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। चलो इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट। ओ क्या हुआ, रस्ते में गाड़ी खराब हो गई, क्या करें, गाने गाएं? अब रस्ते में गाड़ी खराब हो गई है, अब क्या करें, दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ेगी। अब ये गाड़ी आपकी खुद की हो सकती है या आपके पास खुद की नहीं है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, कन्वीनियंस चेंज हो रहा है जी, आपकी खुद की गाड़ी है, आप यहां से माल उतार के इसमें लोड करोगे तो क्या करो, पार्ट बी को अपडेट कर लो। अगर रस्ते में गाड़ी खराब हो गई, अब आप दूसरी गाड़ी में इसे उतार के अपलोड करोगे तो इस गाड़ी का नंबर पार्ट बी में आप अपडेट कर सकते हैं, नया ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए तो सही भरा हुआ है, पार्ट ए में यह सामान था वही सामान ही रहेगा, बस गाड़ी वाला ही तो प्रॉब्लम हुई है ना, गाड़ी चेंज हुई है ना। तो आप एक काम करो, पार्ट बी नया भर लो, पार्ट बी चेंज कर लो, मतलब पार्ट बी जो है ना उसमें कन्वेंस चेंज कर लो। तो लीजिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, तो जो ट्रांसपोर्टर है या जो ई वे बिल का जनरेटर है वो पार्ट बी अपडेट कर सकता है। भाई अगर आप खुद अपने कन्वेंस में लेके गए हो, आप अपने खुद कन्वेंस में लेके गए तो दूसरा कन्वेंस अब आप चेंज कर रहे हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो आपने दूसरी गाड़ी मंगाई, तो उस पार्ट बी में अपना वो डाल दो। अगर ट्रांसपोर्टर सामान लेके जा रहा था, ट्रांसपोर्टर का ट्रक खराब हो गया, वो दूसरा कोई अपना ट्रक बुलाता है या अपना व्हीकल बुलाता है तो उसका व्हीकल नंबर अपडेट कर लेगा, चल देगा। अब हो सकता है इनके पास अपनी दूसरी गाड़ी अभी फ्री नहीं है, है तो सही लेकिन इनके पास अपनी दूसरी गाड़ी अभी फ्री नहीं है, अब क्या करें, सामान यहां खड़ा रहे या किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर जो उसका दोस्त है उसको फोन करके बुला ले, यही होता है। तो यहां पे अब ये क्या करेगा, अपने दूसरे दोस्त की गाड़ी को बोलेगा कि दूसरे दोस्त को बोलेगा तू एक काम कर, ये वाला माल तू पहुंचा दे,
मैं नहीं भेजता, अब ये वाला माल तू पहुंचा दे, तो इसके लिए अब ट्रांसपोर्टर को उसे असाइन करना पड़ेगा। अगर सेम ट्रांसपोर्टर रहता, सेम बंदा रहता, तो पार्ट भी अपडेट कर ले, लेकिन ये पार्ट भी अब अपडेट करने के लिए दूसरे ट्रांसपोर्टर को बोल रहे हैं तू ले जा अपनी गाड़ी में सामान, तो उस ट्रांसपोर्टर को अब उसे असाइन करना पड़ेगा। अब ये दूसरे ट्रांसपोर्ट में, दूसरे व्हीकल में लेके जा रहे हैं, तो अब इसे क्या करना होगा, यहां पर इसे असाइन करना पड़ेगा। देखा, बंदा चेंज कर दिया ना मैंने, ये लीगली बातें कहां लिखी हुई हैं, ये वाली बात रूल 138(5) में लिखी है, ये वाली बात रूल 138(5A) में लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली बात रूल 138(5A) में लिखी हुई है। क्या कहते हो, ये पढ़ा दूं एक बार साथ साथ? आइए, अगर आपके बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या कोई ऑप्शन है, ये रूल 138(5) और 5A में लिखा हुआ है। एक बार पहले यही दिखा देता हूं आपको नोट्स में, और फिर पेज नंबर 17.14 पे आइए, रूल 138(5) पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, विद अ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, वजह एग्जाम्पल कन्वेंस खराब हो गया है, एग्जाम्पल ट्रक खराब हो गया है, द कंसाइनर और रिसिपियंट हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, जिसने इंफॉर्मेशन पार्ट ए में भरी थी, मैं अपने ही ट्रक में लेके जा रहा हूं, मैंने पार्ट ए भरा, पार्ट बी भी मैं, पार्ट बी को मैं अपडेट कर दूंगा फिर, या ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी भरा था और द ट्रांसपोर्टर, तो कंसाइनर रिसिपियंट जिसने पार्ट ए भरा या ट्रांसपोर्टर, शेल बिफोर सच ट्रांसफर, वो उस कन्वेंस में ट्रांसफर करने से पहले फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स अपडेट द डिटेल ऑफ कन्वेंस इन ईवे बिल इन पार्ट बी, तो पार्ट बी में दूसरे कन्वेंस का नंबर डाल देगा। तो यहां पर हम अपना ही ट्रक बुला रहे हैं, तो अब हमारे पास अपना ट्रक नहीं है दूसरा, तो नेक्स्ट 5A, कंसाइनर और रिसिपियंट हु हैज फर्निश द इंफॉर्मेशन पार्ट ए और द ट्रांसपोर्टर मे असाइन द ईवे बिल। हाँ जी, यहां 5 में कब आया था, ट्रक खराब हो गया, अपना ही दूसरा ट्रक लेकर आ गए, अपना ही सेकंड ट्रक लेकर आए, जो 5A में हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या है जी, अपना ट्रक नहीं है दूसरा, किसी दूसरे का ट्रक है, किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर का ट्रक है, कंसाइनर और रिसिपिएंट हु हैज फर्निश इंफॉर्मेशन पार्ट ए ट्रांसपोर्टर मे असाइन द ई वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड और एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर, तो ये असाइन कर सकते हैं। ये असाइन कब करेंगे, जब कोई दूसरा बंदा अपना ट्रक लेके आ रहा है, फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट, फॉर फर्दर मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और केस भी बन सकता है, मान लो 5A में ऐसा भी केस बन सकता है कि मैंने ट्रक वाले को असाइन कर दिया था पार्ट बी, कि तू पार्ट बी भर के फटाफट पहुंचा दे, उसने बोला था एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, वो लेके नहीं जा रहा, कह रहा ट्रक खाली नहीं है, ट्रक खाली नहीं है, रोज का बहाना बना रहा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो परेशान कर रहा है, मैं उसको असाइन तो कर चुका था, मैं किसी और को फर्दर असाइन कर दूं? जी हां, कर सकते हो, शर्त यह है कि उसने पार्ट बी ना भरा हो। देखो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द डिटेल ऑफ कन्वेंस हैव बीन अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी, अगर ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी भर दिया, पार्ट बी भर दिया, तो कंसाइनर और रिसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट ए शैल नॉट बी अलाउड टू असाइन ईवे बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी भर दिया है, तो फिर कंसाइनर जो रिसिपिएंट या जो ये आगे फर्दर असाइन नहीं कर पाएगा, अगर उसने नहीं भरा पार्ट बी तो फिर वो फर्दर असाइन कर सकता है। अब अगर रास्ते में गाड़ी खराब हुई है, तो उसने पार्ट बी ऑलरेडी भर रखा होगा, तभी तो रास्ते में जा रहा है, अगर रास्ते में गाड़ी खराब हुई है
तो फिर प्रोवाइजो क्या कहता है, तब कौन कर पाएगा, फिर 5A लग जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन करेगा, ठीक है, तब ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन करेगा, कंसाइनर कंसाइनी नहीं कर पाएंगे दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन, ठीक है। अब इसके बाद अब हम 6 पॉइंट पे आएंगे, उसके लिए पहले स्लाइड देखते हैं फिर यहां पे आएंगे। हां जी देखिए, ओ, ओ ओ ओ ये क्या, ये क्या एरो एरो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं, बड़ा भारी ट्रक है, सामान बहुत लोगों का इसमें जा रहा है, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं तो मल्टीपल ई वे बिल बनेंगे, हर कंसाइनमेंट का अलग इनवॉइस होगा तो हर इनवॉइस वाइज ई वे बिल बना होगा, ठीक है। तो यहां पर मल्टीपल कंसाइनमेंट हैं तो मल्टीपल ई वे बिल बनेंगे, हर इनवॉइस का अपना अपना ई वे बिल बना होगा। अब ये ट्रांसपोर्टर चाहे तो इन सभी ई वे बिल नंबर को अपलोड करके एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है, जरूरी नहीं है, ये बनाना चाहे तो कर सकता है, हर एक ई वे बिल का नंबर होगा वो डाल के एक उसकी जगह कैरी करना आसान होगा, अलग अलग ई वे बिल नंबर नहीं कैरी करने पड़ेंगे, तो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है। ये बात कहां लिखी है, रूल 1386 में। तो ट्रांसपोर्टर सीरियल नंबर सभी ई वे बिल का डालेगा और कॉमन पोर्टल पे एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना लेगा गुड्स की मूवमेंट से पहले, ठीक है जी, गुड्स की मूवमेंट से पहले। नेक्स्ट, और ये बात 1387 ये मैंने आपको क्वेश्चन के साथ पढ़ाई थी, अगर कंसाइनर कंसाइनी पार्ट ए पार्ट बी नहीं भर के देते तो अब ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी है, अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू है और वो इंटरेस्टेड सप्लाई है तो उसे ई वे बिल बनाना है, और अगर एक से ज्यादा कंसाइनमेंट है तो फिर वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बना सकता है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बना सकता है। आइए एक बार ये वाली बात भी पढ़ लें फिर इकट्ठा कर लेंगे जो बचा होगा। हाँ जी आइए, पॉइंट नंबर 6, आफ्टर ई वे बिल हैज बिन जनरेटेड, हम कहां पर हैं, मेन बुक में पेज नंबर 17.14 पर, After e-way bill has been generated, ये हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, consolidated e-way bill की, consolidated e-way bill की, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रक है, इसमें कंसाइनमेंट है, कौन कौन सा, ए है, बी है, सी है, ए का अपना e-way bill होगा, बी का भी अपना ई वे बिल होगा अगर 50,000 से ऊपर का है, सी का भी क्या होगा, अपना ई वे बिल होगा, तो ये क्या कर सकता है, इन तीनों को इकट्ठा मिलाकर एक ई वे बिल बना सकता है, इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल, इसे हम बोला करते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल। तो ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस, ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ईवे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट एंड अ कंसोलिडेटेड ईवे बिल मे बी जनरेटेड, तो इनका सीरियल नंबर डाल के वो कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर जनरेट कर लेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे आइए, 1387, अगर कंसाइनर कंसाइनी ने नहीं जनरेट किया ईवे बिल तो ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना है, एंड द एग्रीगेट, अगर उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू, एग्रीगेट ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, जो वो उसमें गुड्स लेकर जा रहा है उन सब की वैल्यू मिलाकर 50,000 से ऊपर है तो ट्रांसपोर्टर, रेल एयर वेसल को छोड़ दो, रेल एयर वेसल को छोड़ दो, बाकी केसेस मतलब रोड के केस में अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है तो ई वे बिल पहले इंडिविजुअल बनाएगा, अगर एक से ज्यादा कंसाइनमेंट है तो हर एक का इंडिविजुअल बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, एंड मे ऑल्सो जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल, और इसके बेसिस पे वो क्या बनाएगा, फिर कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करेगा। सर इसे समझाने के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन तो बहुत दे रखे हैं, क्या बात कर दी तुमने, जैसे पेज नंबर 18 पे आइए एक बार इसे समझने के लिए, अच्छा मैं रेफर करा दूं पहले यहां पे, रुको पेज नंबर रेफर करें, रेफर पेज 17.18 और 17.18 और 23, 17.18 और यहां पर है केस नंबर 4, केस नंबर 4, और दूसरा
पेज नंबर 17.23 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए एक बार पेज नंबर 18 पे आएंगे फटाफट से। हो गया नोट, जल्दी से आइए फिर पेज नंबर 18 पर, और यहां पर केस नंबर 4 देखिए। करेक्ट, केस 4 एक कंसाइनमेंट है 50,000 से ऊपर का है तो इसका ईवे बिल बना होगा, बी कंसाइनमेंट है इसका ईवे बिल बना होगा, सी कंसाइनमेंट ये 50,000 से ऊपर का है ईवे बिल बना होगा, डी 50,000 से कम का है तो इसका ईवे बिल नहीं बना होगा। तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो पहले डी कंसाइनमेंट का ईवे बिल बनाएगा और फिर इन चारों को मिलाकर कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना देगा, कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना देगा। ठीक है, अच्छा एक इसके साथ साथ एक पॉइंट ये केस 6 भी कराता चलू, फिर यहां पे नहीं आएंगे इस पेज पर। इंपोर्ट के केस में ये हो गया। हाँ, इंपोर्ट के केस में देखो, चाइना से पहले इंपोर्ट हो रहा है इंडिया के कस्टम पोर्ट पर या लैंड से, लैंड रूट से आ रहा है तो लैंड कस्टम स्टेशन बोलते हैं इसे, हम लैंड कस्टम स्टेशन बोला करते हैं। यहां आता है और अगर एयर से आ रहा है तो एयरपोर्ट पे आएगा। ठीक है, यहां तो अभी ईवे बिल की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद होता है ये आईसीडी या सीएफएस, ये समझ लो ये एक तरीके से ड्राई पोर्ट है। आईसीडी जो है ये आपका ड्राई पोर्ट है, ये आप कस्टम में डिटेल में समझेंगे क्या होता है ये। जिन शहरों में जो समुद्र नहीं लगता, जिन शहरों में, वहां के इंपोर्टर जब सामान मंगाना चाहते हैं पहले तो वो कहां आता है, फॉरेन कंट्री से कस्टम पोर्ट पर, फिर वहां से कहां आ जाता है आईसीडी में, इनलैंड कंटेनर डिपो बोलते हैं इसे हम। अभी ये आएगा रूल 138.14 में। तो रूल 138.14 कहता है यहां ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, कस्टम की निगरानी में हो रहा है ये सब कुछ, कस्टम वालों की निगरानी में ये आईसीडी में आता है, तो जब उनकी ही निगरानी में आ रहा है तो फिर आई यहां पर ईवे बिल की जरूरत कहां से बनेगी। ठीक है, ये एक लिखा है सीएफएस, ये होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इसके बारे में आप समझेंगे कहां, कस्टम में। ये आईसीडी की फुल फॉर्म होती है इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो। ये इनलैंड कंटेनर डिपो कौन से शहरों में होंगे, ये एक पोर्ट की तरह ही समझें, ये उन शहरों में होंगे जहां पर सी पोर्ट नहीं है, जहां सी पोर्ट नहीं है। जैसे दिल्ली का इंपोर्टर है, दिल्ली में सी नहीं लगता तो सी पोर्ट नहीं है, मुंबई में सी पोर्ट है लेकिन दिल्ली में सी पोर्ट नहीं है, तो दिल्ली में क्या, तुगलकाबाद में आपने देखा होगा आईसीडी ओपन कर रखा है, तुगलकाबाद में आईसीडी है वहां पर। तो जिन शहरों में समुद्र नहीं लगता वहां सी पोर्ट नहीं है, तो जहां सी पोर्ट नहीं है वहां पे आईसीडी होगा। अच्छा, सीएफएस क्या होता है, ये पोर्ट पर ना भीड़ हो जाती है, इतने सारे लोगों का सामान आता है, इंपोर्ट का आता है और जाता भी, एक्सपोर्ट भी होता है, तो इस भीड़ को कम करने के लिए कंटेनर फ्रेट स्टेशन ओपन कर रखे हैं कि यहां से माल आते ही सीधा सीएफएस पे ले आते हैं, ये पोर्ट पे माल आया ये सीएफएस पे ले आते हैं, मतलब भीड़ को कम करने के लिए। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पर ये कस्टम वालों की ही निगरानी में जा रहा है तो इधर ईवे बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आईसीडी सीएफएस से आगे जाएगा फिर ईवे बिल की जरूरत है, भले ही आप अपनी प्रीमाइसेस पे लेके आओ, आप अपनी प्रीमाइसेस पे लेके आ रहे हो तब भी ईवे बिल बनेगा अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू है, और इंपोर्ट कर रहे हो तो बड़े वैसे 50,000 से ऊपर की वैल्यू होगी, आप अपनी फैक्ट्री पे लेके आ रहे हो ईवे बिल बनेगा, अगर आप जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो तो आपको चलान और बनाना पड़ेगा, डिलीवरी चलान और बनाना पड़ेगा, अगर आप वहीं से वहां आईसीसीएफएस से किसी और को माल बेच रहे हो वहां उसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, तो आपको इनवॉइस और बनाना पड़ेगा, ईवे बिल बनेगा बनेगा। ठीक है, ईवे बिल बनेगा बनेगा। चलो, हाँ जी, एक मल्टीपल कंसाइनमेंट वाला इसका एक क्वेश्चन आपके पास पेज नंबर 23 पे भी है, अब आप वो पढ़ लेना। ठीक है, वो पढ़ लेना, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, वापस आएंगे हम अपने कहां पर, पेज नंबर 15 पर। हाँ जी, तो हम यहां पे कंसोलिडेटेड ईवे बिल की बात कर रहे थे, एनसी ये प्रोवाइजो इको कुरियर एजेंसी के लिए दे रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर आगे। अच्छा,
जो आपने पार्ट ए में डिटेल डाली है, क्या उसके बेसिस पे आपको जीएसटीआर 1 की डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी क्या? अभी प्रैक्टिकली कर नहीं रहे, नहीं तो ई वे बिल में जो आप पार्ट ए में डिटेल डालते हैं, इनवाइस वाइज डिटेल तो डाल ही देते हैं ना, तो उससे क्या होना चाहिए? जीएसटीआर 1 में दोबारा थोड़ा ना भरना पड़े फिर वो बिल, ऑटोमेटिक उसमें आ जाना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ कि हम आपको यूटिलाइज करने देंगे, तो पार्ट ए में आपने ई वे बिल के पार्ट ए में इनवाइस वाइज डिटेल डाली थी, तो वो आपकी जीएसटीआर 1 में आ जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं अब इसके बाद आगे। अब मैं स्लाइड से दिखाता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ स्लाइड से मैं पहले आपको सारा ही दिखा दूँ, जो बचा हुआ फिर मैं सीधा इकट्ठा पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए 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 फटाफट से आइए। हाँ जी, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किए जा रहे हैं, तो क्या हर बार ई वे बिल अलग अलग बनेगा? एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे माल जाना है और उसके लिए हम अलग अलग कन्वेंस यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सोनीपत में मैं रहता हूँ, मेरे को मैंने रेलवे स्टेशन पर सप्लायर इन सोनीपत बाय रोड, मैंने कहाँ भेजा है? रेलवे स्टेशन पर माल भेजा है। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट ए भी भरूंगा, पार्ट बी भी भरूंगा, पार्ट ए भी भरूंगा और पार्ट बी भी भरूंगा, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बाय रेल टू दिल्ली जाएगा, ठीक है, बाय रेल टू दिल्ली जाएगा। अब इसके बाद फिर ये दिल्ली पहुंचने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद ये दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएगा रोड, फिर ये कहां पे जाएगा, बाय रोड रेल, ये दिल्ली पहुंचने के बाद ये दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएगा। ये कैसे जाएगा, रोड के थ्रू जाएगा। तो क्या दोबारा ई वे बिल बनाए या पार्ट बी अपडेट करते चले? दोबारा ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वेंस चेंज हो रहा ना, बस कन्वेंस चेंज होता जा रहा है, तो पार्ट बी अपडेट करते चलो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, आप एयरपोर्ट से, फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू मुंबई बाय एयर गया, तो इसके लिए वो जो उनका एयरवेज बिल नंबर मिलता है वही पार्ट बी में डाल दो। पार्ट बी में बस, मतलब अगर कन्वेंस चेंज होते रहते हैं तो आप क्या करो, बस पार्ट बी को अपडेट करते रहो। अब यहां से क्या हुआ, फिर रोड से सी पोर्ट पे गया, तो अगेन क्या करो, पार्ट बी अपडेट कर दो। तो एक लोकेशन से अल्टीमेटली नेक्स्ट लोकेशन पर जब पहुंच रहा है माल, उसमें बीच में कई कन्वेंसेस को यूज किया जाता है, तो जब जब कन्वेंस चेंज होता है वहां वहां आप पार्ट बी अपडेट करते रहो, बस और कुछ नहीं करना, नया नया ई वे बिल नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, ओ ओ ये क्या है, अब हम बात कर रहे हैं इस ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी है। क्या आपने आज ई वे बिल पार्ट बी भर के जनरेट कर लिया तो आप एक महीने बाद तक पहुंचा सकते हैं ना? क्या बोला था, यूएसए में एक व्हीकल लगभग 700 किलोमीटर के आसपास एक दिन में चल जाता है, हमारे यहां पे बमुश्किल बमुश्किल 150 किलोमीटर, मुश्किल बमुश्किल 150-200 किलोमीटर मुश्किल से, और कई जगह तो संकरी जगह है तो वहां और भी कम, वहां और भी ज्यादा उनको टाइम लग जाता है। तो इन्होंने बोला आप एक दिन में 100 किलोमीटर तय कर लेना, भीड़ ज्यादा है आप बोलते हो, तो एक दिन में 100 किलोमीटर तय कर लेना। सर एक दिन में 100 किलोमीटर तय नहीं कर पाए तो आप एक्सटेंशन करा सकते हो, लेकिन हम अपनी शुरू से वैलिडिटी आपको बता के चल रहे हैं कि आपको एक दिन में 100 किलोमीटर तय करना है। तो देखें, आप रोड के थ्रू जा रहे हैं तो आप क्या करें, आप, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, वो कार्गो जो उस व्हीकल की, उस कन्वेंस की, जो भी उसका दायरा है कन्वेंस का, उससे बाहर निकल के आ रहा है, बड़ी मशीन है तो वो बाहर निकल कर आ रही है, तो उसे कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसे बहुत धीरे धीरे चला के चलना पड़ता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी नॉर्मल कार्गो की बात कर रहे हैं। अदर देन ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो, अदर देन ओडीसी या मल्टी मॉडल शिपमेंट, मल्टी मोड मतलब अभी जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना है और मल्टीपल कन्वेंसेस का यूज किया जाता है और उसमें एक शिप हो, शिपमेंट मतलब उसमें एक शिप हो, एक वेसल हो, तो इनको छोड़ दो,
क्योंकि शिप को भी बहुत स्लो चलना पड़ता है, तो इनको छोड़ दो, नॉर्मल कार्गो की बात करते हैं, नॉर्मल कार्गो ओडीसी को छोड़ दो, ओवर डायमेंशनल कार्गो जो बाहर निकला हुआ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जब बाहर निकला हुआ जो बहुत स्लो चलना पड़ता है तो उसके लिए 20 किलोमीटर है एक दिन के लिए, मल्टीमोडल शिपमेंट के लिए जिसमें शिप इंक्लूड है तो 20 किलोमीटर एक दिन में चलना है, लेकिन नॉर्मल कार्गो के लिए ईवेबल वैलिडिटी क्या है, ये जैसे ट्रक चलेगा ये कहां तक, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक एक दिन तक इसकी वैलिडिटी है। अब अगले अगले 100 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए, अगले 100 किलोमीटर के लिए या पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए भी क्या है जी, अगले नेक्स्ट वन एडिशनल डे मिलेगा आपको, नेक्स्ट वन एडिशनल डे मिलेगा, ठीक है जी, फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट, एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट। अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपका ईवेबल पार्ट ए में आप पिन नंबर डालेंगे, जहां से आप चले जहां आपको पहुंचाना, तो वो ऑटोमेटिक ही वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना, वो पिन डालना ऑटोमेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए वो डिस्टेंस आता है 710 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, तो कितने दिन में पहुंच जाना आपको, 700 के तो 100 पूरे बन रहे हैं, 10 किलोमीटर पार्ट है तो 8 दिन मिलेंगे आपको, 8 दिन में माल पहुंचाना है, 8 दिन में माल पहुंचाना है। अगर मान लीजिए 115 किलोमीटर है तो एक दिन तो 100 किलोमीटर के लिए, अगले 15 किलोमीटर के लिए आपको एक एडिशनल डे मिलेगा, एक 2 दिन मिलेंगे, मतलब आपको 2 दिन में माल पहुंचाना है, तो मतलब ये ऐसे। अब अगले हर 100 किलोमीटर के लिए आपको क्या मिलेगा, एक एडिशनल डे, या पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए आपको क्या मिलेगा, एक एडिशनल डे। ये किसके लिए है, नॉर्मल कार्गो के लिए, ये किसके लिए, नॉर्मल। अब मल्टी मॉडल की बात करते हैं, ये देखो जी अपना जो इसका एरिया है उससे भी बाहर निकल रहा है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो इसमें 20 किलोमीटर का आपको समय मिलेगा, वैलिडिटी 20 किलोमीटर। अब देखिए जरा फिर से देखें, हां जी ईवे बिल की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, ये देखो अपने जो इसका एरिया उससे भी बाहर निकल रहा है तो बहुत स्लो चलना पड़ेगा इसको, क्योंकि बहुत स्लो चलना पड़ेगा तो हम कहते हैं चल तू 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तू एक दिन में चल लियो। अब अगला अगेन क्या होना चाहिए बोलो, अगला अगर इसे मान लो 50 किलोमीटर जाना है तो हमने कहा सुन आगे तेरे को जाने के लिए एक एडिशनल डे मिलेगा हर 20 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर के लिए, तो इसे 50 किलोमीटर जाना था तो इसकी वैलिडिटी क्या होगी, 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, अगले 20 किलोमीटर के लिए दूसरा दिन, पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर, अगला 10 किलोमीटर है ना, पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर के लिए एक और दिन, तो 3 दिन मिल जाएंगे इसको, 3 दिन में इसको ये कंसाइनमेंट को पहुंचाना है। नहीं पहुंचा पा रहा तो एक्सटेंशन की ऑप्शन है, एक्सटेंशन की ऑप्शन है। सर एक्सटेंशन कब करानी पड़ेगी, एक्सटेंशन वैलिडिटी खत्म होने से पहले कराओ, या अब एक ऑप्शन दे दी गई है आप 8 घंटे के अंदर अंदर करा सकते हैं अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसके बाद भी, ठीक है। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से, आपका कन्वेंस का एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिकल दिक्कत थी, लॉकडाउन लगा हुआ था या कुछ वहां पे डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो इस वजह से आप वैलिडिटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कब करना है, बिफोर वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है उससे पहले करो, या मैक्सिमम एक्सपायर होने के 8 घंटे के अंदर अंदर। चलो अब आप बात करते हैं मल्टी मॉडल के लिए, नॉर्मल कार्गो के लिए कितना था, 100 किलोमीटर एक दिन के लिए, अगले 100 किलोमीटर के लिए भी कितना था, एक दिन, या पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर के लिए कितना था, एक दिन। अब जरा ओडीसी की बात करी हमने, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 किलोमीटर। अब आएंगे मल्टी मॉडल शिपमेंट, जिसमें एक शिप हो, जिसमें एक लेग शिप की भी हो, शिप भी इन्वॉल्व हो, शिप भी इन्वॉल्व है मल्टी मॉडल शिपमेंट में, जैसे रोड प्लस शिप, एक शिप जरूर होना चाहिए साथ में, वेसल जरूर होना चाहिए, तब उस केस में फिर अगेन वही कहानी कि पहला तो 20 किलोमीटर यहां पर 20 किलोमीटर दिया जाएगा, और फिर एडिशनल के लिए क्या लिया जाएगा, भाई वही एडिशनल। अब यहां पे हमारा फिर हमारा शिप भी यूज हो रहा है, रोड यहां तक यूज हो गया, उसके बाद शिप यूज हो रहा है, तो एक एडिशनल डे मिलेगा किसके लिए, एवरी 20 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर के लिए। और अगर आप लेट हो रहे हैं तो हम आपको एक्सटेंशन वैलिडिटी की ऑप्शन देंगे, क्या कहते हो, इतना मैं पहले आपको पढ़ा दूं जी, इतना पहले हम पढ़ लेते हैं
फिर हम आएंगे आगे, ठीक है, ये सी के डी एस के डी की भी बात करेंगे और एटसेट्रा एटसेट्रा बातें करेंगे। पेज नंबर, जल्दी से आइए, पेज नंबर 17.15 पर, पॉइंट नंबर 9, नहीं पॉइंट नंबर 9 अभी नहीं, पहले वैलिडिटी वाली बात पढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 10, 17.15 पर, ईवे बिल और कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड एज मेंशन कॉलम 3। एक बात बता दूं, कंसोलिडेटेड ईवे बिल की अपनी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो तो कई हाँ जी, कंसोलिडेटेड ईवे बिल की अपनी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो तो ईवे बिल की जो वैलिडिटी है ना वही चलेगी इंडिविजुअल ईवे बिल की। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 किलोमीटर तक एक दिन किसको छोड़कर, अदर देन दोनों छोड़ दो, ओवर डायमेंशनल भी छोड़ दो और मल्टी मॉडल भी छोड़ दो। तो ये नॉर्मल कार्गो के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया 100 किलोमीटर, ये नॉर्मल कार्गो के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया नॉर्मल कार्गो के लिए हो गया। फिर एवरी 100 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ एक एडिशनल डे मिलेगा, पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर में क्या मिलेगा एडिशनल डे, ये भी किसकी बात होगी नॉर्मल कार्गो की बात होगी। किसको छोड़ दो, अदर देन ओडीसी को भी छोड़ दो और मल्टी मॉडल शिपमेंट को भी छोड़ दो, जिसमें एक लेग शिप किया, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट में एक लेग शिप किया। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं ओवर डायमेंशनल की, ओडीसी की और मल्टी मॉडल शिपमेंट की। मल्टी मॉडल शिपमेंट कौन सा, जिसमें एक लेग शिप किया, साथ में शिप इन्वॉल्व हो मल्टी मॉडल शिपमेंट में, तो उस केस में एक 20 किलोमीटर तक एक दिन और फिर अगले 20 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए एक एडिशनल डे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब आप आगे क्या बोलता है। प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल अंडर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स या provided further where under circumstances of exceptional nature including transshipment the goods cannot be transported within the validity period of ev bill transporter may extend the validity period after updating the details in part b to so, convenience change hoga part b aap bhar sakte hain update kar lijiye ha validity of ev bill may be extended within 8 hours from the time of its expiry वैसे तो आप before expiry कर लो लेकिन अगर आप late भी हो गए हैं तो हम आपको 8 घंटे का टाइम देंगे। हाँ जी, कब आप ये एक्सटेंड करना चाहेंगे, जैसे एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटी आई हुई है वहाँ पर, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, या आपका उसका कन्वेंस का एक्सीडेंट हो गया है एटसेट्रा। अच्छा, अब इसमें टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को अगर ये कन्वेंस चला, पार्ट बी भरने के बाद में कन्वेंस चला, आज कितने बजे चला, आज हमने ईवे बिल कितने बजे जनरेट किया, ये इरेलेवेंट है। हमारा जो पहला दिन काउंट होगा 2 जुलाई रात 12 बजे तक खत्म होगा। आज 1 जुलाई को मैं 2 बजे चलूँ, 3 बजे चलूँ, 1 बजे चलूँ, सुबह चलूँ, कितने बजे चलूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आज मेरा जो फर्स्ट डे कंप्लीट होगा वो 2 जुलाई को रात 12 बजे कंप्लीट होगा, फिर अगला दिन 3 जुलाई को रात 12 बजे। तो ठीक है, पहले दिन में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो यहां रेलेवेंट डेट का मीनिंग देता है डेट ऑन विच ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम विच द ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड ईच डे शैल बी काउंटेड। पहला दिन, हर दिन आपका काउंट किया जाएगा, एक्सपायर होगा मिडनाइट ऑफ द डे। और एक्सप्रेशन 2 इसके लिए दिए है, ओडीसी क्या होता है, मीन्स अ कार्गो कैरीड एज सिंगल इंडिविजुअल यूनिट एंड विच एक्सीड्स द डायमेंशनल लिमिट्स। हाँ जी, इसके ऊपर सर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ है ना, कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका टाइम कब हुआ, क्वेश्चन बैंक में भी बहुत क्वेश्चन है और इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन है। पेज नंबर 23 पे देखिए क्वेश्चन है, पेज नंबर 23 पे देखिए क्वेश्चन है।
कह रहे कोई टाइम गैप अलाउड है, 15 दिन का टाइम गैप अलाउड होता पार्ट बी भरने के लिए। अब ये देखें, कह रहा है मान लो एक ईवी बिल जनरेट हुआ 14 मार्च को 4 बजे, तो इसका पहला दिन कब कंप्लीट होगा? 15 तारीख को, 15 तारीख को रात 12 बजे तक। तो 15 तारीख को 4 बजे कंप्लीट नहीं होगा, 15 तारीख को रात 12 बजे तक कंप्लीट होगा। ऐसे अगला दिन कब कंप्लीट होगा? 16 तारीख को रात 12 बजे। तो वो 16 17 साथ में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो 17 शुरू हो जाती है ना ऐसे, इसलिए लिखा हुआ है। तो ये 15 के साथ 16 क्यों लिखा हुआ है? ये 15 तारीख की रात 12 बजे है, साथ में 16 फिर शुरू हो जाती है ना, इसलिए लिखा हुआ है। तो आपकी 14 तारीख को आपने कितने बजे भी ईवे बिल बनाया हो और 15 तारीख की रात 12 बजे तक आपका पहला दिन खत्म होगा वैलिडिटी का, और अगला दिन 16 तारीख को रात 12 बजे। नेक्स्ट एक और देखें, रात 11:58 पर 14 मार्च को बिल बनाया, तो अभी 14 मार्च ही है, तो पहला दिन कंप्लीट होगा 15 तारीख की रात 12 बजे, 15 तारीख की रात 12 बजे, ठीक है। 11:58 पर अगर आपका पहला बिल बना है तो 12 बजे को आपका पहला दिन खत्म होगा, और आपका सेकंड डे कब कंप्लीट होगा? ये आपका 16 तारीख की रात 12 बजे कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो अब आगे करें, हाँ जी चले आगे, क्या कह रहे हो? शेर सुना दे एक, अच्छा मोटिवेशनल शेर सुनाए, मोटिवेशनल शेर सुनो फिर सुनो। नीर में, पानी में, नीर में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। नीर में तस्वीर बना सकते हो, कलाम को शमशेर बना सकते हो। कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं, कायर हैं वो जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। बोलो बाबा, कह रहे एक और शेर सुना दो मस्त वाला और, अच्छा सुनो फिर। बंद आंखों में भी नजर आएंगे हम, बंद आंखों में भी नजर आएंगे हम, महसूस करने की कोशिश तो करो, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे हम, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे हम। चलो जी अब मैं स्लाइड से फटाफट से आपको दिखाऊं ये चैप्टर अपने आखिरी पड़ाव पर है। हाँ जी, ई वे बिल जनरेट किया जाता है अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं और साथ में इनवॉइस तो बना है लेकिन दे नहीं रहे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जरा, अगर आप एसकेडी सीकेडी कंडीशन में बैचेस में लोड्स में सामान भेजते हैं, ऐसा आपने इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ा था। देखो यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पहला लोड जाना है ना उससे पहले इनवॉइस बनेगा, पहला लोड जो जाना है यहां पे इनवॉइस बनेगा। अब हर कंसाइनमेंट इनवॉइस बन जाएगा, देंगे नहीं, इनवॉइस बना तो लिया देंगे नहीं। अब हर लोड के साथ में क्या करेंगे? डिलीवरी चलान, डिलीवरी चलान, डिलीवरी चलान। अब ये जो जो कंसाइनमेंट जा रहा है डिलीवरी चलान के साथ ई वे बिल होना चाहिए, डिलीवरी चलान के साथ क्या होना चाहिए? ई वे बिल होना चाहिए, क्योंकि इनवॉइस नहीं दिया डिलीवरी चलान दिया है, तो डिलीवरी चलान के साथ ई वे बिल होना चाहिए। और लास्ट में इनवॉइस दिया जाता है, इसमें ये प्रोविजन होता है कि लास्ट कंसाइनमेंट के साथ में इनवॉइस दिया जाता है। अब आप देख लो यहाँ पे हर डिलीवरी चलान के साथ आपको ई वे बिल बनाना होगा, इसे हम बोलते हैं एसकेडी सीकेडी कंडीशन भेजा गया या बैचेस या लोड्स में भेजा गया, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रूल 138(8) और 9, क्या ये हम वैसे डिस्कस कर चुके। जो ई वे बिल की इंफॉर्मेशन है आप GSTR 1 में भरने के काम आएगी, आपका GSTR 1 का वो वाला पार्ट ऑटोमेटिक भर लिया जाएगा। नेक्स्ट, ओ ये क्या, मैं ई वे बिल में गलती से कुछ और भर बैठा, प्रोडक्ट का नाम कुछ भरना था, प्रोडक्ट का कोड डालना होता है, HSN कोड डालना होता है गुड्स का, मैंने गलत डाल दिया, गलत भरा गया है, क्या करूं? क्या चेंज नहीं कर सकता? चेंज अलाउड नहीं है, कैंसिल कर सकते हो, अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, एडिटिंग अलाउड नहीं है, आप कैंसिल करके नया बना लो। ई वे बिल जो जनरेट किया कैंसिल हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने आवर्स के अंदर अंदर? 24 आवर्स के अंदर अंदर कैंसिल हो सकता है। लेकिन ईवी बिल बना दिया, रास्ते में चेक हो गया और आपने क्वांटिटी कम डाल रखी थी या जो गुड्स थे वो नहीं थे, दूसरे थे, आप कहते हो कोई बात नहीं गलती से हो गया, मैं इसको कैंसिल करके नया बना देता हूं। अब कैंसिल नहीं करने देंगे,
अब तुम बोलोगे कैंसिल करके नया बना देता हूं, कैंसिल करना था तो पहले सोचना था, अगर एक बार चेकिंग हो गई, वेरीफाई हो गया इन ट्रांजिट, फिर कैंसिल नहीं करने देंगे, फिर तो तुम फ्रॉडी हो ना, कैंसिल तभी करने दिया जाएगा। अब तो पकड़ में आ गए, फिर बोल रहे हो कि ओहो मैं इसको कैंसिल करके नया बना देता हूं, इसमें मैं माल गलती से ये भर गया था, ये कहने बहाने नहीं बनेंगे, अब आप कैंसिल नहीं कर पाओगे उसको, अब तो हम सेक्शन 129 लगाएंगे फिर तुम्हारे पे, तो सेक्शन 129 में माल सीज कर लेंगे तुम्हारा, पेनल्टी लगाएंगे तुम्हारे पे, सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाएंगे तुम्हारे पे, ठीक है। तो आप अमेंड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते ये बिल को, अगर आप कुछ गलत भर गए हैं तो उसको कैंसिल करो, नया फ्रेश बनाओ, लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी अगर आपका चेक हो गया है तो फिर वो आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब रूल 113(11) और 12 लीगली ये क्या कहता है जी, ई वे बिल जो आपका जनरेट हुआ, जो कंसाइनर कंसाइनी किसी ने भी जनरेट किया, जिसने भी गुड्स की मूवमेंट करी थी, अब अगर कंसाइनर ने जनरेट किया तो कंसाइनी को भेजा जाएगा, ये ई वे बिल नंबर है, ये आपके नाम पर ऐसे कुछ गुड्स आ रहे हैं, बताइए सही है कि नहीं, तो आप 72 घंटे के अंदर अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे ही आपका मजा लेने के लिए, मान लो शुरू में ना कईयों से गलत भी इशू हो गए, मजा लेना तो क्या था, उनके खुद ही मजे ले लिए गए, तो कंसाइनर ने ई वे बिल बनाया और GST किसी और का डाल दिया जिसका डालना नहीं था, तो आप 72 घंटे के अंदर अंदर रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं रिजेक्ट किया एक्सेप्ट माना जाएगा, फिर अगर आपने 72 घंटे में रिजेक्ट नहीं किया तो एक्सेप्ट माना जाएगा। ऐसे अगर कंसाइनी ने ई वे बिल बनाया तो कंसाइनर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, 72 घंटे के अंदर अंदर रिजेक्ट कर दे, नहीं रिजेक्ट करेगा तो फिर एक्सेप्ट माना जाएगा, तब एक्सेप्ट माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो कैंसिल कर लो, 24 घंटे का टाइम है, अगर 24 घंटे वाला टाइम निकल गया फिर उसको रिक्वेस्ट कर लो रिसीपियंट को, कहना अरे तू उसको रिजेक्ट मार दे, 72 घंटे का टाइम है अभी उसके पास में, तो 72 घंटे का टाइम निकल गया फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो आपसे पूछेंगे भाई ये क्या था, क्यों तुमने बनाया था, एटसेट्रा, सारी तफ्तीश की जाएगी आपसे। चलिए 138(14) अब आता है, उससे पहले आइए ये वाले पॉइंट पढ़ लेते हैं, 138(14) को बाद में डिस्कस करते हैं हम, आइए फटाफट से नोट्स में आएंगे, और कहाँ पर आप आएंगे, पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पर 138(9) हमारा रह गया ना, ये पढ़ेंगे अब आप, पढ़ेंगे जल्दी से, वेयर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर दिस रूल बट गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश्ड। हाँ जी, गुड्स कब ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, सेल ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपके पास सेल ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, या नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल फर्निश, कुछ सेपरेट गुड्स भेजने का या रॉन्ग डिटेल डाल दी हमने, इफ मिस्टेक और रॉन्ग डिटेल्स एंटर्ड इन EWB, तो अब आपको ये कैंसिल कर लो जी, आपके पास ऑप्शन है ई वे बिल को कैंसिल करने की 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ध्यान रहे ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट, अगर ड्यूरिंग जर्नी आपका ये चेक हो गया फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते, रास्ते में चेक किया, अब मिस्टर ए कहता कि मैं इसको कैंसिल करके नया बना देता, मिस्टर ए कहता इसे कैंसिल करके नया बना देता, किसे, EWB को, इसे की जगह EWB लिख दो, EWB कैंसिल करके नया बना देता, न्यू बना देता, अलाउड है या नहीं, नॉट पॉसिबल, बोले कि मैं गलती से ये कुछ गलत डिटेल डाल गया था अब मैं इसको ठीक कर देता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, यूनिक नंबर जनरेटेड शैल बी वैलिड फॉर, अब ये देखो 15 दिन वाली बात बता रहा है, पार्ट भी भरने के लिए 15 दिन का समय है, ये बताओ हम कितनी देर पहले पढ़ चुके हैं, वहीं बताना चाहिए था इसको, पार्ट भी फिल करने के लिए 15 डेज का टाइम,
ठीक हो गया, चलो हो गया नोट, ये पार्ट बी भरने के लिए 15 डेज का टाइम। चलो जी अब इसके बाद आगे पढ़े, 9 हो गया, नोट हो गया, ये 10 भी हो गया, 11। हाँ जी, डिटेल ऑफ ईवे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू, ये ईवे बिल की डिटेल किसको दी जाएगी? अगर ये पार्ट ए वाली इंफॉर्मेशन भरी थी रिसीपेंट ने तो सप्लायर को दी जाएगी, अगर पार्ट ए वाली इंफॉर्मेशन सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने भरी थी तो रिसीपेंट को दी जाएगी, तो दूसरी पार्टी को दी जाएगी। किस पर दी जाएगी ये डिटेल, कहाँ पे दी जाएगी? ऑन कॉमन पोर्टल। अब सप्लायर और रिसीपियंट जो है वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का समय कितना है? नीचे दिया है, पर्सन टू होम इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल डजंट कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स, तो 72 घंटे का टाइम है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट रिजेक्ट करते क्या माना जाएगा? ऑफ द डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हिच एवर इज अर्लियर डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द डिटेल्स, मान लिया जाएगा कि आपने डिटेल एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, पॉइंट नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, आप जिस जिस स्टेट से, मान लीजिए आपको दिल्ली से महाराष्ट्र में सामान लेके जाना, तो जिस जिस स्टेट से गुजर कर जाओगे हर स्टेट से एंट्री पास, वहां जाने की ई वे बिल जैसा एंट्री पास होता था उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। अब एक ई वे बिल हर स्टेट के लिए वैलिड होगा, पूरे इंडिया के लिए वैलिड है। तो ई वे बिल जनरेटेड ऑफ एनी स्टेट और यूटी वैलिड इन एवरी स्टेट, पूरे भारत में वैलिड है जी, उसके लिए अलग अलग नहीं बनाना। हाँ जी, अब लास्ट रूल 138.14 ये आ रहा है कि हमें ई वे बिल कब नहीं बनाना है। इसको मैं आपको चार्ट से करा देता हूं, मैंने इसको मस्त बनाया है वहां पर। हाँ जी, एक बार स्लाइड से 2-3 पॉइंट इसके दिखा देता हूं और फिर मैं चार्ट में आ जाइए आप। चार्ट में हमारे पास ये सारे पॉइंट जो आपने पढ़े यहां पर भी दिए हुए थे, आप यहां से भी पढ़ सकते थे। हमारे पास चार्ट में कहां है 138.14, एक वो पॉइंट करने से पहले एक दो पॉइंट मिसलेनियस रह गए हैं, वो भी करा दूं? हाँ सर, हाँ करा दो। पेज नंबर 11 पर है ये चार्ट, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 2-3 पॉइंट है। चलो पेज नंबर 14 पे पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद 11 पेज नंबर 11 रूल 138.14 देखेंगे फटाफट से। पेज नंबर 11 ये देखिए रूल 138.14 कब हमें ई वे बिल नहीं बनाना है। पेज नंबर 17.11 हाँ जी, मैं एक बार स्लाइड से थोड़ा सा दिखा दूं कब कब नहीं बनता। 2-3 पॉइंट मैंने वहां बना रखे हैं, दो ही पॉइंट हैं, जरा ये देख लीजिए क्या। हाँ जी, अगर आप धर्म काटा सुनते हैं जहां पे माल तुलवाने के लिए जाते हैं, अगर आप धर्म काटे पे तुलवाने के लिए गए हैं जिसे हम वे ब्रिज बोलते हैं, अगर आप धर्म काटे पे तुलवाने के लिए गए हैं कंसाइनर के प्लेस से वे ब्रिज और फिर वे ब्रिज से वापस कंसाइनर के प्लेस पे, अगर ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर ये डिस्टेंस वापसी भी लेके आ रहे हैं 20 किलोमीटर का है तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है, बस डिलीवरी चालान बनाना है। लेकिन डिलीवरी चालान बनाना है क्योंकि अभी सेल नहीं हुई, आप सिर्फ वहां पे तुलवाने के लिए गए हैं, माल कितना है, ठीक है, तो माल ट्रक को लेके गए हैं धर्म कांटे पे तुलवाने के लिए, वेट कितना है, तो उसके लिए आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक और केस, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, जब कस्टम पोर्ट से आप आईसीडी लेकर जा रहे हैं या सीएफएस इनलैंड कंटेनर डिपो, सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन, यहां ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही जब आईसीडी से कस्टम पोर्ट लेकर जाएंगे, भाई आईसीडी से कस्टम पोर्ट कब लेकर जाओगे? अगर माल फॉरेन कंट्री से आया है पहले कस्टम पोर्ट पर आया होगा, फिर कहां पर आया होगा, वहां से उस, अगर वो उस स्टेट का व्यापारी है जहां पे कस्टम पोर्ट नहीं है वहां पर आईसीडी होगा तो वहां पे आया होगा, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट हुआ है तो फिर कस्टम पोर्ट से आईसीडी पे आया होगा। अगर आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे दिल्ली का व्यापारी है वो आईसीडी तुगलकाबाद में सामान दे देता है, वहां से कस्टम पोर्ट पे आता है और फिर एक्सपोर्ट हो जाता है।
तो अगर यहां से कस्टम पोर्ट से आईसीडी या सीएफएस में आया, या यहां से आप वापस भेज रहे हो, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप यहां से अपने प्रिमाइसिस पर, इंपोर्टर अपनी लोकेशन पर लेके जाएगा, तब ई वे बिल की जरूरत है। ऐसे ही आईसीडी से अगर मान लीजिए कोई कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस पर लेके जा रहे हैं, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, वेयरहाउसिंग का चैप्टर है कस्टम में, लेकिन आपके कोर से हटा दिया गया है, कुछ स्पेशल वेयरहाउसेज है कस्टम के वेयरहाउस है, वहां पर आप कस्टम सील के अंडर लेकर जाते हैं, तो भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन, जब वेयरहाउस से क्लियर करा के अपने प्रिमाइसिस पर लेके आओगे, तब ई वे बिल की जरूरत है, क्योंकि तब वो कस्टम की निगरानी या कस्टम की सील में जा रहा है, तो फिर उन्होंने ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। ठीक है, आइए जरा अब हम फटाफट से अपने नोट्स में पढ़ लेते हैं, कब कब ई वे बिल की जरूरत नहीं है, कब कब ई वे बिल की जरूरत नहीं है। पहला, A4 अनेक्शर में लिखे हुए गुड्स के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अनेक्शर में क्या लिखा हुआ है जी? जब एलपीजी का सिलेंडर आप हाउस होल्ड या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी दुकानों पर पहुंचाने जा रहे हैं, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। कैरोसिन को जब आप बेच रहे हैं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस की गाड़ी जा रही है, पोस्ट ऑफिस की लाल वाली गाड़ी देखिए, पोस्टल बैगेज जा रहा होता है उसमें, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गोल्ड ये ज्वेलरी या प्रेशियस स्टोन के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। यहां क्यों जरूरत नहीं है? लॉजिक हम पहले ही बात कर चुके हैं, शुरू में ही बता दिया, तो माल ही लूट जाएगा सारा। करेंसी, आरबीआई का पैसा बैंक में जा रहा, करेंसी माल लूट जाएगा सारा। यूज पर्सन हाउस होल्ड इफेक्ट, अपनी गाड़ी आप रोज दिल्ली लेके जाते हो, आते हो, तो उसके लिए हर रोज ऐसे ही बताते रहेंगे क्या? तो यूज हाउस होल्ड गुड्स के लिए बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोरल, अनवर्क, वर्क कोल, ये प्रोडक्ट जो है इसके लिए भी ई वे बिल की जरूरत है। तो हम यहां पे बात करी अनेक्शर में लिखे हुए गुड्स के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नी फॉर, बी फॉर बैलगाड़ी, बी फॉर बैलगाड़ी, जब नॉन मोटराइज कन्वेंस है, नॉन मोटराइज कन्वेंस है, जैसे एग्जाम्पल बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा, तो उस केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सी और एच पॉइंट मैंने कनेक्ट किए हैं रूल 138 के, सी और एच, सी पॉइंट और एच पॉइंट, ये क्या है? पोर्ट टू आईसीडी सीएफएस या वाइस वर्सा, आईसीडी सीएफएस टू पोर्ट, तो ये कस्टम की निगरानी में जा रहा है, इसलिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सी पॉइंट और आपका एच पॉइंट, ये आपके कनेक्टेड हो गए, ठीक है। और ये अभी आप इसका चार्ट भी देख के आए हैं यहां तक, कस्टम सुपरविजन, जब आप कस्टम सील में कस्टम वेयरहाउस पर लेके जाते हैं, तब भी आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डी फॉर डिक्लेयर्ड एरिया, ये क्या है जी? विद इन स्टेट, ध्यान रहे, विद इन द स्टेट, Within such areas as are notified in that particular state, इस किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे मान लीजिए नोटिफाई कर दिया जाता है नोएडा में ही डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, नोएडा में ही SCZ है, सेम स्टेट में है, तो SCZ में माल लेके जाना, वैसे तो इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, लेकिन वहां पर ई वे बिल के लिए माफी दी जा सकती है। तो अगर 138.14 ये डी पॉइंट है, यहां पर अगर नोटिफाई किया गया, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल SCZ मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, ई और जे पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। ई फॉर एग्जम्प्ट, याद करने का तरीका है ना, ए फॉर अनेक्शन में लिखे हुए गुड्स थे, बी फॉर बैलगाड़ी था, सी फॉर कस्टम पोर्ट टू आईसीडी था, डी फॉर डिक्लेयर्ड एरिया हो गया, ई फॉर एग्जम्प्ट या निल रेटेड गुड्स के लिए। आपको भाई जीएसटी नहीं है, तो ई वे बिल के लिए क्या करेंगे उसका? एग्जम्प्ट है, निल रेटेड है, भाई जीएसटी नहीं है, कोई इवेजन का चांस ही कहां है, तो ई वे बिल बना के क्या नाचेंगे? लेकिन डी वर्ल्ड केक में एग्जम्प्टेड भी हो, तब भी ई वे बिल बनाना है, ठीक है। अदरवाइज जे पॉइंट भी हो गया आपका, ये एग्जम्प्टेड, और ये जे में निल रेटेड की बात करता था, ठीक है। ये इसमें निल रेटेड गुड्स हैं जिन पे निल रेट है। नेक्स्ट, F4-5 पेट्रोलियम ट्रक जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल और 5 पेट्रोलियम ट्रक जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इनके लिए भी जीएसटी नहीं है, तो ये बिल कहां से होगा? जी फॉर जीएसटी जिन पर नहीं, थर्ड शेड्यूल में लिखे हुए गुड्स, उनके लिए भी ई वे बिल की जरूरत नहीं। एच हो गया है। अब आई, आई फॉर इंडिया टू नेपाल, नेपाल भूटान टू इंडिया, ये क्या है जी? असल में क्या होता है, नेपाल भूटान जो है लैंड लॉक कंट्रीज हैं, मतलब शिप, समुद्र नहीं लगता उनके चारों तरफ, तो उस वो माल क्या करते हैं, हमारे इंडियन पोर्ट्स का यूज करते हैं, तो उनका माल अगर आया हमारे इंडियन पोर्ट्स पे, फिर वो अपना नेपाल में लेके गए, या उन्होंने माल एक्सपोर्ट करना तो पहले वो हमारे पोर्ट पर लेके आएंगे, वहां से एक्सपोर्ट होगा, तो उसके लिए हमने बोल रखा है
कि आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं 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 है। नेक्स्ट, डिफेंस का सामान। अब ये देखेंगे जे पॉइंट तक तो हमारे ऐसे हो गए थे, ए फॉर अनेक्शन में लिखे हुए गुड्स, बी फॉर बैलगाड़ी, सी फॉर कस्टम पोर्ट टू आईसीडी या वाई से बता, डी फॉर डिक्लेयर एरिया, ई फॉर एग्जाम नील रेटेड, एफ फॉर फाइव पेट्रोल प्रोडक्टर अल्कोहल, जी फॉर जीएसटी जिन पे नहीं थर्ड शेड्यूल वाला, एच भी हो गया, आई फॉर इंडिया टू नेपाल भूटान, और जे तक हो गए थे। अब हमारे अगले के एल एम एन ओ के लिए हमने एक छोटी सी कहानी बना दी। डिफेंस वाले अपना सामान लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट रेल के थ्रू सामान लेके जा रही है, एम्प्टी कार्गो या एम्प्टी कार्गो ये जो इनके कंटेनर्स होते हैं जिनमें एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं इनको लेके जा रहे हैं, एम्प्टी सिलेंडर में एलपीजी भरने के लिए लेके जा रहे हैं या वे ब्रिज पर लेके जा रहे हैं, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। ये अगले पॉइंट्स आ गए आपके, जहां ई वे बिल की जरूरत फिर नहीं है। वे ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है, 20 किलोमीटर वाली, मैं आपको स्लाइड से करा चुका, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं आगे, एक ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहे, सी एन स्टूडियो पूछ सकता है आपसे, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल याद करें 10(1)(b) प्लेस ऑफ सप्लाई का जो हमने किया था, याद आता है बिल टू शिप टू मॉडल क्या था? हाँ जी, ध्यान दीजिए, बी ने ए को माल बेचा, ये इसे बिल बनाकर देगा, ए ने आगे ये माल सी को बेच दिया, अभी इसके पास, इसने अपने पास लाने से पहले ही इसने सी को माल बेच दिया, तो इसने बी ने क्या किया, बिल टू तो इसको किया, और इसने ए ने बोल दिया बी को, तो एक काम कर शिप टू वहां कर दे, शिप टू वहां कर दे सी को। तो बी ने माल बेचा था किसको, ए को, बी ने माल किसको बेचा था, ए को, इसको बिल बना के दे दिया, ए के कहने पे इसने क्या किया, माल सी के पास भेज दिया, शिप टू कर दिया। अब सवाल यह था, एक बिल तो बी ने काटा होगा ए को, तो देखा लिखा हुआ एक इनवॉइस तो बी ने बना के दिया ए को, दूसरा इनवॉइस ए ने सी को बना के दिया, दूसरा इनवॉइस ये ए ने क्योंकि सी को बेचा, तो अब हम तो बात कर रहे थे इनवॉइस वाइज ई वे बिल बनेगा, लेकिन यहां तो मूवमेंट तो एक ही हो रही है, दो मूवमेंट थोड़ा है, इनवॉइस यहां पर मूवमेंट तो एक ही हो रही है ना, बस बी से सीधा डायरेक्टली सी के पास जा रहा है, तो यहां क्लैरिफिकेशन दी उन्होंने, एक ही ई वे बिल बनेगा, ये बी बना सकता है या ए बना सकता है, इनकी मर्जी है, तो एक क्लैरिफिकेशन आ गई, क्योंकि मूवमेंट एक ही हो रही है, दो मूवमेंट नहीं है, इसलिए आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी ई वे बिल बना सकता है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये इस क्वेश्चन की वैसे रेलेवेंस रही नहीं, ये क्या है, पहले इन शुरू शुरू में इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए ही ई वे बिल आया था, अब इंट्रा के लिए भी आ गया, लेकिन कुछ स्टेट्स ने इंट्रा में 1,00,000 किलोमीटर रखी है, हमारे एग्जाम के लिए 50,000 ही चेक करनी है, ठीक है, हमें स्टेट वाइज कोई लिमिट नहीं चेक करनी, जैसे दिल्ली ने 1,00,000 कर दी वो हमें नहीं चेक करनी है, ठीक है, हमें 50,000 ही चेक करनी है। अच्छा, तो हमने बात करी, ऐसा हो सकता है जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे को सोनीपत से माल अगर गुड़गांव में भेजना है तो इसमें क्या होता है, दिल्ली के रास्ते लेके जाना पड़ता है, सोनीपत से दिल्ली के रास्ते ही गुड़गांव में जाता है, साथ में ही लगता है, तो दूसरे स्टेट के थ्रू इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है, तो ये पहले की बात है, अब तो इंटरस्टेट मूवमेंट पे भी ई वे बिल आ गया, जब इंटरस्टेट मूवमेंट पे ई वे बिल था तो ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई कि ये बताओ कि क्या ई वे बिल बनेगा, जा तो एक ही स्टेट में रहा है सोनीपत से गुड़गांव, ये दोनों हरियाणा में आते हैं, सोनीपत और गुड़गांव कहां पे आते हैं, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं अभी, वो दोनों कहां पे आते हैं, ये आते हैं हरियाणा में, तो क्या ई वे बिल बनेगा, उनका इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है ना, बनेगा, अब तो इंट्रा के लिए भी है, इसमें ये लिखा हुआ। नेक्स्ट, DTA टू SCZ दोनों एक ही स्टेट में है, क्या ई वे बिल बनेगा, बनना तो है, लेकिन अगर इसे 138(14)(d) में माफ किया हुआ है तो हम छोड़ देंगे, अदरवाइज बनना है। अब नतीजा क्या निकलेगा अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं, तो सेक्शन 122 में पेनल्टी लगेगी 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज ग्रेटर। दूसरा, सेक्शन 129 में वो कहता है अगर आपने कंट्रावेन किया प्रोविजंस को, कंट्रावेन क्या किया है, आपके पास इनवॉइस नहीं है, ई वे बिल नहीं है, और ये सेक्शन ने रूल, सेक्शन 68 ने बोल रखा था आपके पास ई वे बिल होना चाहिए, आप कंट्रावेन कर रहे हैं,
या रूल्स को कंट्रावेंट कर रहे हैं तो आपके गुड्स डिटेन कर लिए जाएंगे, सीज कर लिए जाएंगे, उनका पोजेशन वो ले लेंगे। और अब आप इनको छुड़वाना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जितना इन पे टैक्स बनता होगा और पेनल्टी टैक्स के बराबर लग जाएगी। तो अब मैं आपको सेक्शन 129 कराऊंगा क्योंकि इससे कनेक्ट होके क्वेश्चन आपके पास आता है, या अलग सेपरेट भी आ सकता है, ठीक है। तो तभी तो आपको 10-12 नंबर की क्लास बन जाएगी। बस एक सेक्शन 129 अब मैं करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो 138 ए बी सी डी दिए हुए हैं, ये हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, ई है ना। तो आपका ई वे बिल वाला पार्ट खत्म हुआ। अब इसके साथ कनेक्टेड जो है सेक्शन 129, अब मैं आपको वो कराने जा रहा हूँ। तैयार हो? जल्दी से आ जाइए, एक बार स्लाइड दिखाता हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे, ये जो मैं चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ ये आपके पास बना हुआ है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगला चैप्टर 18 है, उसमें ये आपके पास सेक्शन 129 पेज नंबर 18.12 पर है, इसे तो आप रीड करना। लेकिन ये मैंने आपको इसका चार्ट भी बना कर दे रखा है। कहाँ? ये देखिए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का चार्ट है पेज नंबर 18.11 पर। आप अपना 18.11 पेज निकाल लो फटाफट से, इससे कनेक्टेड है ये, मैं आपको करा रहा हूं यही चार्ट जो आपको यहां दे रखा है, पेज नंबर 18.11 पर, पेज 18.11 फटाफट से निकालिए, जल्दी करो। पहले मैं आपको स्लाइड से समझा देता हूं और फिर यहां पे आ जाएंगे इसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइए फटाफट से यही चार्ट दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्लाइड से दिखाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा। सेक्शन 129 ये क्या कहता है, सप्लायर से माल जा रहा है रिसिपिएंट को, है ना, बीच रस्ते में चेकिंग हुई। जब बीच रस्ते में चेकिंग हुई, इसके पास ना इनवॉइस था ना ही ई वे बिल था, क्या करें अब। सेक्शन 129 कहता तुमने कंट्रावेन किया सेक्शन 68 और जो रूल 138 ए था उसको आपने कंट्रावेन किया है। सेक्शन 68 कहता था आपको साथ में एक तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस, एडिशनल डॉक्यूमेंट ई वे बिल, ये रूल 138 ए भी बोलता है, ये कहते थे कि आपको लेकर चलना, आपके पास है नहीं, आपने कंट्रावेन किया है उनके प्रोविजन को, सेक्शन 68 और रूल 138 ए को कंट्रावेन किया है। तो इसलिए हम आपके गुड्स को भी और कन्वेंस को भी, गुड्स को भी और कन्वेंस को भी सीज करेंगे। सीज मतलब पोजेशन में ले लेंगे, वो अपने पोजेशन में ले लेंगे। अगर आप इनको छुड़वाना चाहते हो तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। अब उन्होंने सीज कर लिया, पोजेशन में ले लिया, अगर आप इनको रिलीज कराना चाहते हो हम आपको ऑप्शन देते हैं। और यहां भारी फाइन है, और इस सेक्शन के अगेंस्ट में कई रिट लगी हुई हैं आप कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, लोगों ने बहुत भारी पेनल्टी चुकाई है, वो रो रहे हैं खून भरे आंसुओं से इसके। देखो क्या कहता है ये, कि अब आपको माल छुड़ाना है तो अगर ओनर आता है सामने, वो सामने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है कि हाँ मैं टैक्स पेनल्टी देना चाहता हूं, चेक करेंगे गुड्स टैक्सेबल है या गुड्स एग्जम्प्ट है। अगर गुड्स टैक्सेबल है तो हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे और पेनल्टी टैक्स के बराबर लेंगे। अगर टैक्सेबल गुड्स हैं तो हम टैक्स लेंगे और पेनल्टी टैक्स के बराबर लेंगे। अगर एग्जम्प्टेड हैं, फिर एग्जम्प्टेड में तो ई वे बिल बनता नहीं, अभी आपने बताया था इनवॉइस तो होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई तो होना चाहिए ना आपके पास में, वो भी नहीं है आपके पास में। तो अगर एग्जम्प्टेड हैं तब हम, ओनर सामने आया है ना पे करने के लिए, तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, तो हमने मैक्सिमम कितना किया, मान लीजिए 2% आ रहा है 10,000, तो 25,000 विच एवर इज लेस 10,000,
2% आ रहा है मान लो 1 लाख और 25,000, तो यहाँ पर हमने एग्जम्प्टेड में ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगाई, 25,000 मैक्सिमम लगा रखी है, ठीक है। तो आपको 2% और 25,000 विचौल, तो टैक्स तो है नहीं यहाँ पे, बस यही यही देना पड़ेगा, 25,000 मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आपके गुड्स डिटेन कर लिए गए हैं, सीज कर लिए गए हैं, अब आप इनको छुड़वाना चाहते हैं, तो देखेंगे ओनर सामने आया कि नहीं आया टैक्स पे पेनल्टी करने के लिए। अगर ओनर सामने आया, ये कब माना जाएगा ओनर आइडेंटिफिएबल है, अरे ये क्या हुआ आपने बताया नहीं, हैंक हाँ जी अब ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर ओनर सामने आया, ओनर सामने आया गुड्स टैक्सेबल हैं, गुड्स टैक्सेबल हैं, तो क्या देना है टैक्स और पेनल्टी कितनी टैक्स के बराबर। एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, ये देना है आपको। अगर ओनर सामने नहीं आया, सर ये ओनर सामने आए या ना आए का क्या मतलब है, ओनर सामने आए या नहीं आए के लिए सर्कुलर इशू क्या, अगर माल के साथ इनवाइस है तो इसका मतलब ओनर का पता है, तब ओनर ही पे करेगा। अगर माल के साथ इनवाइस नहीं है, अब पता लगाना पड़ेगा ओनर आ रहा है, ओनर को आइडेंटिफाई किया जा सकता कि नहीं, अगर नहीं तो हम ट्रांसपोर्टर को ही पकड़ के कहेंगे तू सेक्शन 129 के हिसाब से टैक्स और पेनल्टी दे। तो देखें अगर ओनर सामने नहीं आया, वो ट्रक वाले को ही सर्कुलर बताता है ये बात, ये सर्कुलर कहता है कि अगर इस कन्वेंस के साथ में इनवाइस था, अगर इस इनवाइस के साथ इस कंसाइनमेंट के साथ में इनवाइस था तो हम क्या बोलेंगे, कंसाइनर या कंसाइनी जो भी आइडेंटिफिएबल है उसी को बोलेंगे पेनल्टी पे करने के लिए। अगर 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 इसके साथ इनवाइस नहीं था तो प्रॉपर ऑफिसर को डिटरमाइन करना, वो ट्रांसपोर्टर को ही पकड़ लेंगे, फिर ट्रांसपोर्टर को ही कहेंगे तू ही पे कर। तो अगर ओनर सामने नहीं आया तो हम ट्रांसपोर्टर को पकड़ रहे हैं, बोले सुन अगर टैक्सेबल गुड्स थे, ओनर सामने नहीं आया तो हम बोल रहे हैं टैक्स तो दे, पेनल्टी पता कितनी दे, टैक्स के बराबर नहीं, पेनल्टी वैल्यू का 50% माइनस जो टैक्स पे हो रखा है उस पर ऑलरेडी, वैल्यू का 50% माइनस टैक्स पेड। और अगर एग्जम्प्टेड है तो 25,000 तो मैक्सिमम रखी है, लेकिन ये परसेंटेज 2 की जगह हमने 5% कर दिया है, 5% वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, ये होगी पेनल्टी, ठीक है जी। सर कुछ क्वेश्चन समझाओ इसको करने के लिए, जी अभी समझाते हैं। अच्छा इसके अलावा आप ये पे कर दो या इतने की सिक्योरिटी दे दो, या तो आप इतना पे कर दो या इतनी सिक्योरिटी दे दो, या तो आप इतना पे कर दो या इतनी क्या करो या इतनी सिक्योरिटी दे दो, तो हम आपका माल रिलीज कर देंगे। तो हम आपका माल क्या करेंगे, तो हम आपका माल रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे। सर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन देखो जी, 30 लाख का माल था, राइट, 30 लाख का माल था, टैक्स बनता 5,40,000, इस पे ऑलरेडी पे हो रखा है 3,60,000, टैक्स बनता था 5,40,000, पे हो रखा कितना 3,60,000। अच्छा जी अब हमें निकालना है, पहला केस लेते हैं, ओनर सामने आता है, ओनर सामने आता है तो कैसे निकालेंगे, अगर टैक्सेबल गुड्स हैं, पहले सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की बात करते हैं, अगर ओनर सामने आता है तो टैक्स कितना बनता है, टैक्स बनता है 5,40,000, तो हम कहेंगे 5,40,000 प्लस पेनल्टी भी 5,40,000 दे। अगर ओनर सामने आया तो हम कहेंगे ओनर तू पे कर 5,40,000, अगर तू गुड्स कन्वेंस रिलीज कराना चाहता है 5,40,000 टैक्स प्लस पेनल्टी 5,40,000 दे, ये तो सिंपल है जी। अब अगर ओनर सामने नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, एक तो टैक्स दे 5,40,000 प्लस पेनल्टी कितनी दे, 50% ऑफ वैल्यू, 30 लाख की वैल्यू है, 30 लाख का 50% कितना हुआ 15 लाख, इसमें से टैक्स जो पे करेगा वो माइनस कर ले, तो 5,40,000 टैक्स तो दे दे प्लस
50%, अगर हम ट्रांसपोर्टर को फिर पकड़ लेंगे, अगर ओनर सामने नहीं आया तो बोलेंगे तू पे कर अब, एक तो टैक्स प्लस 30 लाख का 50% 15 लाख हुआ, माइनस 3,60,000 जो ये टैक्स पे कर रखा है, तो इन दोनों को ऐड करो, ये 16,80,000 देना पड़ जाएगा, 16,80,000 देना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर ओनर सामने नहीं आया तो हम क्या कह रहे हैं, एक तो तू टैक्स दे प्लस पेनल्टी कितनी, वैल्यू का 50% माइनस टैक्स पेड, वैल्यू का 50% माइनस टैक्स पेड, वैल्यू का 50% 15 लाख है माइनस 3,60,000 जो पे कर रखा है, जो बनता था वो नहीं, जो पे कर रखा है वो माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर एग्जम्प्टेड थे, मानते हैं ये टैक्स वैक्स की बात नहीं, ये सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स की वैल्यू है, तो अगर एग्जम्प्टेड गुड्स की वैल्यू थी, ओनर सामने आया तो 2% ऑफ वैल्यू, 30 लाख का 2%, अगर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं तो ओनर आता है सामने तो 2% ऑफ 30 लाख, ये ज्यादा बनता है, और 25,000 विच एवर इज लेस, तो 25,000 देना पड़ेगा। अगेन अगर ओनर सामने नहीं आया तो 5% ऑफ वैल्यू, 5% ऑफ 30 लाख और 25,000 विच एवर इज लेस, 25,000 मैक्सिमम यही देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में है, आइए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आप आएंगे पेज नंबर 18.7 क्वेश्चन बैंक में, यही क्वेश्चन करने के लिए पेज नंबर 18.7 पे आएंगे क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का क्वेश्चन बैंक खोल लो जरा, पेज नंबर 18.7, क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा, थोड़ा जूम आउट करूं, देखो जरा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स डिटेन्ड और सीज्ड अंडर सेक्शन 129। आपसे गुड्स डिटेन किए गए हैं, सीज किए गए हैं सेक्शन 129 में। इफ ओनर ऑफ गुड्स डजंट कम फॉरवर्ड, अगर ओनर सामने नहीं आ रहा है तो निकालना है, ओनर सामने नहीं आ रहा तो निकालना है। अब ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है ये देखना होगा, जीएसटी दे रखा है जी, टैक्सेबल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है जी, हाँ जी हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है इसके लिए कि ओनर सामने नहीं आया, ओनर सामने नहीं आया, टैक्सेबल गुड्स वाली बात है तो टैक्स लेंगे और पेनल्टी 50% ऑफ वैल्यू माइनस टैक्स पेड। तो देखते हैं, हम उसको बोलेंगे सुन भाई, एक तो हमें तू टैक्स दे दे 5,40,000 प्लस 30 लाख का 50% माइनस 3,60,000, ठीक है जी, एक तो हमें तू 5,40,000 दे दे प्लस 30 लाख का 50% माइनस 3,60,000, 16,80,000 ये दे दे। कह रहा अगर ये गुड्स एग्जेम्प्ट होते तो फिर बताओ वैल्यू वही रहती, तो फिर क्या था, हाँ जी हमारा चार्ट क्या बोलता था, हमारा चार्ट बोलता था अगर एग्जेम्प्टेड ओनर सामने नहीं आया 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, तो 5% ऑफ 30 लाख और 25,000 विच एवर इज लेस, तो 25,000 मैक्सिमम, 1.5 लाख और 25,000 विच एवर इज लेस, 25,000 आएगा, ठीक है जी, यहां तक ठीक है। आइए अब मैं चार्ट को कंप्लीट कराता हूं, स्लाइड पे वापस आएंगे, ये स्लाइड फिर से दिखाता हूं मैं आपको, देखें देखिए जरा, हाँ जी ऑल गुड्स कन्वेंस, अब ये चार्ट आपके पास ऐसा दे रखा है, जो भी कन्वेंस है और ये गुड्स हैं ये डिटेन या सीज कर लिए जाएंगे अगर ये कंट्रावीन किया जाता है प्रोविजन को, एक्ट या रूल से। कंट्रावीन क्या था, इनवाइस नहीं था, ई वे बिल नहीं था रस्ते में, तो इनको सीज कर लिया जाएगा। अब इसका रिलीज कैसे करा सकते हो, इनका रिलीज कराने के लिए हमें देखना होगा ओनर सामने आता है कि ओनर सामने नहीं आता, ओनर आता है टैक्सेबल गुड्स हैं तो टैक्स प्लस पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, अगर एग्जम्प्टेड सामान है 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, अगर ओनर सामने नहीं आता तो हम ट्रांसपोर्टर को पकड़ लेंगे, हम कहेंगे तू पे कर अब, अगर टैक्सेबल सामान है टैक्स प्लस पेनल्टी कितनी 50% ऑफ वैल्यू माइनस टैक्स, अगर एग्जम्प्टेड सामान है तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। अब ध्यान से सुनिए, हाँ जी अब ध्यान से सुनिए, ये हमने बात कर ली कि ओनर सामने नहीं आता तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओनर सामने नहीं आता तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
एक पॉइंट, ये वाली पेनल्टी सीजीएसटी की है या एसजीएसटी की है या दोनों की मिलाकर है? हम क्या पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट है हमारे कोर्स में, तो हम सीजीएसटी एक्ट की ये पेनल्टी पढ़ रहे हैं, तो इतनी ही पेनल्टी एसजीएसटी में भी। जैसे पेनल्टी हम बात कर रहे हैं, हम ये सीजीएसटी के टैक्स की बात कर रहे हैं और सीजीएसटी की ही पेनल्टी की बात कर रहे हैं, तो इतनी पेनल्टी एसजीएसटी में भी, चाहे एग्जेम्प्टेड हो या वहां पे टैक्सेबल की बात करें। अगर ये आईजीएसटी हो तो क्या हम पेनल्टी डबल कर दें, ये जो परसेंटेज हैं इनको डबल कर दे, जैसे यहां 50% है इसको 100% कर दे? जी हाँ, आप वहां पर इसे डबल कर देंगे पेनल्टी। अगर आईजीएसटी की बात करें, क्योंकि ये तो सीजीएसटी की हुई, इतनी ही एसजीएसटी की, तो आईजीएसटी में इसको डबल कर देंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, ये हमने बात कर ली थी, या तो ये इतना पे करे या इतने की सिक्योरिटी दे। अब एक दो पॉइंट और आ रहे हैं, वो ये कि इसके लिए वो नोटिस भेजेगा, प्रॉपर ऑफिसर इसके लिए नोटिस भेजेगा सेक्शन 129 में, उसे क्या पे करना है, वो पेनल्टी लिख कर देगा, इतना तुम्हें पे करना है, ये टैक्स, ये पेनल्टी, ये वाला अमाउंट निकाल के वो खुद बताएगा, और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बेइंग हर्ट देगा। ध्यान रहे, ये गुड्स डिटेन या सीज बिना ऑर्डर के नहीं हो सकते हैं, ऐसा सेक्शन 129 में लिखा हुआ है। अब आप समझिए क्वेश्चन, ये देखिए, गुड्स 80,000 के थे जिस पे आईजीएसटी 18% बनता है, ठीक है, 18% बनता है। अब हम आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, तो सीजीएसटी जीएसटी मिलकर आईजीएसटी का रेट बनता है, 9% रहा होगा, तो 18%, ठीक है। अब सवाल है कि इसके पास ई वे बिल नहीं है, इनवाइस नहीं है, तो अब इस पे हम सेक्शन 129 वाली पेनल्टी कैसे लगाए? पेनल्टी हम करेंगे डबल। अगर ओनर सामने नहीं आता, या ओनर सामने आता है, ओनर सामने आता है तो फिर तो बड़ा सिंपल है, 18% 80,000 का कितना आता है जी, 80,000 का 18% ये आता है 14,400। अगर टैक्सेबल गुड्स की बात है 14,400, और पेनल्टी भी कितनी, 14,400, ठीक है। अगर टैक्सेबल गुड्स की बात है तो यहां पर इसे क्या करना है, ये टैक्स जो है ओनर पे करता है, तो 14,400 प्लस 14,400। अगर ओनर सामने नहीं आता, अब टैक्सेबल गुड्स की बात है, ओनर सामने नहीं आता तो कैसे निकाले, हमें डबल करना होगा, ठीक है, हमें डबल करना होगा। यहां पर पेनल्टी हम डबल 100% लेंगे, ये वाली परसेंटेज हमें क्या कर देनी है, ये डबल कर देनी है, आईजीएसटी में डबल कर देनी है। तो अब हम 80,000 का 50% नहीं, 80,000 का 100%, 80,000 हुआ, 80,000 में से टैक्स पेड माइनस करेंगे, 80,000 में से टैक्स पेड माइनस करेंगे। मानते हैं कि इसके ऊपर में ओनर सामने नहीं आ रहा है, तो एक तो टैक्स देना 14,400 प्लस, सॉरी, ये टैक्स का 100% करना था, फिफ्थ, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हंड्रेड परसेंट ऑफ 80,000, लेस 14,400। हाँ जी, अब आएंगे यहां वापस, तो अगर ओनर सामने नहीं आता तो एक तो टैक्स देना है 14,400, और दूसरा क्या देना है, वैल्यू का 100% ले लेंगे यहां पे, माइनस टैक्स पेड, टैक्स पेड मानते हैं 14,400 पे हो गया है, तो टैक्स पेड ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमें जो पे करना है। यही क्वेश्चन अगर आपको देखना है, हमारे पास क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, आइए जरा देखें क्वेश्चन बैंक में, पेज नंबर 17, नहीं 17 नहीं, ये तो है आपका 18.7, 18.7, पहले वाला भी 18 बोला था ना, हाँ ये 18 था, चैप्टर 18 का था, तो 18.7 पे देखेंगे ऑफेंसेस पेनल्टीज में। एक्स वाई जेड कैरीज गुड्स फ्रॉम वडोदरा गुजरात टू पुणे महाराष्ट्र, वैल्यू ऑफ गुड्स 80,000, चार्जेबल टू जीएसटी 18%, प्रॉपर ऑफिसर इंटरसेप्टेड अंडर सेक्शन 68 एंड फाउंड कंट्रावेंशन, उसके पास ई वे बिल नहीं था। अब पेनल्टी निकालनी है सेक्शन 129 में, अब हम सिर्फ पेनल्टी निकालनी है, ठीक है,
वगैरह से पेनल्टी बता दो, एक्स वाई जेड सामने आता है, एक्स वाई जेड सामने नहीं आता टैक्स पेनल्टी देने के लिए। अगर एक्स वाई जेड सामने आता है तो क्या देना पड़ेगा जी, 18,000 का 18% ये आ जाएगी पेनल्टी। टैक्स प्लस पेनल्टी कितनी देनी होती है, टैक्स के बराबर में टैक्स यही आ गया। अगर सामने नहीं आता है तो 1800 का 100% 80,000 हुआ, माइनस 14,400 जो उसने पे किया होगा, 65,600 ये पे करना पड़ जाएगा जी। ठीक है जी, अब आप इसे चार्ट में देख सकते हैं, यही जो मैंने आपको दिखाया है सेम सेम पेज नंबर 18.11 पर, ये सेक्शन 129 दे रखा है। मैं एक बार यहां से रीड करा देता हूं, मेन से आप घर पे रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, सेक्शन 129, सभी गुड्स कन्वेंस डॉक्यूमेंट सीज कर लिए जाएंगे, पेज नंबर 18.11 पे आ जाओ फटाफट से। अगर ट्रांसपोर्टर्स, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, इनवाइस नहीं है, इवेबल नहीं है एटसेट्रा, अब आप इसका रिलीज कैसे करा सकते हैं, ओनर सामने आता है, टैक्सेबल गुड्स हैं, टैक्स प्लस पेनल्टी टैक्स के बराबर में। अगर ओनर सामने नहीं आता, टैक्सेबल गुड्स हैं, टैक्स प्लस पेनल्टी 50% वैल्यू माइनस टैक्स पे। अब एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात करें, ओनर सामने आता है, 2% वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए 5% वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। ये इतनी पेनल्टी है सीजीएसटी के, इतनी एसजीएसटी में भी लगेगी, है ना, इसलिए आईजीएसटी में हम डबल करते हैं। या तो ये दे दो या सिक्योरिटी दे दो इसकी, या सिक्योरिटी दे दो। अब ओनर सामने आया है नहीं आया, उसके लिए सर्कुलर है, वो कहता है अगर उसके साथ इनवाइस अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट साथ में था फिर तो ओनर आइडेंटिफाइबल है, कंसाइनर कंसाइनी उसे ओनर मान के उससे पे कराएंगे। अगर इनवाइस डॉक्यूमेंट नहीं था तो ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, वो ट्रांसपोर्टर को पकड़ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट, गुड्स और कन्वेंस शेल नॉट बी डिटेन्ड विदाउट सर्विंग ऑर्डर, बिना ऑर्डर के वो डिटेन नहीं हो सकते। और आपको रिलीज कराना है गुड्स को अगर प्रोविजनल बेसिस पर, तो सेक्शन 67 जो हमने इंस्पेक्शन में कल वाली क्लास में किया था, तो उसके हिसाब से आप अपना रिलीज करा सकते हैं टैक्स पेनल्टी देकर। हाँ जी, नेक्स्ट, ये ऑर्डर पास करने के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा सेक्शन 129 में। नोटिस में हमें जो पेनल्टी ये निकलती है 129 वाली, ये लिख के देनी होगी और उस बंदे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, उसका पक्ष सुनना होगा, फिर ऑर्डर पास होगा। अगर ये अमाउंट 129(1) वाला 14 डेज में नहीं पे करता है तो सेक्शन 130 में फर्दर प्रोसीडिंग होगी। अगर ये 129(1) वाला ये सारे ही पेमेंट कर देता है तो ये प्रोसीडिंग बंद। अगर ये नहीं पे करता, 14 डेज का टाइम है, सेक्शन 130 में कॉन्फिस्केशन होती है, कॉन्फिस्केशन होती है। कॉन्फिस्केशन से क्या होता है, ओनरशिप गवर्नमेंट की हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, फिर वो अपना ऑक्शन में बेच के अपने पैसे बनाएंगे। लेकिन अगर पेरिशेबल हजार्डेड गुड्स हैं तो 14 डेज से पहले भी ये पीरियड रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट रह गया, एक बार पेज नंबर 17.25 पे आइए, ये इसी से कनेक्टेड पॉइंट है वो, पेज नंबर 17.25 पे आइए एक बार। सेक्शन 129 से कनेक्टेड पॉइंट है, 24 पे सर्कुलर शुरू हो रहा है और 25 पे उसका क्वेश्चन दे रखा है। पेज नंबर 17.24 पे ये सर्कुलर शुरू हो रहा है और इसका क्वेश्चन पेज नंबर 17.25 पे दे रखा है, वहीं से समझ लेंगे। क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट करके दिया है इसके ऊपर में, पेज नंबर 17.25 पर क्या है, ये उल जलूल पेनल्टी लगा रहे थे डिपार्टमेंट वाले सेक्शन 129 वाली, वजह क्या थी, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कंसाइनर के नाम में, तो आप इसके लिए थोड़ा सेक्शन 129 के पेनल्टी लगाओगे। तो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया, ये ए टू एफ ये गलतियां हैं, कोई चोरी करने की इंटेंशन नहीं है, इसलिए ए टू एफ वाले अपराधों में हम पेनल्टी सेक्शन 129 वाली नहीं लगाएंगे। अगर कंसाइनर कंसाइनी के नाम में कोई गलती है, जीएसटी इनकरेक्ट है,
पिन कोड में कोई एरर है लेकिन इससे उसकी वैलिडिटी ईवे बिल की नहीं एक्सीड होती है। कई बार एक आधा डिजिट इधर उधर डल जाता है, तो पिन कोड जो कंसाइनर कंसाइनी के डाला उसमें कोई गलती रह गई, या कंसाइनी के एड्रेस में कोई एरर है। कई बार क्या होता है कि उसका हाउस नंबर या जो मान लीजिए शॉप नंबर है वो थोड़ा सा एक आधा डिजिट इधर उधर डल गया, बाकी लोकेलिटी तो आपने वही लिखी ना, ठीक है फिर। या जो आपने इनवाइस नंबर डाला उसमें ईवे बिल बनाते समय, उस इनवाइस बिल नंबर में थोड़ी इधर उधर मिस्टेक हो गई, या एचएसएन जो गुड्स का कोड आप डालते हैं उसमें कोई गलती रहेगी। पहले दो डिजिट तो आपने गुड्स कोड के सही डाले, जो कि चैप्टर होता है उस प्रोडक्ट का, वो तो आपने सही डाला, फिर आगे कोई गलती हो गई, या नेक्स्ट व्हीकल नंबर में कोई एक दो डिजिट में गलती हो गई, तो इन अपराधों की वजह से सेक्शन 129 इनिशिएट नहीं किया जाएगा। हाँ, एक जनरल पेनल्टी है सेक्शन 125 की, जो 25,000 तक सीजीएसटी में, 25,000 तक एसजीएसटी में मैक्सिमम लग सकती है। तो कह रहा हम उतनी ना लगा के 500 रुपए सीजीएसटी में, 500 रुपए एसजीएसटी में लगा सकते हैं, मतलब 1,000 की, अगर ये वाली गलतियां हैं तो। सेक्शन 129 में हम गुड्स सीज नहीं करेंगे, मतलब सेक्शन 129 तो फ्रॉड छोड़ो हर केस में है। सेक्शन 129 बोलता था अगर आपने कंट्रावेन किया, मतलब आपके पास इनवाइस नहीं है, आप कह रहे हो मैं इनवाइस भूल गया था, अगर भूल भूल नहीं, अब तो हम सीज करेंगे, क्योंकि सेक्शन 129 तो फ्रॉड वाली इंटेंशन देख ही नहीं रहा, वो तो कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, अगर कोई भी कंट्रावेंशन है प्रोविजन का, ये कंट्रावेंशन है प्रोविजन का, यहां लगा रहे थे 129। तो आपको समझ में आता होगा क्यों कोर्ट के पास ये गए हुए हैं कई रिट, कि सेक्शन 129 तो ड्रैकुला है, ये तो ये कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, इंटेंशन तो देखो मेरी फ्रॉड करने की, तभी तो 129 लगाओ, आप तो मनमर्जी से 129 लगा रहे हो, ठीक है। तो इन वजहों से इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, ये गलतियों की वजह से, ये 6 गलतियों की वजह से हम सेक्शन 129 नहीं लगाएंगे। हाँ, यहाँ हम सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी जो है, आप ऑफेंसेस पेनल्टीज के चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ 25,000 सीजीएसटी में मैक्सिमम, एसजीएसटी में 25,000 मैक्सिमम लग सकती है, वो लगा देंगे, और वो भी सिर्फ 500 तक ही लगाएंगे, टोटल 1000 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 नंबर का तो मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।